गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ तो भाई क्रैश कोर्स जो हमने स्टार्ट किया है एमपीसीजे और डीजेस दोनों के लिए, ये क्रैश कोर्स है। दोनों के सेपरेट सब्जेक्ट भी हैं, कॉमन सब्जेक्ट भी हैं। आज इस क्रैश कोर्स में हम लोग कवर करने वाले हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जो मध्य प्रदेश के लिए भी इम्पोर्टेंट है, डीजेस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट आप किसी भी स्टेट का जुडिशरी एग्जाम उठा के देख लीजिए, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपके सिलेबस का पार्ट है और एक ठीक ठाक वेटेज ही रखता है, चाहे वो प्रिलिम्स एग्जामिनेशन हो या फिर वो आपका मेंस एग्जामिनेशन हो। एक एवरेज मॉडरेट वेटेज आपको इस सब्जेक्ट का लगभग हर स्टेट जुडिशरी एग्जाम में मिल जाएगा। और अभी तक इस सब्जेक्ट को मैंने यूट्यूब पे नहीं लिया था, तो ये पहली बार स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अपन यूट्यूब पे पढ़ने जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रैश कोर्स। जिस तरीके से बाकी क्लासेस हैं क्रैश कोर्स की, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का क्रैश कोर्स हमने कराया था कि वेरिट में प्रोविजन पढ़े हैं, याद किया है, समझा है, सिर्फ रटा नहीं है, वैसे ही स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को भी आज हम लोग पढ़ेंगे। दो सेशन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के, एक आज होगा एक कल होगा, है ना। आज मैं सेक्शन 1 से 25 तक कवर करूंगा और समझ के पढ़ेंगे इस एक्ट को, जैसे हमने बाकी सारे लॉज को भी पढ़ा है। प्रीरिक्विजिट ये है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का बेरेक्ट आपके हाथ में होना चाहिए और एक नोटबुक और एक पेन आपके हाथ में होना चाहिए टू नोट डाउन सर्टेन एडिशनल इंफॉर्मेशन, और बेरेक्ट आपके पास होना चाहिए ताकि मैं जब प्रोविजन रीड आउट करूं तो आप उसको अपने बेरेक्ट में फॉलो कर पाए और पढ़ के चीजों को अच्छे से समझ पाए। क्योंकि जो पूरा पर्पज इन क्रैश कोर्स का है वो सिर्फ आपका रिविजन या याद कराना नहीं है, चीजों को समझना पर्पज है ना। तो उतना समय भी हम देंगे, कोई जल्दी नहीं है आज, इसीलिए सेक्शन 1 टू 25 में लूंगा। और जो प्रॉब्लम आपको इस एक्ट में होती है कि प्रोविजंस कई बार समझ में नहीं आते, जो मैं हमेशा कोई भी स्टैट्यूट हम पढ़ते हैं, किसी भी लॉ को हम पढ़ते हैं, उसके पहले आप सबको ये बात मैं समझाता हूं कि सबसे पहले आपको स्टैट्यूट का पर्पस समझना पड़ेगा कि ये स्टैट्यूट है क्यों, ये एक्ट आया क्यों, क्या जरूरत क्या है इसकी। ओवरऑल ओवरव्यू अगर आपने उस स्टैट्यूट का समझ लिया है, किस बारे में बात करता है, क्यों है, ये सब सवालों के जवाब अगर आपके पास हैं, तो बिलीव मी किसी भी स्टैट्यूट का, किसी भी रिटन लॉ, कोडिफाइड लॉ को समझने में आपको समस्या फिर नहीं होगी, प्रोविजन फिर समझने में आपको समस्या नहीं होगी, अगर आपने ओवरऑल पर्पस उस एक्ट का समझ लिया है इन दैट केस। तो चलिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात अपन अब करते हैं। और देखिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में कुछ बेसिक बातें, कुछ ऐसे ही सवाल जो मैंने अभी आपसे किए, सबसे पहले हम उनकी बात करेंगे। तो ये जो एक्ट है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, सबसे पहले हमें जानना है कि ये जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है ये है क्या, व्हाट इट इज। कुछ सवाल होते हैं हर एक्ट के जो आपको समझना है, व्हाट सबसे पहले, क्या है ये, क्यों है, व्हाट वाज द नीड ऑफ दिस लेजिस्लेशन, क्यों बनाया गया, क्यों स्टैट्यूट को लाया गया, ऑलरेडी इतने लॉज थे उनसे काम नहीं चल रहा था क्या जो एक और स्टैट्यूट बना दिया, ठीक। और अगर हमने एक और बनाया है तो कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है, एंड हाउ दिस एक्ट इज गोइंग टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स, किस तरीके से वो जो, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज में कुछ तो ऐसी चीज होगी ना जो फुलफिल नहीं हो पा रही थी जिसके लिए लेजिस्लेशन आया, तो कैसे ये उन चीजों को फुलफिल करता है। तो सबसे पहले देखिए इस सवाल का जवाब, व्हाट, क्या है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो जैसा कि आप इसके नाम से समझ पा रहे हैं, यहां लिखा है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। आप जानते हैं हमारे जितने भी सब्सटेंटिव लॉज हैं, लॉज का दो क्लासिफिकेशन है, एक सब्सटेंटिव एक प्रोसीजरल। प्रोसीजरल लॉज प्रोसीजर बताते हैं, सब्सटेंटिव लॉज राइट्स एंड रेमेडीज की बात करते हैं। एक राइट रिकॉग्नाइज करते हैं, उस राइट का अगर वॉयलेशन होता है तो आपको बदले में रेमेडी देते हैं, जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आपके मल्टीपल राइट्स को बताता है, उन राइट्स के वॉयलेशन की रेमेडी देता है। आईपीसी क्रिमिनल सेगमेंट में वही काम करता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक सब्सटेंटिव लॉ है जो आपके राइट को रिकॉग्नाइज करता है और उसके वॉयलेशन में रेमेडी बताता है। तो ये सब्सटेंटिव लॉज ऑलरेडी कर रहे थे स्पेसिफिक रिलीफ में। अब ये जो वर्ड आप यहां पे देख रहे हैं रिलीफ, अलग अलग तरीके के रिलीफ ये भी प्रोवाइड कर रहा है। हमारे पास ऑलरेडी सब्सटेंटिव लॉज हैं, जैसे मान लीजिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट,
आपने एक व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, अगर उस व्यक्ति ने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया तो आपको एक रेमेडी मिलती है वहां, यस और नो? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डैमेजेस की रेमेडी आपके पास है, उधर आप डैमेज ले सकते हैं, तो वो भी एक तरीके का रिलीफ है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देता है इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे ही कुछ और रिलीफ्स स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी देता है। तो मल्टीपल काइंड्स ऑफ रिलीफ, अलग अलग तरीके के। देखिए, राइट का वॉयलेशन हुआ है तो लॉ बदले में रेमेडी प्रोवाइड करेगा। एक मैक्सिम है, उबी जस इबी रेमेडियम, आपने सुना होगा, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। तो रेमेडीज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज में भी अवेलेबल थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये कारण था कि वो रेमेडीज हर बार कंप्लीट जस्टिस नहीं कर पा रही थी केस में। जो ऑलरेडी लॉज में एग्जिस्टिंग रेमेडीज हैं वो कंप्लीट जस्टिस नहीं करती हैं केस में। जरूरी नहीं है कि हर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बदले में आप कॉम्पेंसेशन पकड़ा दें तो उससे जस्टिस हो जाए, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। इसीलिए नीड थी एक ऐसे लेजिस्लेशन की जो कुछ और रेमेडीज भी प्रोवाइड करे। एक एग्जाम्पल से इस नीड के बारे में मैं आपसे बात करता हूं। तो देखिए, एक चीज यहां पे समझिएगा, जैसे मान लीजिए ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया विद अ बिल्डर बी, बी एक बिल्डर है, इसके साथ ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो एक नई सोसाइटी बना रहा है फ्लैट्स की, एक मल्टी कंस्ट्रक्ट कर रहा है वो, और ए ने इधर पे एक फ्लैट बुक कर दिया। ये जो फ्लैट है ए ने बुक कर दिया, अग्रीमेंट हो गया ए और बी के बीच कि जो ऊपर से टॉप फ्लोर के बाद वाला जो फ्लोर होगा वो ए का होगा, इतने पैसे ये देगा, ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब जैसे मान लीजिए एक जिस लोकेशन पे ये बन रहा है, क्योंकि भाई ए ने अगर वहां घर बुक किया है तो उसके कुछ स्पेसिफिक रीजंस होंगे कि उसने उस सोसाइटी में, उस लोकेशन में बनने वाली सोसाइटी में ही घर क्यों बुक किया। जैसे मान लीजिए ए किसी डिस्टेंट लोकेशन पे अभी रहता है जहां ये सोसाइटी बन रही है, इससे किसी और डिस्टेंट लोकेशन पे ए फिलहाल रहता है, लेकिन ए को लगा, इसके मान लीजिए ए के पेरेंट्स हैं जिनकी एज ज्यादा है, उनके ट्रीटमेंट एक ऐसे हॉस्पिटल में चल रहे हैं जो इस सोसाइटी के पास है, ए के बच्चे हैं उनका स्कूल मान लीजिए सोसाइटी के पास है, ए की वाइफ का ऑफिस अभी तो वहां है जहां ए रहता है और ए का ऑफिस भी वहां है, लेकिन क्योंकि इस ये बिल्डिंग में वो घर बुक कर रहे थे, बच्चों का स्कूल यहाँ है, पेरेंट्स का हॉस्पिटल यहाँ है, इसीलिए ए ने इधर घर बुक किया, सारी कंडीशंस बिल्डर को बताई कि भैया मेरे लिए बहुत सहूलियत हो जाएगी अगर इस सोसाइटी में मैं घर खरीद लूंगा और मैं यहां रहने लगूंगा तो मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। हस्बैंड वाइफ दोनों इस लोकेलिटी में जॉब ढूंढने लगे, दे स्विच देयर जॉब इन लियू ऑफ दैट अग्रीमेंट, क्योंकि हमारा तो अग्रीमेंट हो गया है ना बिल्डर के साथ, ये घर तो बनने वाला है, ये हमको मिलने वाला है। उस हिसाब से इन्होंने, मान लीजिए बच्चे किसी और स्कूल में पढ़ रहे थे, उन्होंने वहां से हटवा के उन्हें ऐसे स्कूल में एडमिशन दिला दिया जो इसके पास है, ये सारी चीजें इन लियू ऑफ दैट अग्रीमेंट वो कर चुके हैं। अब मान लीजिए जब डेट ऑफ परफॉर्मेंस आई कॉन्ट्रैक्ट की, बिल्डर को जब ये घर देना था ए को, तो होता यह है कि बी अपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देता है, बिल्डर अपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देता है, कहता भाई मैं नहीं दे पाऊंगा सॉरी, और मैं ब्रीच कर रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट का। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन दिस रिगार्ड क्या रेमेडी प्रोवाइड करता है ए को, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलेगा भैया डैमेज ले लो यार तुम, ये जो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और जिसका ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं किया है बी ने, उसके बदले में आप क्या ले लो, आप डैमेजेस ले लो, हम कोर्ट कहेगा हम आपको डैमेजेस दिलवा सकते हैं। डैमेजेस मतलब कॉम्पेंसेशन। अब आप बताइए इस केस में, ठीक है घर नहीं मिला, उसको एक कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा कि जितने समय उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, या मान लीजिए कुछ एडवांस अमाउंट दिया वो एडवांस अमाउंट उसको वापस मिल जाएगा, एक रीजनेबल कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा, लेकिन क्या इससे कंप्लीट जस्टिस होगा इस केस में? क्या ये सारी चीजें संभव है पैसे में कॉम्पेंसेट करना जो इन लियू ऑफ दिस अग्रीमेंट उस बंदे ने करी है, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं? सो द आंसर इज नो। हर केस में पैसा, डैमेजेस इन कॉम्पेंसेशन कंप्लीट जस्टिस करे ये जरूरी नहीं है। ऐसे में कोर्ट को क्या करना चाहिए, बी को कंपेल करना चाहिए कि भाई साहब आपने बुकिंग करी है, पैसा लिया, आपको ये घर देना पड़ेगा, आप डिनाई नहीं कर सकते अब उसको। और अगर हम बी को कंपेल करते हैं उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिए हुए ऑब्लिगेशन को ही फुलफिल करने के लिए, तो इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हम कहते हैं। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब आप वही चीज परफॉर्म करिए जो ऑब्लिगेशन आपने लिया, डैमेज नहीं देना है,
आपको वो ऑब्लिगेशन फुलफिल करना है। क्या ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की रेमेडी आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दे रहा था? द आंसर इज नो, नहीं दे रहा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये एक अलग तरीके का रिलीफ हो गया जो पार्टी को इस केस में मिलना चाहिए फॉर कंप्लीट जस्टिस, एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वॉज इनकॉम्पिटेंट टू प्रोवाइड सच रिलीफ। ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे और भी हैं, अभी मैं डिस्कस करूंगा एसआरए के बाकी रिलीफ्स। तो यहां पे इसीलिए, क्योंकि हर केस में वो डैमेज या कॉम्पनसेशन या कोई भी एग्जिस्टिंग सब्सटेंटिव लॉ जो रेमेडीज प्रोवाइड करता है वो कंप्लीट जस्टिस करें ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, और इसीलिए देर वॉज नीड ऑफ सच अ लेजिस्लेशन कि वो कुछ दूसरी रेमेडीज भी प्रोवाइड करे। क्यों बनाया गया, क्या है ये, अलग अलग रिलीफ प्रोवाइड करता है, नीड क्या है, वाय, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो लॉज थे वो कंप्लीट जस्टिस इन केसेस में नहीं कर रहे थे। ठीक, ये दो बातें मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गई। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट नाम से ही समझ में आ रहा है कि अलग अलग तरीके के स्पेसिफिक जो आइडेंटिफाइड रिलीफ्स हैं वो ये प्रोवाइड कर रहा है इधर पे, और क्यों कर रहा है, क्योंकि एग्जिस्टिंग लॉज हर केस में कंप्लीट जस्टिस नहीं कर पा रहे थे, जो गैप बच रहा था उसको फिल करने के लिए आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है। हाउ, कैसे करता है, तो भाई स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ना मल्टीपल रिलीफ्स की बात करता है, अलग अलग तरीके के रिलीफ ये आपको देता है। जैसे एक रिलीफ तो अभी मैंने आपको बताया, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, क्या यही इकलौता रिलीफ है? द आंसर इज नो। जरा एक बार बेरिट में कंटेंट वाला पोर्शन खोल लीजिए, बेरिट में कंटेंट्स जो है ना सबसे पहले पेज पे वो निकाल लीजिए, आपको मैं रिलीफ्स बता देता हूं ये कितने और किस किस तरीके के रिलीफ प्रोवाइड करेगा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज शायद प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, इसीलिए ही नीड है इसकी। वो नीड अराइज ही इसलिए होती है क्योंकि एग्जिस्टिंग लॉज वो रेमेडी प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। तो देखिए, रिकवरिंग पजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, सबसे पहले आप पार्ट वन देखिए कंटेंट में, दैट इज प्रिलिमिनरी। पार्ट टू में आप देखेंगे स्पेसिफिक रिलीफ हेडिंग लिखी हुई है, ये अलग अलग तरीके के रिलीफ्स हैं। चैप्टर वन में जो रिलीफ मिल रहा है वो है रिकवरिंग पजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो एक रिलीफ क्या है भाई साहब, पजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की पजेशन दिलाता है ये। जैसे अभी हमने बात करी ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी की पजेशन आप ले सकते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी की पजेशन आप ले सकते हैं, क्योंकि डैमेज हर केस में जस्टिस कर दे या कंप्लीट जस्टिफाई कर दे उस ब्रीच को, ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए पजेशन ऑफ प्रॉपर्टी की एक रेमेडी। अगले चैप्टर का नाम देखिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके बाद सेकेंड रेमेडी आपकी हो गई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कि जो ऑब्लिगेशन आपने लिया है आपको वही फुलफिल करना पड़ेगा, वो कुछ भी हो सकता है। उस केस में वो डिलीवरी ऑफ पजेशन था, और भी कुछ हो सकता है, आपने कहा है मैं आपको मोबाइल फोन दूंगा, कुछ भी एक्स वाई जेड कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की रेमेडी ये प्रोवाइड करता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किसे कहते हैं, जब व्यक्ति को कंपेल किया जाता है वही ऑब्लिगेशन फुलफिल करने के लिए जो उसने अंडरटेक किया है अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखिए, चैप्टर थ्री, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो अगली रेमेडी है रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा ब्रीफ में। तो ये जो रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, अब देखिए क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी चीज आपने डॉक्यूमेंटेड करी है, रजिस्टर्ड करी है, एफिडेविट पे लिखी है, एनीथिंग इस तरीके का। इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो लीगली वैलिड होते हैं, इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट में अगर आपको कोई रेक्टिफिकेशन कराना है, जैसे मान लीजिए आपके और मेरे बीच में एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट हुआ, राइटिंग में हमने एफिडेविट पे एक अग्रीमेंट किया है कि मैं आपको जुडिशरी के लिए पढ़ाऊंगा और आप मुझे एक स्पेसिफिक अमाउंट फीस में देंगे, अब हमने जो वो फाउंडेशन कोर्स लिखा उसकी हमने डिटेल्स भी लिखी है उसमें कि इस फाउंडेशन कोर्स में क्या क्या होगा, मैंने कहा भाई मैं पढ़ाऊंगा, ये होगा वो होगा, सारी चीजें हमने उसमें लिखी हैं। अब आपका कहना, या मान लीजिए वर्बली हम लोगों ने इस चीज के लिए भी अग्री किया था कि इस फाउंडेशन कोर्स में आपको मेंटरशिप भी मिलेगी, ठीक, आजकल मेंटरशिप का बड़ा कल्चर है जुडिशरी, पढ़ाने ज्यादा ध्यान मेंटरशिप पे दिया जाता है, इसके बारे में भी आगे भी मैं बात करूंगा इस लेक्चर में। तो मान लीजिए एक अग्रीमेंट में इंटेंशन हमारा ये भी था कि हाँ भाई इसमें मेंटरशिप भी होगी, लेकिन हमने लिखा नहीं उस बात को,
वर्बली अग्री हम दोनों ने किया है लेकिन लिख नहीं पाया, लिखा नहीं हमने। ऐसी और भी कई सारी चीजें जो कि हम चाह कुछ और रहे थे और लिखा कुछ और गया, इंस्ट्रूमेंट में दोनों ने एग्जीक्यूट कर दिया है। अब लेटर ऑन आपको ये बात रियलाइज होती है कि यार इस इंस्ट्रूमेंट में हमने अग्री तो किया था लेकिन हमने लिखा नहीं है। तो आप कोर्ट के पास, अब यहां पे आपको अभी डैमेज नहीं चाहिए, मैंने ब्रीच नहीं किया है, अभी कोई ब्रीच नहीं हुआ, अभी कोई चीजें वैसी नहीं हुई, लेकिन आप चाहते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि उससे जो प्रॉपर जो सही इंटेंशन था पार्टीज का वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा उस रिटर्न इंस्ट्रूमेंट में, ऐसे केस में आप कोर्ट के पास जा सकते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई कराने, सुधार कराने उसमें। सो ऐसे जो भी रिटर्न डॉक्यूमेंट, मान लीजिए विल है किसी के, कुछ भी एक्स वाई जेड डॉक्यूमेंट, लीगली वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको आप सही कराने के लिए कोर्ट के पास मूव कर सकते हैं, और इस रेमेडी को हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। एक एक करके अपन पूरा प्रोविजन पढ़ेंगे, सारी बातें एक एक इंट्रिकेसीज में आपके साथ डिस्कस करूंगा इस लेक्चर में, लेकिन पहले ये समझिए कि ये सब है क्या, ये जो अतरंगी चीजें आपके कंटेंट में लिखी हैं, एक बार अगर आपने थोड़ा सा इनको समझ लिया कि ये किस पर्पज के लिए है, फिर बेटा प्रोविजन पढ़ना वोंट बी अ बिग टास्क। ठीक, सो रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेरे ख्याल से आप समझ गए, कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट जिसमें पार्टीज का इंटेंशन वो जो है वो उस डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, हम उसमें सुधार कराना चाहते हैं, सिंपल सी बात, इसको अपन कहते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसके बाद देखिए अगला चैप्टर 4 में लिखी अगली रेमेडी, रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए रिसेशन का मतलब क्या होता है बेटा, कैंसिलेशन, है ना, रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कैंसिलेशन। तो रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, किसी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवाना, एक तो यह है कि आप किसी व्यक्ति को कंपेल कर रहे हैं कि उसने कॉन्ट्रैक्ट में जो ऑब्लिगेशन अंडरटेक किया है वो ऑब्लिगेशन फुलफिल करे, उसको अपन कहते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवाना चाहते हैं। अब आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है कब एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है, अगर मान लीजिए आपके और मेरे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उसमें मैं कोर्ट के सामने ये प्रूफ कर दूं कि साहब मेरा जो कंसेंट इस कॉन्ट्रैक्ट पे लिया गया था वो कोर्जन से कॉज्ड था, वो फ्री कंसेंट नहीं था, या अंडर अंडियो इन्फ्लुएंस मैंने आपका कंसेंट उस कॉन्ट्रैक्ट पे ऑप्टेन किया है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कंसेंट अंडियो इन्फ्लुएंस या फिर कोर्जन से ऑप्टेन किया है वो कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, जरा बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो अनड्यू इन्फ्लुएंस से कॉज्ड हो, जिनमें कंसेंट या कोर्जन से कॉज्ड हो, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, लीगल वैलिडिटी क्या होती है उन कॉन्ट्रैक्ट्स की, सो वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वॉइडेबल। वॉइडेबल का मतलब जिस पार्टी का कंसेंट इस तरीके से ऑप्टेन किया गया है वो पार्टी चाहे तो उसे कैंसिल करा सकती है या फिर उसे एनफोर्स करा सकती है, दोनों ऑप्शन होते हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर एनफोर्सिएबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, किसी एक पार्टी के ऑप्शन पे वो एनफोर्सिएबल होते हैं दूसरे के नहीं। तो मैंने अगर आपका कंसेंट अंडियो इन्फ्लुएंस से ऑप्टेन किया है सो दैट कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ यू, आप चाहें तो उसे सेट असाइड करा सकते हैं, कैंसिल करा सकते हैं, आप चाहें तो उसे एनफोर्स करा सकते हैं, मैं नहीं। तो अगर मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट जो कि वॉइडेबल है आपके पार्ट पे, अब उसके लिए आपको डैमेज नहीं ले रहे हैं, अभी आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डैमेज की रेमेडी दे रहा था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको यह बता रहा था कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हैं, लेकिन कोर्ट से जाके वो रिलीफ मिल रहा था क्या, द आंसर इज नो, इसीलिए स्पेसिफिक रिलीफ में वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में वो रिलीफ आपको दिया है जो कि एक चैप्टर में अलग से कोडिफाई किया है चैप्टर 4 में, और उसको हम कहते हैं रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि आप कोर्ट के पास किसी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कराने भी जा सकते हैं, आपको वहां पे जाके एविडेंसेस के थ्रू ये बात प्रूफ करनी पड़ेगी कि ये कॉन्ट्रैक्ट आपके पार्ट पे वॉइडेबल है और आप चाहें तो उसे कैंसिल करा लें। ठीक, दैट्स अनदर रिलीफ। अगला रिलीफ देखिए चैप्टर 5, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। सो अगला रिलीफ इज कैंसिलेशन। कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, अब जरा इस बात को समझिएगा। देखो भाई, अभी हमने देखा कि मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट बना है, कोई चीज डॉक्यूमेंटेड हुई है और उसमें रियल इंटेंशन पार्टीज का क्योंकि रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, जो वो चाह रहे थे वो बातें वहां नहीं लिखी हैं, कुछ और है, तो पार्टी उसमें चेंजेस कराने जा सकता है, रेक्टिफाई करा सकता है, सुधार करा सकता है, दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। लेकिन मान लीजिए किसी इंस्ट्रूमेंट को आपको कैंसिल ही करवाना है, जैसे मान लीजिए
कोई ऐसा अग्रीमेंट है जो कि वॉइड है। अब वॉइड है तो ठीक है, दूसरी पार्टी आपके अगेंस्ट इन्फोर्स नहीं करा सकती, ना आप इन्फोर्स करा सकते हैं, वॉइड अग्रीमेंट का कोई इंपैक्ट नहीं होता। लेकिन वो रिटर्न इंस्ट्रूमेंट तो है, उसका मिसयूज हो सकता है उस डॉक्यूमेंट का, उस रिटर्न इंस्ट्रूमेंट का। ऐसे केसेस में आप कोर्ट के पास जाएंगे और कोर्ट से एक रिलीफ मांगेंगे, कैंसिलेशन, कि साहब इस डॉक्यूमेंट को आप कैंसिल डिक्लेयर कर दीजिए। या मान लीजिए कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो आपके ऑप्शन पे वॉइडेबल है, तो आपने उसको वॉइड तो डिक्लेयर करा लिया कि भाई हम इसमें लिखा हुआ ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करेंगे क्योंकि ये वॉइडेबल है हमारे पार्ट पे, लेकिन दूसरी पार्टी के पास उस इंस्ट्रूमेंट की कॉपी तो अभी भी है। इसका फर्दर इन फ्यूचर कोई मिस यूज हो सकता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए एक रिलीफ इधर पे और प्रोवाइड किया है, जिसको हम कहते हैं कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कि उस इंस्ट्रूमेंट को आप कैंसल्ड डिक्लेयर करवा लेंगे ताकि फिर उसका कोई यूज ना हो। दैट्स अनदर रेमेडी, दैट इज कैंसिलेशन। इसके बाद एक बहुत ही अतरंगी सी रेमेडी इधर पे है, दैट इज डिक्लेरेटरी डिक्री। इसके बारे में भी हम बात करेंगे डिटेल में, चैप्टर 6 में दी है डिक्लेरेटरी डिक्री। देखिए भाई, डिक्लेरेटरी डिक्री होती क्या है? डिक्लेरेटरी डिक्री जो कि सेक्शन 34 बात करता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, डिक्लेरेटरी डिक्री का मतलब होता है आप कोर्ट के पास जा रहे हैं कोई चीज सिर्फ डिक्लेयर कराने। देखिए, एक होता है कि आप ओनर हैं घर के, आप कोर्ट के पास गए पजेशन मांगने। क्यों पजेशन मांग रहे? क्योंकि हम ओनर हैं। लेकिन डिक्लेरेटरी डिक्री में आप ऐसा कोई रिलीफ ना मांग के सिर्फ डिक्लेरेशन मांगते हैं अपने लीगल राइट का, कि आप इस चीज के लिए एंटाइटल्ड हैं या फिर आप इस रिलेशन के लिए, वो लीगल राइट का डिक्लेयर। देखिए, डिक्लेरेटरी डिक्री लीगल राइट का भी डिक्लेरेशन करती है और लीगल कैरेक्टर का भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है जिसका ये कहना है कि एक्स उसका फादर है, एक बच्चा ये चाहता है कि ये डिक्लेयर हो जाए कि एक्स उसका फादर है क्योंकि वो है बायोलॉजिकल फादर उसका, लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। अब आपने इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 112 पढ़ा होगा जो कि लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड को स्टैब्लिश करता है, तो वो रिलीफ किधर है बच्चे के पास? किस हक से वो कोर्ट के पास जाएगा? क्या मांगेगा कोर्ट से जाके? तो वो जाके मांगेगा एक डिक्लेरेशन, एक लीगल कैरेक्टर का। ये एक लीगल कैरेक्टर है कि वो लेजिटिमेट चाइल्ड या फिर बायोलॉजिकल चाइल्ड है इस पर्सन का। कोई लेडी जाके ये डिक्लेरेशन चाहती है कि साहब डिक्लेयर करिए कि ये व्यक्ति हमारा हस्बैंड है, इसने हमसे शादी करी है, लेकिन अभी उस बात को डिनाई कर रहा है। ऐसे डिक्लेरेशंस के लिए एक रिलीफ इधर पे दिया गया है जिसको हम कहते हैं डिक्लेरेटरी डिक्री। इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे, इसका पर्पज क्या है, इससे कौन सा पर्पज फुलफिल होता है डिक्लेयर कराने से। थोड़ा बहुत आइडिया आपको इन एग्जाम्पल से ही लग गया होगा, बट इसकी अपन बहुत डिटेल में भी बात करेंगे अभी जब प्रोविजन पे आएंगे। अभी तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि किस तरीके के रिलीफ्स ये एक्ट आपको प्रोवाइड करेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो रिलीफ यहां पे है, अगले चैप्टर देखिए आप, पार्ट ही दूसरा चालू होता है, पार्ट 3, प्रिवेंटिव रिलीफ। इस प्रिवेंटिव रिलीफ में बेसिकली इंजंक्शन की रेमेडी आपको दी जाती है। तो अगली रेमेडी क्या है? इंजंक्शन। अगला जो रिलीफ है वो इंजंक्शन का रिलीफ है। मेरे ख्याल अगर आपने सीपीसी पढ़ रखा है, अभी संडे को ही उसका 12 आवर्स का पूरा प्रीमियर चला था सीपीसी का, तो इंजंक्शन हमने वहां पे भी डिस्कस किया है भाई, वहां भी आपने इस इंजंक्शन को पढ़ा है कि इंजंक्शन होता क्या है। प्रिवेंट करने के लिए एक ऑर्डर पास होता है किसी व्यक्ति को कुछ करने से या कई बार कुछ करवाने के लिए, दैट इज इंजंक्शन। इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तीन तरीके के इंजंक्शन की बात स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट करता है, उसको हम डिटेल में देखेंगे। तो ये एक और रिलीफ है। कई बार क्या होता है, हर समय डैमेज से आपकी बात नहीं बनेगी। आप चाहते हैं कि साहब, जैसे मैंने आपको वो एग्जाम्पल अभी बताया था बिल्डर वाला, कि एक बंदे ने घर बुक किया है, अगर उसको पता चलता है कि बिल्डर किसी और को बेच रहा है उसका बुक किया हुआ फ्लैट, की रजिस्ट्री वो किसी और के नाम पे कर रहा है, तो ऐसे में वो व्यक्ति पहले कौन सा रिलीफ मांगेगा कोर्ट के पास जाके? इंजंक्शन, कि साहब आप बिल्डर को प्रिवेंट करिए कि वो मेरा मेरे साथ अग्रीमेंट किया है वो घर किसी और की रजिस्ट्री ना हो, क्योंकि फिर वो भी एंटाइटल्ड हो जाएगा, जिसकी रजिस्ट्री हो जाएगी लफड़ा होगा आगे चल के, इसलिए पहले ही जाके अपन क्या मांग लेंगे, एक इंजंक्शन, प्रिवेंटिव रिलीफ। आगे के कंसिक्वेंसेस को प्रिवेंट करने के लिए रिलीफ होता है, इसलिए इसको कहते हैं बेटा प्रिवेंटिव रिलीफ। और जो मिलता है
इंजंक्शन के फॉर्म में। तो ये अलग अलग स्पेसिफिक रिलीफ्स हैं जो ये एक्ट आपको प्रोवाइड करता है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो मेरे ख्याल से अब आपको इस एक्ट का पर्पस समझ में आया, क्या ये एक्ट है, किस बारे में है और कैसे ये एग्जिस्टिंग लॉज के गैप को फिल करेगा। मेरे ख्याल से ये बात आपके समझ में आ गई है। इस एक्ट का देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, बेरेट में अपन सीधे क्या करते हैं, रटना चालू कर देते हैं सेक्शन उठा के। अपन प्रियम्बल कभी पढ़ते ही नहीं है, जबकि प्रियम्बल सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एक्ट का। वो लेजिस्लेटिव इंटेंट बताता है कि क्यों इस एक्ट को हम लाए हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोविजन के सही इंटरप्रिटेशन के लिए। आप मतलब सही ड्रॉ करें किसी भी प्रोविजन का, उसके लिए ये ऑब्जेक्ट या प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये अगर आपके समझ में आ गया है, अब प्रोविजन समझने में आपको ज्यादा समस्या नहीं होगी, क्योंकि हर केस में हमको कंप्लीट जस्टिस करना है। इक्विटी पे बेस्ड इंग्लिश लॉ में जो कोर्ट्स ऑफ इक्विटी होते थे वो इस तरीके के रिलीफ देते थे, क्योंकि उनका सिंपल लॉजिक ये है कि अगर किसी व्यक्ति का राइट वॉयलेट हुआ है तो उस व्यक्ति के साथ कंप्लीट जस्टिस होना चाहिए। जो कुछ रिक्वायर्ड है उस केस में वो हम देंगे अग्रीव्ड पर्सन को। ये आइडिया। अब कोडिफाइड लॉ में क्या हुआ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ कुछ रिलीफ मिले हैं, कुछ नहीं मिले हैं। ऐसे बहुत सारे लॉज हैं हमारे पास सब्सटेंटिव, जहां कुछ रिलीफ है कुछ नहीं है। उस गैप को बेसिकली फिल करने के लिए आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आता है। इसके बाद जरा अपन एक बात करते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के रिगार्डिंग, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो किसी भी स्टेट के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपको मिल जाएंगे, अपार्ट फ्रॉम प्रोविजन। प्रोविजन पे तो अभी मैं आ रहा हूं एक एक करके, लेकिन उसके पहले कुछ जनरल क्वेश्चन इस एक्ट के रिगार्डिंग है जो आपको समझने भी चाहिए थोड़े से, और याद तो करना ही है। मतलब पर्पज ही ये है इन क्रैश कोर्स का कि आपकी वो आदत छुड़वा दी जाए जो आपने एक कर रखा है कि इस क्वेश्चन का आंसर तो बी होता है। क्यों होता है भी, ये समझना बहुत जरूरी है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं इस एक्ट से रिलेटेड। पहला ये है कि क्या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सब्सटेंटिव लॉ है? या फिर ये प्रोसीजरल लॉ है? और इस तरीके के सवाल प्री में भी आ जाते हैं। तो ये सब्सटेंटिव लॉ है या फिर प्रोसीजरल लॉ है? क्या आप में से कोई इस बात का जवाब दे सकता है मुझे कमेंट बॉक्स में कि ये एक्ट सब्सटेंटिव? इतना समझने के बाद आप क्या समझे? अभी तक जो मैंने बैकग्राउंड और ओवरव्यू उस एक्ट का बताया, उससे आप कुछ समझे कि ये सब्सटेंटिव है या प्रोसीजरल लॉ है? देखिए सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है, जो आपको राइट आपके राइट स्टैब्लिश करता है और बदले में रेमेडी प्रोवाइड करता है, उसको अपन सब्सटेंटिव कहते हैं। प्रोसीजरल लॉ जो उस रेमेडी को ऑप्टेन करने का प्रोसीजर बताता है, कोई रेमेडी एज सच नहीं देता लेकिन प्रोसीजर बताता है। जैसे सीपीसी, सीपीसी प्रोसीजर बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट में राइट वॉयलेट हुआ, सिविल कोर्ट चले जाओ, प्लेंट फाइल कर दो, इस तरीके से प्लेंट होनी चाहिए, हियरिंग ऐसे होगी, ये सब ठीक। तो विशाल का कहना है कि ये प्रोसीजरल लॉ है। और कोई, और कोई, ये प्रोसीजरल है या सबस्टांटिव? तो देखिए पॉलक एंड मुल्ला जो ऑथर्स हैं और काफी रिनाउंड ऑथर्स हैं लॉ की फील्ड के, पॉलक एंड मुल्ला के हिसाब से स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज अ प्रोसीजरल लॉ। उनके हिसाब से ये एक प्रोसीजरल लॉ है। क्यों? क्योंकि ये एज सच कोई कॉज ऑफ एक्शन प्रोवाइड नहीं करता। कॉज ऑफ एक्शन का मतलब होता है एक लीगल राइट और उसका वॉयलेशन। तो ये कोई अलग से लीगल राइट रिकॉग्नाइज नहीं करता या देता नहीं है। इन जनरल आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में राइट था कि कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है उसमें से राइट अराइज हुआ है, ब्रीच होगा तो रेमेडी मिलेगी। ये सिर्फ रेमेडी प्रोवाइड कर रहा है उसके बदले, एज सच ना तो कोई कॉज ऑफ एक्शन दे रहा ना राइट स्टैब्लिश कर रहा। इसीलिए उनके हिसाब से इट इज अ प्रोसीजरल लॉ। तो एसेंशियली लार्जली इट इज अ प्रोसीजरल लॉ, बट देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ सब्सटेंटिव लॉ एज वेल। एसआरए में कुछ एस्पेक्ट सब्सटेंटिव लॉज के भी हैं, जैसे सेक्शन 6 अपन पढ़ेंगे, वो एक स्पेसिफिक राइट रिकॉग्नाइज कर रहा है। अभी पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा क्यों मैं ये कह रहा हूं। तो देयर आर अ फ्यू प्रोविजंस जो सब्सटेंटिव नेचर के भी हैं, बट लार्जली इट इज अ प्रोसीजरल लॉ। लार्जली इट इज अ प्रोसीजरल लॉ ठीक। इसके बाद अगला जो सवाल है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के रिगार्डिंग, वो ये है कि क्या ये एक्ट
रेट्रोस्पेक्टिव है इन नेचर? क्या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट रेट्रोस्पेक्टिव है? रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब समझते हैं कि जब ये इंप्लीमेंट हुआ उससे पहले जो इंसिडेंसेस या केसेस हो चुके हैं क्या उनपे भी ये एप्लीकेबल होगा? क्या रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है? सो व्हाट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन? क्या ये रेट्रोस्पेक्टिव है कि पुराने मामलों पे भी अप्लाई होगा? जिस दिन इंप्लीमेंट हुआ, फोर्स में आया, उसके पहले जो मामले हुए हैं क्या उनपे भी ये एप्लीकेबल होगा? सो द आंसर इज यस। देखिए, फोर्स में कब आया ये भी ध्यान रखना, 1 मार्च 1964। ये फोर्स में कब आया? 1 मार्च 1964। दिस डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एसआरए केम इनटू एनफोर्समेंट, केम इनटू फोर्स। लेकिन जिस दिन यह फोर्स में आया था, क्योंकि एसेंशियली इट इज अ प्रोसीजरल लॉ, और प्रोसीजरल लॉ रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट रखते हैं, पीनल लॉज नहीं रखते जहां पेनल्टी वगैरह है। तो जिस दिन यह फोर्स में आया था उस समय पे कोर्ट्स में जितने भी पेंडिंग मामले थे, जो पेंडिंग चल रहे थे, उन सब पे एप्लीकेबल था ये प्रोसीजरल लॉ, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। इसीलिए द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर, क्योंकि जिस दिन ये फोर्स में आया था उस समय जितने पेंडिंग मैटर्स कोर्ट के सामने थे उन पे सब पे ये अप्लाई किया गया था, भले कॉज ऑफ एक्शन उसमें पहले अराइज हो गया। अगला जो सवाल इससे रिलेटेड है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से, वो ये है कि क्या ये एक एग्जॉस्टिव एक्ट है? क्या ये एग्जॉस्टिव है इन नेचर? एग्जॉस्टिव का मतलब कंप्लीट इन इटसेल्फ, कॉम्प्रिहेंसिव, कि बस इसके बाहर कुछ नहीं बचा, जो कुछ होना था स्पेसिफिक रिलीफ से रिलेटेड सब इधर ही हो गया है और कुछ नहीं है। सो एक बात ये समझिएगा कि देखिए, यहां पे स्पेसिफिक रिलीफ नाम है, कुछ स्पेसिफाइड कर दिए गए हैं कुछ रिलीफ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये एग्जॉस्टिव है इन केस ऑफ रिलीफ, क्योंकि इक्विटी के हिसाब से तो व्हाट एवर इज रिक्वायर्ड टू डू कंप्लीट जस्टिस इन अ केस, किसी व्यक्ति के राइट का वॉयलेशन हुआ है उसमें जो कुछ रिक्वायर्ड है फॉर जस्टिस वो सब उसको दिया जाना चाहिए, चाहे वो लिखाओ चाहे ना लिखाओ, दैट इज द केस। इसीलिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव इन नेचर। इसके अलावा भी कोर्ट्स अपने से कुछ चीजें कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है कंप्लीट जस्टिस। ये एक्ट पूरा सारी बातें कवर नहीं करता। सो दिस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव इन नेचर, दैट्स द आंसर टू द क्वेश्चन। विशाल का डाउट है कि अगर एमसीक्यू में सब्सटेंटिव या प्रोसीजर पूछा जाएगा, यस एसेंशियली इट इज प्रोसीजरल, तो अगर सिर्फ प्रोसीजरल सिंगल है ऑप्शन में, सब्सटेंटिव अलग है, देन यू कैन गो फॉर प्रोसीजरल। ठीक, सो दीज आर फ्यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग द एक्ट जो अपन ने बिना प्रोविजन के डिस्कस किया, और मेरे ख्याल आपको समझ आए हैं कि क्यों वो आंसर्स हैं जो आंसर्स इन क्वेश्चंस के होते हैं। अब जरा हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद प्रोविजन पढ़ना। अब बेरेट निकाल लीजिए और एक एक करके अपन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के प्रोविजंस को रीड आउट करेंगे। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं प्रिलिम्स के लिए वो मैं आपको अंडरलाइन या हाईलाइट आप करते जाइएगा, बताते जाऊंगा। कुछ अलग जो बातें मैं आपसे करूंगा एक्ट से रिलेटेड, वो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। एंड बिलीव मी, इस इन दो सेशंस, आज और कल, इस पूरे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेशन के बाद आप किसी भी स्टेट का एग्जाम देने चले जाइए, प्रिलिम्स एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपसे नहीं बनेगा। आपसे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस इसके बाद बन जाएंगे। तो चलिए पार्ट वन पढ़ना अपन स्टार्ट करते हैं, दैट इज प्रिलिमिनरी सेक्शन 1। अब देखिए, सेक्शन 1 तो नॉर्मल एक्सटेंट वगैरह की बात करता है किसी भी एक्ट का, ये आप और मैं दोनों इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। इट शैल कम इन टू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन दी ऑफिशियल गेजेट अपॉइंट। तो डेट क्या है? डेट कमेंसमेंट की है भाई, फिर से बता रहा हूं, 1 मार्च 1964, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेट ऑफ
कमेंसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेक्शन टू है डेफिनेशन। डेफिनेशन से जनरली क्वेश्चंस नहीं आते, ना तो इसमें कोई ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसका यूज हो एक्ट को पढ़ने में अपने लिए, और ना एग्जाम में जनरली यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑब्लिगेशन बताया गया है, जैसे आप देखें एग्जाम्पल के लिए इंक्लूड्स एवरी ड्यूटी एनफोर्सिएबल बाय लॉ। ऑब्लिगेशन का क्या मतलब होगा? कोई भी ऐसी ड्यूटी जो लॉ से एनफोर्सिएबल है। बाकी ट्रस्ट ट्रस्ट की डेफिनेशन है, बहुत ज्यादा ना तो इधर से सवाल आते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेक्शन वन के बाद सीधे आ जाइए आप सेक्शन थ्री पे। सेक्शन थ्री में कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये बेसिकली हमें बता रहा है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में सेविंग सेविंग मतलब जो दूसरे लॉज हैं वो एज इट इज इंपैक्टफुल होंगे, जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है वो ओवरराइड नहीं करेगा उन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज पे, क्योंकि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एडिशनल लॉ एड ऑन करने के लिए आया है, उनको सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा है। ठीक है, उसमें और चीजें जोड़ रहा है, उनको कम नहीं या खत्म नहीं कर रहा है, या उनके इंपैक्ट को हटा नहीं रहा है। ये मतलब है सेक्शन थ्री सेविंग्स का। इसमें लिखा है एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड हियर इन नथिंग इन दिस एक्ट शैल बी डीम्ड, नथिंग इन दिस एक्ट शैल बी डीम्ड, ए लिखा है, टू डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ एनी राइट टू रिलीफ अदर देन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विच ही मे हैव अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए, आपने अगर एक व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो जो कुछ रिलीफ आप मांग सकते हैं वो सब आप अभी भी मांग सकते हैं, क्योंकि यहां आपको कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड एक एडिशनल रेमेडी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की मिल गई है कि आप उस व्यक्ति से वही ऑब्लिगेशन फुलफिल करा सकते हैं जो उसने कॉन्ट्रैक्ट में लिया है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होगा कि जो बाकी रिलीफ आपके पास अवेलेबल हैं किसी दूसरे लॉ में वो आप नहीं मांग सकते। आप वो भी मांग सकते हैं और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी मांग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी आप मांग सकते हैं अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। बी देखिए, टू अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑन डॉक्यूमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्री का। कई बार थोड़े से ना टेक्निकल क्वेश्चन इधर से डीजेएस जैसे एग्जाम्स में तो बन जाते हैं भाई, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से। तो ये जो इसका बी क्लॉज है ना सेक्शन थ्री का, ये कह रहा है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनको अफेक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर रजिस्ट्रेशन एक्ट में लिखा है कि ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड ही होना चाहिए, तो वो जब तक रजिस्टर्ड नहीं होगा तब तक आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में दिए हुए रिलीफ कोर्ट प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट की एज पर रजिस्ट्रेशन एक्ट उस डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी ही तब है जब वो रजिस्टर कराया जाए। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने पढ़ा है अग्रीमेंट आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, वो बिना कंसिडरेशन के भी वैलिड होते हैं, लेकिन उसमें एसेंशियल कंडीशन है कि ऐसा जो प्रॉमिस है जो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 25 कोरिलेट कर रहा हूं, इधर जहन में उसको रिवाइज कर लीजिए। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 25 ये कहता है कि आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन अगर कोई अग्रीमेंट किया गया है तो वो भी एनफोर्सिएबल हो जाएगा, भले ही वो बिना कंसिडरेशन के, लेकिन वो रिटन और रजिस्टर्ड होना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन एक्ट कहता है कि अगर रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी है, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है डॉक्यूमेंट तो वो एज सच वैलिड नहीं होता फिर। और क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं है, वैलिड नहीं है, तो आप स्पेसिफिक रिलीफ के तहत ऐसे डॉक्यूमेंट के अंदर रिलीफ क्लेम नहीं कर पाएंगे। जस्ट बिकॉज की स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में हमने अलग अलग तरीके के रिलीफ प्रोवाइड कर दिए हैं और कोर्ट को डायरेक्ट कर दिया है कि वो ये रिलीफ देगा, इसका मतलब ये नहीं होगा कि रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी। ठीक, दैट इज द मीनिंग ऑफ सेक्शन थ्री क्लॉज बी। इसके बाद आइए सेक्शन फोर पे। स्पेसिफिक रिलीफ टू बी ग्रांटेड ओनली फॉर एनफोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट्स एंड नॉट फॉर एनफोर्सिंग पीनल लॉज, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब भैया प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके कॉन्सेप्ट भी, और सेक्शन नंबर सेक्शन थ्री बहुत इंपॉर्टेंट है। सेविंग क्लॉज किस सेक्शन में है ये भी पूछते हैं, कैसे इंप्लीमेंट होता है, उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे अलग अलग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। फोर कहता है कि स्पेसिफिक रिलीफ जो ग्रांट किया जाएगा वो सिविल राइट्स के रिस्पेक्ट में किया जाएगा, पीनल लॉज पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। स्पेसिफिक रिलीफ कैन बी ग्रांटेड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एनफोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट, जिनको हम कहते हैं राइट इन पर्सोनेम।
इंडिविजुअल सिविल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए स्पेसिफिक रिलीफ है, राइट इन रेम जो पब्लिक एट लार्ज के अगेंस्ट है उनको एनफोर्स करने के लिए ये नहीं है. ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एनफोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट्स एंड नॉट फॉर द मेयर पर्पस ऑफ एनफोर्सिंग अ पिनल लॉ. सिर्फ पिनल लॉ को एनफोर्स करने के लिए नहीं है, सिविल लॉ को एनफोर्स करने के लिए है. और अगर किसी राइट, किसी सिविल राइट में एज एन एड ऑन सिविल के साथ साथ क्रिमिनल राइट भी इंपैक्ट हो रहा है, वहां भी स्पेसिफिक रिलीफ मिल जाएगा. लेकिन सिविल राइट इन्वॉल्व होना चाहिए. इंडिविजुअल सिविल राइट इन्वॉल्व, ये जो मेयर वर्ड लिखा है ना लास्ट लाइन में, फॉर द मेयर पर्पस ऑफ एनफोर्स, सिर्फ पिनल लॉ को एनफोर्स करने के लिए आप स्पेसिफिक रिलीफ नहीं देंगे. लेकिन कहीं अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है जहां इंडिविजुअल सिविल राइट एनफोर्स होना है, उसी के साथ साथ कनेक्टेड है पिनल राइट भी या पिनल लॉ भी कनेक्ट हो रहा है, तो इस वजह से आप स्पेसिफिक रिलीफ ग्रांट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा. अगर इंडिविजुअल सिविल राइट इन्वॉल्व है किसी मैटर में, तो उस मैटर में आपको रिलीफ दिया जाएगा स्पेसिफिक रिलीफ, स्पेसिफिक रिलीफ के अंडर जो रिलीफ्स हैं वो आपको ग्रांट करेंगे. जैसे डिफेमेशन फॉर एन एग्जांपल, भाई डिफेमेशन दोनों है, सिविल भी है क्रिमिनल भी है, तो वहां जो राइट वायलेट हो रहा है उसके बदले में स्पेसिफिक रिलीफ जो यहां लिखे हैं वो ग्रांट किए जाएंगे, जस्ट बिकॉज कि वहां से क्रिमिनल मैटर भी अराइज होता है, हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट नहीं देंगे, ऐसा नहीं होगा. हाँ, लेकिन जो प्योरली इन नेचर ऑफ क्रिमिनल है, जो प्योरली क्रिमिनल नेचर के राइट है, उन पे ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अप्लाई नहीं होता. दैट्स द मीनिंग ऑफ सेक्शन 4. तो ये तो जनरल बातें हो गई जो प्रिलिमिनरी पार्ट में थी सेक्शन 1 से 4. आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द प्रोविजन, और याद भी करते जाना है भैया क्योंकि प्री में सेक्शन के क्वेश्चन भी आने हैं. फिर आते हैं अपन पार्ट 2 पे, स्पेसिफिक रिलीफ, जिनका ओवरव्यू अभी मैंने आपको एक दिया, अब अपन स्पेसिफिक प्रोविजन पढ़ेंगे. सो पार्ट 2 जो कि अलग अलग तरीके के स्पेसिफिक रिलीफ की बात कर रहा है, इसका चैप्टर 1 बात करता है रिकवरिंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी. अब यहां जो सेक्शन 5 और 6 हैं, ये रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं स्पेसिफिकली. इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजेशन की रिकवरी की बात ये करते हैं सेक्शन 5 और आपका सेक्शन 6 दोनों. देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि क्योंकि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज थे वो कंप्लीट जस्टिस नहीं कर रहे थे, इसलिए हम इस एक्ट को लाए हैं और अलग अलग तरीके के रिलीफ्स यहां प्रोवाइड करे गए हैं. वन ऑफ द रिलीफ इज पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी. सेक्शन 5 देखिए जरा, रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी. कोई भी स्पेसिफाइड मतलब आइडेंटिफाइड प्रॉपर्टी, ये वाला घर, ये जो घर है जिसका मकान नंबर ये है, इस पे मुझे पोजेशन चाहिए बिकॉज आई एम एंटाइटल्ड फॉर दी पोजेशन. ये अगर आप कोर्ट के सामने प्रूफ करेंगे कि यू आर एंटाइटल्ड फॉर दी पोजेशन ऑफ दिस हाउस, तो वो आप मांग सकते हैं, वो रिलीफ, वो पोजेशन का रिलीफ आप यहां मांग सकते हैं. सेक्शन 5 देखिए, अ पर्सन एंटाइटल्ड, क्या लिखा है, अ पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी मे रिकवर इट इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द सीपीसी. तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो एंटाइटल्ड हो, सेक्शन 5 किसकी बात करता है, एंटाइटल्ड व्यक्ति एंटाइटल्ड होना चाहिए. किस चीज के लिए एंटाइटल्ड होना चाहिए, पोजेशन के लिए. पोजेशन के लिए एंटाइटल होने के लिए बेटा ये जरूरी नहीं है कि आप ओनर होंगे तो ही पोजेशन के लिए एंटाइटल्ड हैं. आप एज अ टेनेंट भी पोजेशन के लिए एंटाइटल हो सकते हैं, आप एज अ लाइसेंसी एंटाइटल हो सकते हैं, आप एज अ लेसी एंटाइटल हो सकते हैं फॉर दी पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी. आपको अपना एंटाइटलमेंट ओनरशिप का, आपको अपना टाइटल ओनरशिप का प्रूफ करने की जरूरत नहीं हमेशा. आपका पजेसरी टाइटल भी हो सकता है, जैसे टेनेंट का टाइटल. अगर मैंने एक व्यक्ति के साथ अग्रीमेंट किया है कि भाई साहब 1 साल के लिए प्रॉपर्टी मैं लीज पे ले रहा हूं आपसे, तो फिर मेरा पोजेशन का एंटाइटलमेंट हो गया. तो सेक्शन 5 कहता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो एंटाइटल्ड है पोजेशन के लिए, वो सीपीसी के हिसाब से पोजेशन रिकवर कर सकता है, जो प्रोसीजर सीपीसी में दिया है उस हिसाब से. अब एक बात यहां समझिएगा कि सेक्शन 5 अपने आप में कोई राइट रिकॉग्नाइज तो नहीं कर रहा. एंटाइटल्ड तो आप ऑलरेडी हैं, एंटाइटल्ड मतलब आपका अधिकार है पोजेशन का, वो अधिकार सेक्शन 5 तो नहीं दे रहा.
सेक्शन 5 मेयरली ये डिक्लेयर कर रहा है, सेक्शन 5 इज मेयरली अ डिक्लेरेटरी प्रोविजन, वो सिर्फ ये डिक्लेयर कर रहा है कि आप अगर कहीं और ऑलरेडी किसी और लॉ के हिसाब से अगर आप एक पोजेशन के लिए एंटाइटल्ड है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो उसको आप सीपीसी में दिए प्रोसीजर से रिकवर कर सकते हैं। इसीलिए सेक्शन 5 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हमेशा पढ़ा जाता है विद सीपीसी, तो सेक्शन 5 कभी भी अकेला नहीं पढ़ा जाएगा, इट विल बी रेड विद सीपीसी प्लस लिमिटेशन, क्योंकि सीपीसी अपने आप में अकेले नहीं पढ़ सकते, लिमिटेशन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो एंटाइटलमेंट की अपन बात कर रहे हैं इसका जिक्र इधर कहीं है ही नहीं। अब ये जो मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में लेके जा रहा हूं, इसका पर्पज ये है कि आप इस एक्ट के सेक्शन 5 और 6 के बीच का अंतर समझ पाए, वो डिफरेंस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में लेके जा रहा हूं। देखिए सेक्शन 5 ने कहा यू मस्ट बी एंटाइटल्ड फॉर पोजेशन, एंटाइटलमेंट इधर तो कोई अधिकार जनरेट नहीं हुआ, सीपीसी भी प्रोसीजरल लॉ है, वो भी कोई एज सच राइट तो नहीं देता, वो प्रोसीजर बताता है कि प्लेंट फाइल करो, ऐसे ऐसे प्रोसीडिंग होगी और आपका जजमेंट डिक्री आएगा, ठीक। तो ये जो आ रहा है, ये आ रहा है आपका लिमिटेशन एक्ट से, कहां से आ रहा है, लिमिटेशन से। अब लिमिटेशन एक्ट में जो आर्टिकल 65 और 64, इसमें दो आर्टिकल्स हैं जो शेड्यूल है ना लिमिटेशन के, जो लिमिटेशन पीरियड वगैरह बताते हैं कि इस सूट के लिए इतना समय, वहां से ये एंटाइटलमेंट एक्चुअली अराइज हो रहा है। यहां पे दो आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं, एक है 64 और एक है 65, पहले मैं बात करूंगा 65 की। तो लिमिटेशन एक्ट के जो शेड्यूल दिए हुए हैं वहां पे एक स्पेसिफिक शेड्यूल है 65, वो मैं आपको यहां शो कर देता हूं ऑन स्क्रीन, क्योंकि आप लिमिटेशन का बेरेट लेके नहीं बैठे हैं, बट मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि एसआरए का बेरेट आपके हाथ में है, तभी इस क्लास को अटेंड करिए और ज्यादा आप कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे। अब देखिए ये है आपका शेड्यूल की एंट्री आर्टिकल 64 लिमिटेशन एक्ट का, ये क्या कहता है, देखिए यहां पे क्या है कि आपका वो राइट बताया है, उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन और कब वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन चालू होगा। सो यहां कौन सा राइट है, फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन प्रीवियस पोजेशन, 64 की बात में अभी बाद में करूंगा, जैसे मैंने आपको कहा पहले मैं डील कर रहा हूं 65 में क्या लिखा है, फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और एनी इंटरेस्ट देयरिन बेस्ड ऑन टाइटल। अगर आप किसी भी टाइटल के आधार पे, अगर टाइटल के आधार पे आप एंटाइटल्ड हैं एक प्रॉपर्टी के लिए, तो उसके लिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन होगा 12 साल, जिस भी दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है उस दिन से 12 साल के अंदर आप वो प्रॉपर्टी रिकवर कर सकते हैं, ये आर्टिकल 65 लिमिटेशन एक्ट का कहता है। तो जो सेक्शन 5 में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के लिखा हुआ है सेक्शन 5, वो तो भाई देखिए सेक्शन 5 ऑफ एसआरए, अब इस ये जो सेक्शन 5 है एसआरए का, इसके साथ क्लियरली लिखा है कि सीपीसी के हिसाब से आप रिकवर करेंगे, और सीपीसी के साथ चल रहा है हमारा लिमिटेशन एक्ट। इसकी पहले हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 65 की, जो कि टाइटल के आधार पे एक व्यक्ति को एंटाइटल बता रहा है कि अगर आपके पास टाइटल है तो आपको 12 साल का पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, उसमें आप सूट फाइल करके प्रॉपर्टी रिकवर कर सकते हैं। तो सेक्शन 5 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का आप इंडिविजुअली नहीं देख सकते, यहां का जो राइट अराइज हो रहा है वो इस 65 से कनेक्टेड है लिमिटेशन एक्ट के। अब वापस अपनी चीज पे अपन आते हैं, देखिए 65 की जब मैं बात कर रहा हूं तो एंटाइटल्ड होने चाहिए आप प्रॉपर्टी के लिए और पीरियड ऑफ लिमिटेशन 12 साल। यहां आपका कॉज ऑफ एक्शन क्या है कि आपके पास अधिकार था उस प्रॉपर्टी, आपको एक अंतर समझना, एक तो ये होता है कि आप किसी घर में रह रहे थे, दूसरे व्यक्ति ने आपको उस घर से निकाल दिया, आप एंटाइटल्ड थे पोजेशन के लिए लेकिन किसी व्यक्ति ने आपको आके उस घर से निकाला है, इसको हम कहते हैं डिस्पोजेशन। तो आर्टिकल 65 जो है ये डिस्पोजेशन की बात नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ आपके टाइटल की बात करता है कि आप एंटाइटल्ड, जैसे मान लीजिए आप मुंबई में रह रहे हैं लेकिन आपका एक घर भोपाल में भी है जो आपको पुश्तैनी मिला हुआ है, या आपको विल के थ्रू एक फ्लैट भोपाल में मिला हुआ है, आप वहां रह नहीं रहे हैं, आप रह रहे हैं बॉम्बे में, लेकिन आपको पता चलता है कि भाई साहब 1st ऑफ नवंबर को
एक्स वाई जेड पर्सन ने आपके उस भोपाल वाले फ्लैट की पजेशन हासिल कर लिया, वो वहां जाकर रहने लगा, कब्जा कर लिया उसने आपके फ्लैट। अब आप एक चीज बताइए, क्या यहां आपका डिस्पोजेशन हुआ? क्या किसी व्यक्ति ने आपको उस फ्लैट से निकाला और खुद पजेशन हासिल की? द आंसर इज नो। आप उस फ्लैट के लिए एंटाइटल्ड हैं, ये आपको एस्टैब्लिश करना है कि हम एंटाइटल्ड हैं। कैसे करेंगे? विल की कॉपी दिखाएंगे कोर्ट में कि भाई साहब ये तो मेरे को मिला था ये फ्लैट और ये आदमी रहने लगा, इसको हटाइए, पजेशन मुझे दीजिए। ऐसे एंटाइटलमेंट के लिए अपन 65 की बात करते हैं। और जो मैंने आपको दूसरी वाली बात बताई डिस्पोजेशन की, आप ऑलरेडी रह रहे थे वहां, आप टाइटल के ग्राउंड पे नहीं मांगते हैं जनरली पजेशन, वहां आप पजेशन जो मांगते हैं, देखिए 65 में आप किस ग्राउंड पे मांग रहे हैं? टाइटल, कि हमारे पास अधिकार है। मैं उस घर में कभी रह नहीं रहा था, लेकिन मकान मालिक के साथ मैंने एक अग्रीमेंट कर लिया कि अगले एक साल के लिए यह घर मुझे किराए पे मिलेगा। अभी मैंने अपना सामान शिफ्ट नहीं किया, रहना चालू नहीं किया, लेकिन अग्रीमेंट है मेरे पास, तो मेरे पास टाइटल है पजेसरी। उस मकान मालिक ने मुझे घर से भगाया नहीं है, लेकिन मैं उसके अगेंस्ट सूट फाइल करके अपनी पजेशन मांग रहा हूं कि साहब मेरे को पजेशन मिलनी चाहिए, बिकॉज आई एम एंटाइटल्ड, मेरे पास टाइटल है। टाइटल के ग्राउंड पे जब मांगते हैं तो लिमिटेशन एक्ट का 65 अट्रैक्ट होता है। और जब आप ये कहते हैं, जब आप 64 की बात करेंगे, यहां पे टाइटल का कोई रोल नहीं है, यहां पे टाइटल का रोल नहीं है, यहां पे रोल आता है सेटल्ड पजेशन का। मैं समझाऊंगा आपको ये क्या होता है। सेटल्ड पजेशन मतलब एक लंबे समय से मैं इस घर में रह रहा था, पिछले कुछ समय से मैं इस घर में रह रहा था, इस आदमी ने आके मुझे अनलॉफुल तरीके से भगा दिया। यहां भी मेरे एक राइट का वॉयलेशन हुआ है, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी स्टेइंग इन दैट हाउस। किस हक से मैं रह रहा था उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन मैं इस घर में रह, देखिए ये क्या होता है बेसिकली कि भैया आपको अगर ये लगता है कि कोई व्यक्ति जबरदस्ती आपके घर में रह रहा है, एंटाइटल्ड नहीं है, तो आप सूट फाइल करिए, कोर्ट कचहरी में जाइए, वहां से उससे घर खाली कराइए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप तो लड़के ले आए हैं, मारपीट के उसका सामान फेंक दिया, उसको आपने खाली कर दिया, ये आपको नहीं करना है। ऐसे केस में उसका भी राइट अराइज होता है कि वो जाके सेटल्ड पोजेशन के अधिकार पे वापस पोजेशन मांग सकता है। और इसके लिए आप फिर देखिए जरा 64, आर्टिकल 64 लिमिटेशन का कहता है, फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन, किस चीज पे बेस्ड है ये पोजेशन? प्रीवियस पोजेशन। टाइटल के आधार पे नहीं मांग रहे हैं आप, टाइटल के आधार पे जब मांगते हैं तो आर्टिकल 65 अट्रैक्ट होता है लिमिटेशन का, इधर आप मांग रहे हैं प्रीवियस पोजेशन की, पहले से मैं रह रहा था उस घर में, इसने आके मुझे वहां से भगाया है। सो फॉर पोजेशन ऑफ रिमूवल प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन प्रीवियस पोजेशन एंड नॉट ऑन टाइटल, व्हेन द प्लेंटिफ वाइल इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी हैज बीन डिस्पोज्ड, जिस व्यक्ति ने सूट फाइल किया है, जो प्लेंटिफ है, उसको उस घर से भगाया गया, वो पहले से रह रहा था, भगा दिया, ऐसे केस में भी आप सूट फाइल कर सकते हैं। लिमिटेशन पीरियड यहां भी क्या है, 12 साल, कब से चालू होगा? डेट ऑफ डिस्पोजेशन। मैं एक घर में रह रहा था, पिछले कुछ समय से एक व्यक्ति आया, उसने मुझे मारपीट के उस घर से भगा दिया, जिस दिन से उसने घर से भगाया है 12 साल तक मैं कभी भी सूट फाइल कर सकता हूं रिकवरी ऑफ पजेशन का। ये सब कुछ किधर दिया है? लिमिटेशन एक्ट में। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 5 तो मेयरली डिक्लेरेशन है इन चीजों का। ये जो सेक्शन 5 है ये कहता है अगर आप एंटाइटल्ड हैं तो आप सीपीसी के हिसाब से पजेशन मांग सकते हैं। लेकिन वो पूरी कहानी कहां से आ रही है, वो कोरिलेशन मेरे ख्याल आपके समझ में आया जब हमने यहां लिमिटेशन एक्ट लाए, आर्टिकल 64 65, दो तरीके से, अगर आपको डिस्पोजेस करा गया है और अब आप पोजेशन मांग रहे हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रीवियस पोजेशन, तो आपका सूट किससे गवर्न होगा? आर्टिकल 64 से, उसका भी लिमिटेशन पीरियड 12 साल है। अगर आप किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजेशन मांग रहे हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ टाइटल, कि भैया हम एंटाइटल्ड हैं इसके लिए, टाइटल है मेरे पास, ओनरशिप का टाइटल है मेरे पास, टेनेंट का टाइटल है, ऐसे किसी लीगल कैपेसिटी में मैं पोजेशन मांग रहा हूं, मुझे भगाया नहीं गया है वहां से, लेकिन मैं एंटाइटल्ड हूं, ये अगर आप कर रहे हैं तो आपका सूट गवर्न होता है लिमिटेशन एक्ट के एंट्री नंबर आर्टिकल नंबर 65, जो शेड्यूल है लिमिटेशन एक्ट के, उसमें जो आर्टिकल 65 है उससे आपका सूट गवर्न होता है। और इसका भी लिमिटेशन पीरियड जो है वो 12 साल है। सेक्शन 5 के साथ ही इन चीजों को पढ़ा और समझा जाता है। अभी अगर बाय चांस आपने डीजेएस का प्री क्रैक कर लिया ना, तो जब मेंस देने जाओगे वहां ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, केस दिया रहता है पूरा एक फैक्ट, एंड यू हैव टू राइट कि क्या होगा इस केस में, वहां ये सब ज्ञान की जरूरत पड़ेगी।
वहां वो काम नहीं आएगा कि इसका आंसर तो बी होता है, समझ रहे हैं। और अपन जज बनने आए हैं, प्री निकाल के फोकट की इज्जत नहीं चाहिए अपने को मोहल्ले में कि ये भैया ने प्री निकाला है, अपने को जज बनना है। ठीक, इसीलिए थोड़ा सा सब्र रख के चीजों को समझते चलिए। मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जा रहा हूं, लेकिन जितना रिक्वायर्ड है उतना अपन जरूर बात करेंगे। चलिए, ये हो गया आपका एंटाइटलमेंट के ग्राउंड पे। सेक्शन 5 बहुत क्लियरली कहता है अगर आप एंटाइटल्ड हैं तो आप पोजेशन हासिल कर सकते हैं एज पर सीपीसी। एंटाइटल किधर से हो रहे हैं? लिमिटेशन एक्ट के शेड्यूल के आर्टिकल 64 से या फिर 65 से। अगर डिस्पोजेस किया गया है तो 64 से, डिस्पोजेस नहीं किया गया, आप किसी टाइटल के आधार पर पोजेशन मांग रहे हैं तो आप आर्टिकल 65 से गवर्न हो रहे हैं इन दैट केस। इसके बाद अपन आते हैं अब 6 पे, सेक्शन 6। सेक्शन 6 जो है ना बेटा, वो काफी कुछ सिमिलर है आपके सेक्शन 5 और आर्टिकल 64 जो मैंने बताया उसके जैसा ही, बट देयर इज डिफरेंस बिटवीन द टू। तो चलिए पहले अपन सेक्शन 6 को पढ़ लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। बेरेट में देखिए सेक्शन 6, सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इफ एनी पर्सन इज डिस्पोजेस्ड विदाउट हिज कंसेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। अगर किसी व्यक्ति को डिस्पोजेस किया गया है इमूवेबल प्रॉपर्टी से अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, बिना ड्यू कोर्स ऑफ लॉ के, कहने का मतलब मारपीट के भगा दिया, लॉ के वॉयलेशन में आपने किसी व्यक्ति को, लॉ के वॉयलेशन में अगर आपने किसी व्यक्ति से प्रॉपर्टी की पोजेशन हासिल करी है, उसको भगाया है और खुद पोजेशन ले ली है, ऐसे केस में ही और एनी पर्सन थ्रू होम ही हैज बीन इन पोजेशन और एनी पर्सन क्लेमिंग थ्रू हिम मे बाय सूट रिकवर पोजेशन देयर ऑफ नॉट विथस्टैंडिंग एनी अदर टाइटल दैट मे बी सेट अप इन सच सूट। सेक्शन 6 भी आपसे कह रहा है कि अगर आपको डिस्पोजेस किया गया है किसी प्रॉपर्टी की, पजेशन में आप थे वहां से आपको भगाया गया है, तो ऐसे केस में सेक्शन 6 कहता है कि आप एक सूट फाइल कर सकते हैं और उस पजेशन को वापस हासिल कर सकते हैं। और ये काम सेक्शन 6 में जो आप पजेशन हासिल कर रहे हैं क्या वो आप टाइटल के आधार पे कर रहे हैं? द आंसर इज नो। टाइटल का कोई लेना देना नहीं है, ये क्लियर लैंग्वेज में लिखा है। ये जो लिखा है रिकवर पजेशन देयर ऑफ नॉट विथ स्टैंडिंग, नॉट विथ स्टैंडिंग एनी अदर टाइटल दैट मे बी सेट अप इन सच सूट। टाइटल से मतलब नहीं है, जिस व्यक्ति ने आपको डिस्पोजेस किया भले ही वो ओनर हो, लेकिन अगर उसने अनलॉफुल तरीके से आपको डिस्पोजेस किया है तो आप पजेशन का सूट फाइल कर सकते हैं। टाइटल से मतलब नहीं है, आप यहां पे क्या ग्राउंड स्टैब्लिश कर रहे हैं? तो अगेन आप क्या कर रहे हैं, सेटल्ड पजेशन, सेटल्ड पजेशन, या फिर इसको हम कहते हैं प्रीवियस पजेशन कि भैया हम ऑलरेडी रह रहे थे उधर। ठीक है, दैट सेटल्ड पजेशन और प्रीवियस पजेशन। आप रह रहे थे, किसी और ने आके, अगर वो कह रहा है कि मैं ओनर हूं और इसने जबरदस्ती कब्जा किया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वो कोर्ट जाए, सूट फाइल करे और रिकवर करे। सेक्शन 5 ने कहा तो है, अगर आप एंटाइटल्ड हैं किसी प्रॉपर्टी के लिए तो जाइए सूट फाइल करिए, कोर्ट आपको रेमेडी देगा, कोर्ट खाली करवा के देगा घर आपको। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप लड़के ले जाके जबरदस्ती खाली करवा रहे हैं, तो लॉ को आप अपने हाथ में नहीं ले सकते। इस बात को रिफ्लेक्ट करता है सेक्शन 6, आप लॉ को अपने हाथ में नहीं ले सकते। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अगर आप कह रहे हैं कि साहब हम एंटाइटल्ड हैं घर के लिए तो जाइए सूट फाइल करिए सेक्शन 5 में और हासिल करिए घर। लेकिन अगर आपने किसी व्यक्ति को डिस्पोजेस किया है, उसने सेटल्ड पोजेशन या प्रीवियस पोजेशन स्टैब्लिश करी है, तो कोर्ट उसे वापस पोजेशन दिला देगा, फिर आपसे कहेगा जाओ सूट फाइल करो एंटाइटलमेंट का और लो लीगल प्रोसेस के थ्रू। लेकिन अब ये जो सेक्शन 6 है, ये आपको काफी हद तक सिमिलर लग रहा होगा सेक्शन 5 जो हमने पढ़ा लिमिटेशन के आर्टिकल 64। 64 में भी तो यही था, ये आपको बिल्कुल 64 की तरह लग रहा है, वहां भी यही हो रहा था, डिस्पोजेस किया और फिर पोजेशन के लिए आप सूट फाइल कर रहे हैं। ग्राउंड क्या है कि हम रह रहे थे, हमको इसने भगा दिया और खुद इसने पोजेशन हासिल कर ली, तो आप सेक्शन 5 में सूट फाइल करते हैं, सेक्शन 5 रेट विथ आर्टिकल 64। सॉरी, तो ये सिमिलर लग रहा है आपको, बट देयर इज डिफरेंस। डिफरेंस क्या है? वो रेमेडी ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल थी,
लिमिटेशन एक्ट के थ्रू ये वाली जो रेमेडी थी वो तो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल थी। फिर सेक्शन 6 क्रिएट करने का पर्पस क्या है, इसका मतलब क्या है, क्यों इसको क्रिएट किया गया, इसका जवाब आगे के प्रोविजन में है। आगे देखिए प्रोविजन सबसेक्शन 2 देखिए 6 का, नो सूट अंडर दिस सेक्शन शैल बी ब्रॉट ए आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन। यहां जो लिमिटेशन पीरियड है सेक्शन 6 में वो 6 months का है। जिस दिन आपको अभी मैंने आपको एंट्री पढ़वाई थी 64 की, यहां पे क्या लिखा है कि अगर आपको आप प्रीवियस पोजेशन में थे, टाइटल के ग्राउंड पे नहीं, प्रीवियस पोजेशन के अधिकार पे, और आपको अगर डिस्पोजेस किया गया है तो आप सूट फाइल कितने दिन के अंदर करना है आपको, 12 इयर्स का टाइम है। जिस दिन डिस्पोजेस किया गया वहां से 12 साल के अंदर आप सूट फाइल कर सकते हैं रिकवरी ऑफ पोजेशन का। लेकिन सेक्शन 6 क्या कह रहा है, ये 12-18 साल की बात नहीं कर रहा, बहुत क्लियरली सबसेक्शन 2 में सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का लिमिटेशन पीरियड दिया है, 6 महीने के अंदर सूट फाइल करना है। बेसिक पर्पस सेक्शन 6 का है इस रेमेडी को स्पीडियर बनाना, फास्ट करना, क्विक और इकोनॉमिकल। क्योंकि जब आप सेक्शन 5 का सूट फाइल करेंगे रेड विद आर्टिकल 64, इसकी जो कोर्ट फीस है ना वो ज्यादा है, पैसा ज्यादा लगता है सूट को फाइल करने में। सेक्शन 6 जो एसआरए का है इसमें पैसा कम लगता है। पहली चीज इकोनॉमिकल मीन्स है, चीपर मीन्स है, सस्ता मीन्स है सेक्शन 6। दूसरा स्पीडियर मोड है, तुरंत तुरंत हियरिंग, क्योंकि यहां पे टाइटल की बात नहीं होगी, वहां आप टाइटल भी मतलब दूसरी पार्टी टाइटल सेटअप कर सकती है। जैसे आपने तो जाके सूट फाइल किया एज पर सेक्शन 5 आर्टिकल 64 ऑफ लिमिटेशन एक्ट कि साहब इस व्यक्ति ने मेरे को यहां से भगाया है और आप मेरे को वापस पोजेशन दिलवाइए। अब जिस व्यक्ति ने भगाया वो वहां पे जाके अपना टाइटल स्टैब्लिश करेगा, वो कहेगा साहब मैं तो ओनर हूं, उस पर भी हियरिंग होगी, तो एक तो वो हियरिंग लंबी चलेगी, प्लस हो सकता है वो अपना टाइटल उस सूट में स्टैब्लिश कर दे तो आपको पोजेशन ना मिले। लेकिन सेक्शन 6 बहुत क्लियरली कहता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का कि यहां कोई भी व्यक्ति अपना टाइटल सेटअप नहीं करेगा। टाइटल से कोई मतलब नहीं कौन एंटाइटल्ड है, हमको तो सिर्फ ये देखना है कि आप अगर पहले से रह रहे थे, आपको डिस्पोजेस कर दिया गया है अगर, तो हम आपको पोजेशन वापस दिलवा देंगे बस। और जो व्यक्ति कह रहा है कि वो एंटाइटल्ड है वो जाए सूट फाइल करे और ले अपनी पोजेशन। तो ये ज्यादा स्पीडियर मोड है सेक्शन 6, यही पर्पस है सेक्शन 6 का, और थोड़ा सस्ता मोड है। आगे देखिए, नो सूट अंडर दिस सेक्शन शैल बी ब्रॉट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन और अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सरकार के अगेंस्ट सेक्शन 6 का सूट फाइल आप नहीं कर सकते। अगर सरकार ने आपको, गवर्नमेंट ने आपको डिस्पोजेस किया है किसी प्रॉपर्टी से तो सेक्शन 6 का सूट फाइल नहीं करेंगे आप। वो करिए आर्टिकल 64 वाला करते रहिए, ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्पीडियर मोड इंडिविजुअल राइट्स के लिए, लोगों ने आपस में जो ये डिस्पोजेशन करवाते हैं, लोग जो अपने हाथ में कानून ले लेते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए है सेक्शन 6, गवर्नमेंट के अगेंस्ट एप्लीकेबल नहीं है। ये सब प्री के क्वेश्चन है। इधर सेक्शन 6 का पर्पस क्या है वो भी समझिए, इकोनॉमिकल और चीपर मोड है और स्पीडियर मोड है इसलिए सेक्शन 6 है। लिमिटेशन पीरियड कितना होता है सेक्शन 6 में, तो ध्यान रखिएगा 6 महीने। कब एप्लीकेबल है सेक्शन 6, जहां एक व्यक्ति को डिस्पोजेस किया गया हो, वो पहले से रह रहा हो, उसको भगाया गया हो, दैट्स व्हाट द एसेंशियल ऑफ सेक्शन 6 आर। इसके बाद सबसेक्शन 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर और डिक्री पास्ड इन एनी सूट इंस्टीट्यूटेड अंडर दिस सेक्शन, नॉर शैल एनी रिव्यू ऑफ एनी सच ऑर्डर और डिक्री बी अलाउड। जो सूट होगा सेक्शन 6 का, इसमें जो डिक्री पास होगी उसके अगेंस्ट अपील भी नहीं है, क्योंकि अगर आपने अपील भी अलाउ कर दी ना तो बात वहीं आ गई घूम फिर के कि फिर वो एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा, और हम उस प्रोसेस को शॉर्ट स्पीडियर मोड ही तो कह रहे हैं सेक्शन 6 को, इसलिए अपील अलाउड नहीं है, ध्यान रखना। साथ ही रिव्यू भी अलाउड नहीं है, रिविजन हो सकता है इसमें अगर कोई ऑर्डर पास हुआ, और रिविजन आप जानते हैं हायर कोर्ट करता है हमेशा, तो रिविजन अलाउड है लेकिन अपील और रिव्यू अलाउड नहीं है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स। सेक्शन 6 में जो डिक्री पास होगी उसके अगेंस्ट ना तो अपील होगी ना रिव्यू होगा, बट रिविजन हो सकता है। इसलिए मैंने कहा था सेक्शन 6 जो है वो थोड़ा सब्सटेंटिव नेचर का है, क्योंकि अलग से एक अधिकार दे रहा है आपको। इसके बाद लास्ट सबसेक्शन देखिए, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बार एनी पर्सन फ्रॉम सुइंग टू स्टैब्लिश हिज टाइटल टू सच प्रॉपर्टी एंड टू रिकवर पोजेशन देयर ऑफ। अब देखिए, हमने यहां ये कहा कि ये सूट फाइल कौन कर रहा है सेक्शन 6 का, ऐसा व्यक्ति जिसको एक प्रॉपर्टी की पोजेशन से डिस्पोजेस कर दिया गया, भगा दिया गया है जिसको, वो जाके सूट फाइल कर रहा है, तो वो सूट फाइल कर रहा है। और हमने यहां कहा कि इस सूट में कोई भी टाइटल की बात नहीं होगी, जिसने सूट फाइल किया है ना वो अपने टाइटल की बात करेगा
ना जो डिफेंडेंट है जिसने भगाया है वो अपने टाइटल को स्टैब्लिश करेगा। यहां टाइटल की बात होगी ही नहीं, सिर्फ ये बात होगी कि पजेशन में पहले कौन था और अनलॉफुल तरीके से उसको भगाया गया है, बस टाइटल की बात होनी नहीं है। लेकिन सबसेक्शन 4 कह रहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेपरेट सूट भी फाइल नहीं कर सकते। आप सेपरेट सूट फाइल करिए, जैसे किसी व्यक्ति ने एक व्यक्ति को पजेशन से हटा दिया क्योंकि उसका कहना है साहब घर हमारा है। अब सेक्शन 6 के हिसाब से तो जिस व्यक्ति को घर से भगाया गया है वो सूट फाइल करके पजेशन वापस हासिल कर लेगा, लेकिन जिसने इसको भगाया था उसका कंटेंशन तो ये है ना कि मैं ओनर हूं, मैं लीगली एंटाइटल्ड हूं, तो भाई उसके पास ये ऑप्शन है कि तू जा और सेपरेट सूट कर ले, उसको हम नहीं रोक रहे हैं। लेकिन जो तुमने इसको घर खाली इलीगल तरीके से कराया है ये सही नहीं है, इसलिए हमने उसको पोजीशन वापस दिलाई है। आप जाके अपना टाइटल स्टैब्लिश करिए, उसके मोड्स आपके पास हैं। सेक्शन 5 एसआरए का ही आपको अधिकार देता है कि टाइटल के ग्राउंड पे आप पोजीशन हासिल कर सकते हैं। तो सेपरेट सूट को बार नहीं करता है, इस बात का डिक्लेरेशन है सबसेक्शन 4 यहां। ये हो गया आपका सेक्शन 6। आई होप सेक्शन 5 और 6 के बीच का अंतर आपके समझ में आया। 5 जो है वो जनरली टाइटल के आधार पे बात कर रहा है या फिर डिस्पोजेशन के आधार पे भी बात कर रहा है, लेकिन उसमें टाइम लिमिट ज्यादा है, स्लोअर मोड है और महंगा है। सेक्शन 6 एक स्पीडियर मोड है, सस्ता है, ठीक। और यहाँ टाइटल का कंटेंशन नहीं होता, वहां टाइटल डिफेंडेंट स्टैब्लिश कर सकता है, यहाँ टाइटल की बात ही नहीं होगी। इस सूट में कहीं भी टाइटल की बात ही नहीं होगी, सिर्फ ये स्टैब्लिश करना है कि पहले से हम रह रहे थे। सो दैट सेक्शन 5 और 6 जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजेशन की रिकवरी की बात करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं अपन सेक्शन 7 और 8 पे। अब देखिए आप सेक्शन 7 और सेक्शन 8 को समझिए। सेक्शन 7 और 8 बात करते हैं कन्वर्जन और डिटेन्यू की। कन्वर्जन और डिटेन्यू होता क्या है? डिटेन्यू का मतलब कोई एक व्यक्ति मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए एंटाइटल्ड है और आपने उसको उस मूवेबल प्रॉपर्टी से डिप्राइव कर दिया। मेरा मोबाइल फोन है, मैंने खरीदा, आई एम एंटाइटल्ड फॉर दैट मोबाइल फोन, आपने मुझे उस फोन से डिप्राइव कर दिया है। उस फोन को डिस्ट्रॉय नहीं किया, वो फोन ना तो अभी वेस्ट हुआ है ना लॉस्ट हुआ है, लेकिन कहीं रखा है आपके पास या किसी और के पास, लेकिन आपने मुझे डिप्राइव किया है मेरी मूवेबल प्रॉपर्टी से और इट इज स्टिल इन एग्जिस्टेंस। इफ इट इज स्टिल इन एग्जिस्टेंस तो क्या मैं कोर्ट में सूट फाइल करके वो फोन रिकवर कर सकता हूं, वापस मांग सकता हूं? यस, द आंसर इज यस, बिल्कुल मांग सकता हूं। लेकिन अगर मान लीजिए मेरा फोन आपने लिया है और आपने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, आपने तोड़ दिया या आपने कन्वर्ट कर लिया अपने यूज के लिए, इसको बोलते हैं कन्वर्जन। डिटेन्यू का मतलब होता है सिर्फ डिप्राइव कर देना, और कन्वर्जन का मतलब उसको खराब कर देना या फिर खुद के लिए इस्तेमाल करने के लिए उसको कन्वर्ट कर लेना, उसमें कोई ऐसे चेंजेस कर दिए हैं जो अब मेरे काम का वो नहीं रहा, दैट्स व्हाट कन्वर्जन इज। तो ऐसे केस में मैं फोन वापस मांगूंगा क्या कोर्ट के पास जाके? द आंसर इज नो। अब मैं कर जो फोन खो गया है या टूट गया है अब रिकवर करके क्या करूंगा भैया? ऐसे केस में मैं क्या मांगूंगा? पैसा, मनी कॉम्पेंसेशन। तो 7, 8 इन दोनों की बात करते हैं। 8 स्पेसिफिकली डील करता है कन्वर्जन में। ये कई बार ना प्री में सवाल आते हैं, जैसे टीजीएस अगर आप देने जा रहे हैं, हरियाणा अगर आप देने जा रहे हैं, इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि सेक्शन 8 डिटेन्यू में डील करता है या कन्वर्जन में। तो ध्यान रखना सेक्शन 8 सिर्फ कन्वर्जन में बात करता है, और वो समझना है क्यों, क्योंकि कन्वर्जन का मतलब होता है कि अब वो प्रॉपर्टी उसके इस्तेमाल की नहीं रही जिसकी वो थी, तो अब वो वापिस लेके करेगा क्या? वो वापस लेके कुछ सॉरी आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको सेक्शन ऊपर नीचे हो गए मुझसे। सेक्शन 7 बात करता है कन्वर्जन डिटेन्यू दोनों की, वेयर एज सेक्शन 8 बात करता है डिटेन्यू ओनली। कि प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी अभी वेस्ट नहीं हुई है, खराब नहीं हुई है, जहां प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है, खराब नहीं हुई है, वहां आप रिकवर कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हाट सेक्शन 8 सेज, कि आप रिकवर कर सकते हैं प्रॉपर्टी। लेकिन सेक्शन 7 कहता है कि आप प्रॉपर्टी रिकवर करने का रिलीफ भी मांग सकते हैं या पैसा भी मांग सकते हैं लियू ऑफ दैट, क्योंकि हो सकता है वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई, तो फिर आप उसको वापस लेके करेंगे क्या? तो उसके बदले में पैसा मांग लेंगे। तो सेक्शन 7 जो है ये दोनों में डील करता है, सेक्शन 8 जो है वो सिर्फ और सिर्फ डील करता है डिटेन्यू के केसेस। डिटेन्यू मतलब प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है लेकिन आपको उस प्रॉपर्टी से डिप्राइव कर दिया गया, तो आप वापस मांग सकते हैं। यहां पे आप प्रॉपर्टी रिकवर कर सकते हैं और सेक्शन 7 के तहत आप प्रॉपर्टी या फिर
या डैमेज लिख लेते हैं इसको अपन, कॉम्पेंसेशन। दोनों मांग सकते हैं कि साहब प्रॉपर्टी दे दीजिए, प्रॉपर्टी ना हो तो कॉम्पेंसेशन दे दीजिए। देखिए पढ़ते हैं सेक्शन 7 लैंग्वेज तो आप और अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे इस चीज को। सेक्शन 7 कहता है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे सेक्शन 5 कह रहा था रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये कह रहा है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। अ पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी मे रिकवर इट इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। सीपीसी के हिसाब से आप उसको रिकवर कर सकते हैं, सीपीसी के हिसाब से आप रिकवर कर सकते हैं कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जिसके लिए आप एंटाइटल्ड हैं। अब जो ये एडिशनल ज्ञान मैंने आपको दिया है कि जब आप सेक्शन 7 का सूट फाइल करते हैं एसआरए में विद द हेल्प ऑफ सीपीसी, वहां पे आप दोनों चीजें क्लेम करते हैं। वहां आप पैसा भी क्लेम करते हैं और प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी तो क्लेम कर ही रहे हैं कि भाई मेरे को प्रॉपर्टी वापस चाहिए, लेकिन आप साथ में एक मनी कॉम्पनसेशन भी लिखते हैं कि अगर प्रॉपर्टी नहीं मिली तो मेरे को एटलीस्ट इतना पैसा दिलवा दिया जाए। ये आपको पता चलेगा जब आप सीपीसी के अपेंडिक्स में जाएंगे ना, वहां जो फॉर्म्स दिए हुए हैं अलग अलग सूट फाइल करने के, वहां से ये ज्ञान आता है। लेकिन क्योंकि आप डीजेस की तैयारी कर रहे हैं या हरियाणा जैसे एग्जाम्स आप देने जा रहे हैं, यू मस्ट नो सच थिंग्स एज वेल। प्री में भी कई बार ये सवाल पूछे जाते हैं कि सेक्शन 7 किसमें डील करता है 8 में, ठीक। तो 7 का जो फॉर्मेट आप देखेंगे वहां वहां दोनों चीजें भरनी होती है, प्रॉपर्टी की रिकवरी साथ में उसके बदले में जो कॉम्पनसेशन आप मांग रहे हैं दोनों। लेकिन जब आप सेक्शन 8 का सूट फाइल करते हैं वहां सिर्फ और सिर्फ आप प्रॉपर्टी मांगते हैं। आगे देखिए सेक्शन 8, उसकी अपनी कुछ कंडीशन है। सेक्शन 7 समझ में आया कि आप अगर किसी मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए एंटाइटल्ड है तो सीपीसी के हिसाब से उसको क्लेम कर सकते हैं। अब सीपीसी के हिसाब से क्लेम करना है तो वहां स्पेसिफिक फॉर्मेट है उसका, लेकिन उसमें आपको दोनों चीजें भरनी होती है, प्रॉपर्टी भी चाहिए, प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर कॉम्पनसेशन मिल जाए, दोनों में से कुछ भी मिल जाए चलेगा। इसलिए मैंने कहा सेक्शन 7 दोनों में डील करता है, कन्वर्शन और डिटेन्यू दोनों के केसेस को डील करता है, बट सेक्शन 8 सिर्फ डिटेन्यू को डील करता है क्योंकि यहां सिर्फ पोजेशन मिलती है। अब ये चीज याद नहीं करनी पड़ेगी, समझ में आ गया है क्यों दोनों कौन सा किस में डील कर रहा है। अच्छा इसके एक्सप्लेनेशंस भी देख लीजिए एक बार सेक्शन 7 के। एक्सप्लेनेशन 1 है, अ ट्रस्टी मे स्यू अंडर दिस सेक्शन फॉर द पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी टू द बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन व्हिच द पर्सन फॉर होम ही इज ट्रस्टी इज एंटाइटल्ड। देखिए जो ट्रस्ट क्या होता है, ट्रस्ट का अगर बेसिक आइडिया आपको बस पता है कि कोई भी प्रॉपर्टी एक व्यक्ति किसी के बिहाफ पे होल्ड कर रहा होता है, वो सिर्फ केयर टेकर होता है उस प्रॉपर्टी का, अल्टीमेट बेनिफिशियरी नहीं है। जैसे एक फादर ने अपनी प्रॉपर्टी के लिए किसी एक्स व्यक्ति को ट्रस्टी बना दिया कि यार अभी मेरा लड़का छोटा है, जब वो बड़ा हो जाएगा 18 साल का हो जाएगा तो ये प्रॉपर्टी उसको दे देना, तब तक तू ट्रस्टी है, तू संभाल इस प्रॉपर्टी को, केयर कर इसकी, लेकिन अल्टीमेट बेनिफिशियरी कोई और है उस प्रॉपर्टी का। तो ऐसे में सेक्शन 7 कह रहा है कि वो ट्रस्टी भी सूट फाइल कर सकता है रिकवरी का अपने बेनिफिशियरी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक। एक्सप्लेनेशन 2 है, अ स्पेशल और टेम्पररी राइट टू द प्रेजेंट पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी सफिशिएंट टू सपोर्ट अ सूट अंडर दिस सेक्शन। तो आपको अगर सेक्शन 7 का सूट फाइल करना है तो आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि आप ओनर हैं उस प्रॉपर्टी के, जिस मूवेबल प्रॉपर्टी को आप रिकवर करना चाह रहे हैं ओनर है ना होना जरूरी नहीं है। आपको टेम्पररी पोजेशन का अधिकार स्टैब्लिश करना है, प्रेजेंट पोजेशन की, अभी मैं एंटाइटल्ड हूं उस प्रॉपर्टी के लिए, उस प्रॉपर्टी की पोजेशन के लिए, बस इतना आपने एस्टैब्लिश कर दिया तो आप सेक्शन 7 का सूट फाइल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने अपना मोबाइल फोन गिरवी रखा किसी व्यक्ति से लोन लेने के लिए, एक व्यक्ति को मैंने गिरवी रख दिया है, उससे मैंने 20,000 रुपए उधार ले लिए हैं अपना मोबाइल फोन गिरवी रख के। अब जाके अगर उसकी पोजेशन से मैं फोन ले आता हूं या मेरे बिहाफ पे कोई जाता है और उसकी पोजेशन से फोन ले आता है तो वो व्यक्ति सेक्शन 7 का सूट फाइल कर सकता है क्योंकि अभी पोजेशन के लिए एंटाइटल्ड कौन है वो। जब तक मैं उसका लोन नहीं रीपे कर देता तब तक पोजेशन फोन की उसके पास होनी चाहिए, ही इज एंटाइटल्ड फॉर दैट, वो भी सेक्शन 7 का सूट फाइल कर सकता है। इसके लिए ओनर होना जरूरी नहीं है, प्रेजेंट पोजेशन स्टैब्लिश करनी है आपको कोर्ट के सामने, वो एक्सप्लेनेशन 2 कहता है। इसके बाद आइए जरा सेक्शन 8 पे, जो मैंने कहा कि आप सिर्फ प्रॉपर्टी रिकवर कर सकते हैं सेक्शन 8 में। तो सेक्शन 8 देखिए, liability of person in possession not as owner to deliver to persons entitled to immediate possession। head note में ही सारी कहानी लिखी है। ये जो head note कह रहा है liability of person in possession, कोई एक व्यक्ति एक property की possession लेके बैठा है
लेकिन वो ओनर नहीं है, पजेशन लेके बैठा है लेकिन ओनर नहीं है उस प्रॉपर्टी का। ऐसे केस में कोई भी दूसरा व्यक्ति उसे कंपेल कर सकता है, जो भी वहां पे इमीडिएट पजेशन के लिए एंटाइटल्ड है वो उसे कंपेल कर सकता है कि लाओ भाई मेरी प्रॉपर्टी दो। ठीक, कोई भी ऐसा व्यक्ति यहां सूट फाइल कर सकता है जो इमीडिएट पजेशन के लिए एंटाइटल्ड है। किससे मांग रहे हो आप पजेशन? किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके पास प्रॉपर्टी है लेकिन वो ओनर नहीं है उस प्रॉपर्टी का। जैसे मैंने अभी आपको सेक्शन 7 के लिए बताया ना कि किसी भी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इमीडिएट पजेशन के लिए एंटाइटल्ड हो वो मांग सकता है, लेकिन सेक्शन 8 की एक रिक्वायरमेंट है, ओनर के अगेंस्ट ये सूट फाइल कभी नहीं होगा। सेक्शन 7 में आप किसी के अगेंस्ट भी मांग सकते हैं, इमीडिएट पजेशन के लिए आप हकदार होने चाहिए। 8 क्लियरली कहता है, और इसीलिए मैंने कहा था कि 8 में आप सिर्फ प्रॉपर्टी ही मांग सकते हैं, कॉम्पनसेशन नहीं मांगते इधर। देखिए आगे देखिए 8। एनी पर्सन हैविंग द पजेशन और कंट्रोल ऑफ अ पर्टिकुलर आर्टिकल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ विच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ऑफ विच ही इज नॉट द ओनर। सेक्शन 8 का सूट ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट किया जा सकता है जो उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं हो। अगर ओनर है कोई व्यक्ति मूवेबल प्रॉपर्टी का तो उसके अगेंस्ट आप सेक्शन 8 का सूट कभी फाइल नहीं कर सकते। सो ऑफ विच ही इज नॉट द ओनर मे बी कंपेल्ड स्पेसिफिकली टू डिलीवर इट टू द पर्सन एंटाइटल्ड टू इट्स इमीडिएट पजेशन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस। स्पेसिफिक केसेस भी बताए हैं सेक्शन 8 में कि कौन किससे मांग रहा है। जो प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है वो एज एन ओनर नहीं है, जिसके पास जिसकी पोजेशन में वो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो ओनर नहीं होना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट रिक्विजिट। ओनर मांग सकता है प्रॉपर्टी दूसरे से, लेकिन ओनर से आप प्रॉपर्टी नहीं मांग सकते भले उसकी पोजेशन में किसी भी तरीके से हो। सेक्शन 8 में आगे वो कंडीशंस दी हैं, उन लोगों के बारे में बताया है कि किसकी पोजेशन में प्रॉपर्टी है तो दूसरा व्यक्ति मांग सकता है। ए देखिए, व्हेन द थिंग क्लेम्ड इज हेल्ड बाय द डिफेंडेंट एज द एजेंट और ट्रस्टी ऑफ द प्लेंटिफ। जो बंदा सूट फाइल कर रहा है, जो प्लेंटिफ है, जो पोजेशन मांग रहा है, वो जिस व्यक्ति से मांग रहा है वो व्यक्ति इसका एजेंट है। जैसे मान लीजिए मैंने एक नया व्यापार चालू किया जिसमें मैं लैपटॉप बेचना बेचने का मैं व्यापार करता हूं, और उसके लिए मैंने अलग अलग एजेंट बना रखे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में इंदौर में एक एजेंट है, ग्वालियर में एक एजेंट है, जबलपुर में एक एजेंट है, जिसको मैं यहां से लैपटॉप मैन्युफैक्चर करके भेजता हूं और उसका काम है बेच के पैसे देना। मान लीजिए मेरे भेजे हुए, आई एम द प्रिंसिपल, ही इज माई एजेंट, उसके पास मेरे कुछ लैपटॉप पड़े हैं जो मुझे दे नहीं रहा है, उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, या फिर उसको जो टाइम लिमिट दी थी वो एक्सपायर हो गई, या मैंने कहा भैया ला लैपटॉप वापस कर, वो दे नहीं रहा है, तो वो मुझे डिप्राइव कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी से। ही इज नॉट दी ओनर, वो ओनर नहीं है लैपटॉप का, आई एम दी ओनर। सेक्शन 8 का सूट फाइल करके, क्योंकि इमीडिएट पजेशन के लिए मैं एंटाइटल्ड हूं, मैं उससे वापस मांग सकता हूं, बिकॉज ही इज होल्डिंग इन द कैपेसिटी ऑफ एजेंट, तो मैं उससे सूट फाइल करके अपने लैपटॉप वापस मांग सकता हूं। बी देखिए, व्हेन कॉम्पेंसेशन इन मनी वुड नॉट अफोर्ड द प्लेंटिफ एडिक्वेट रिलीफ फॉर द लॉस ऑफ थिंग क्लेम्ड। तो या तो वो व्यक्ति एज एन एजेंट और ट्रस्टी होल्ड कर रहा हो, या फिर ऐसी जगह पे भी मैं मूवेबल प्रॉपर्टी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ही क्लेम कर सकता हूं जहां मनी वुड नॉट अफोर्ड द प्लेंटिफ एडिक्वेट रिलीफ। पैसा अगर मैं लूंगा तो वो मेरे लिए एडिक्वेट रिलीफ नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा मूवेबल प्रॉपर्टी का आर्टिकल है जो मेरे लिए इमोशनल वैल्यू रखता है, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर की कोई घड़ी है, मेरे ग्रैंडफादर की कोई घड़ी है जो मेरे लिए एक इमोशनल अटैचमेंट की तरह है। अब उसको आप पैसे में कंपन, जिसने भी उस प्रॉपर्टी से मुझे डिप्राइव किया है, जिसके भी पास वो प्रॉपर्टी है, वो ये भी हो सकता है कोर्ट से कि भैया कॉम्पनसेशन दे तो रहे हैं या मैं कॉम्पनसेशन मांग सकता हूं, लेकिन मैं अगर कोर्ट में, मेरे को ये चीज अगर मैं कोर्ट में बताऊं कि साहब उस केस में वो जो घड़ी है, इट इज नॉट अबाउट मनी, वो एडिक्वेट रिलीफ नहीं होगा मेरे लिए कि आप मेरे को पैसे दिलवा दें, मुझे तो आप प्रॉपर्टी ही दिलवाइए स्पेसिफिकली। क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए एक इमोशनल वैल्यू रखती है, पैसे से एडिक्वेट रिलीफ नहीं मिलेगा यहां। ऐसे केसेस में भी सेक्शन 8 का सूट फाइल करके प्रॉपर्टी रिकवर करी जा सकती है। सी देखिए, व्हेन इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू एसर्टेन द एक्चुअल डैमेज कॉज्ड बाय इट्स लॉस। ऐसी सिचुएशन जहां एक्चुअल डैमेज डिटरमाइन ही नहीं कर सकते, बेसिकली क्वांटिफाई नहीं कर सकते, कितना अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितने का नुकसान होगा इसका, पैसे का।
जैसे मान लीजिए कोई एंटीक चीज है मेरे पास, 100 साल पुरानी एक कार थी मेरे पास जो किसी ने ले ली, 100 साल पुराना कोई इंस्ट्रूमेंट था जो किसी ने ले लिया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब आज की डेट में उसकी क्या कीमत है इसको क्वांटिफाई करना संभव नहीं है, और मेरे को उससे कितना लॉस पहुंचेगा, कितने पैसे का लॉस मेरा होगा, ये क्वांटिफाई करना संभव नहीं है। ऐसे केस में भी मैं स्पेसिफिकली वो प्रॉपर्टी क्लेम कर सकता हूँ सीधे, कि भाई मेरे को तो कोर्ट से मैं कहूंगा मेरे को साहब आप सीधे प्रॉपर्टी दिलाइए, वो पैसा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है उस चीज को कैलकुलेट करना। इसके बाद देखिए डी, व्हेन द पोजेशन ऑफ द थिंग क्लेम्ड हैज बीन रॉन्गफुली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्लेंटिफ, मुझसे गलती से किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी चली गई है, तो अब मैं उससे वो प्रॉपर्टी ही मांगूंगा, अगर ये है कि भाई कॉम्पनसेशन ले लो तो नहीं, क्योंकि मुझसे बाय मिस्टेक वो डिलीवर हो गई थी, मैं किसी और को दे भेजना था प्रॉपर्टी, गलती से किसी और के पास चली गई है, तो अब उससे मैं वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्लेम कर सकता हूं, कॉम्पनसेशन नहीं, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कि भैया लाओ तुम तो मेरी प्रॉपर्टी, क्योंकि वो प्रॉपर्टी मैं किसी और को भेज रहा था, गलती से किसी और को मिल गई है। ऐसे केस में भी मैं प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली क्लेम कर सकता हूं। तो ये चार कंडीशंस हैं जिसमें किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो उस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है लेकिन ना तो वो ओनर है ना पजेशन के लिए एंटाइटल्ड है, उससे एक ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी क्लेम कर सकता है जो उसकी इमीडिएट पजेशन के लिए एंटाइटल्ड। जरूरी नहीं कि जो मांग रहा है वो ओनर ही हो, प्लेंटिफ ओनर हो ऐसा जरूरी नहीं है, ही मस्ट बी एंटाइटल्ड फॉर इट्स इमीडिएट पजेशन, बस वो मांग सकता है। और यहां पे क्या मांगा जाता है, स्पेसिफिकली प्रॉपर्टी ही मांगी जाती है, वो प्रॉपर्टी ही चाहिए मुझे, क्योंकि पैसे में कॉम्पनसेशन तो एडिक्वेट नहीं है या कैलकुलेटिव नहीं है, क्वांटम उसका फिक्स नहीं कर सकते। अच्छा, एक्सप्लेनेशन भी इस बात को कहता है कि ये जो दोनों बी और सी क्लॉजेस हैं इसमें द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, हर मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में द कोर्ट शैल प्रिज्यूम कि इसको पैसे में कॉम्पनसेट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम कि पैसे में क्वांटिफाई नहीं कर सकते, इसका मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ अपोजिट पार्टी के पास होगा। जैसे मान लीजिए मेरी कोई घड़ी किसी दूसरे व्यक्ति की पजेशन में है और मुझे उससे स्पेसिफिकली घड़ी मांगनी है, मैं कब मांग सकता हूं, जब या तो वो एज एन एजेंट होल्ड कर रहा हो, मान लीजिए वो एजेंट नहीं है, सेक्शन बी और सी के हिसाब, सॉरी क्लॉज बी और सी के हिसाब से मांग सकता हूं मैं कोर्ट के। अब जब मैं बी और सी के हिसाब से उसके अंडर अगर सूट फाइल कर रहा हूं, अंडर क्लॉज बी और सी मैं उस घड़ी को रिकवर करना चाहता हूं, तो मुझे कोर्ट के सामने ये प्रूफ नहीं करना पड़ेगा कि साहब मेरे लिए वो अलग वैल्यू रखती है, पैसे में कैलकुलेट नहीं कर सकते। द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, हर मूवेबल प्रॉपर्टी केस में द कोर्ट शैल प्रिज्यूम कि वो ऐसी प्रॉपर्टी है जो पैसे में क्वांटिफाई नहीं हो सकती, और अगर शैल मतलब रिबेटेबल प्रिजम्पशन, दूसरी पार्टी अगर कॉन्ट्ररी फैक्ट प्रूफ कर दे तो बात बन जाएगी, फिर मुझे कॉम्पनसेशन ही मिलेगा, लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा, दूसरी पार्टी पे, मुझ पे नहीं होगा। मैं अगर प्रॉपर्टी मांग रहा हूं मूवेबल प्रॉपर्टी कि साहब मुझे ये प्रॉपर्टी ही चाहिए स्पेसिफिकली, तो मुझे ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि वो बी और सी क्लॉज में फॉल करती है, कि वो पैसे में क्वांटिफाई नहीं हो सकती, द कोर्ट विल प्रिज्यूम कि वो ऐसी प्रॉपर्टी है। हाँ, बट अपोजिट पार्टी अगर प्रूफ कर दे तो बात ठीक है, दैट इज अ रिबेटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। इस तरीके के भी प्री में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कई बार मध्य प्रदेश वाले भी ऐसा ट्विस्ट मार देते हैं, जैसे 2019 फेज टू का एग्जाम था, सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए थे, बच्चों के साथ साथ मास्टरों का भी दिमाग घूम गया था कि क्या सवाल पूछ रहे हैं। प्रॉब्लम उन्हीं स्टूडेंट्स को होती है उस केस में भी जिनने आंसर याद कर लिए हैं, जिसने समझा है वो वहां भी क्रैक करके आए हैं एग्जाम। ठीक, इसीलिए थोड़ा सा अपन कॉन्सेप्चुअली भी देख रहे हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन कहता है इस प्रेजम्पशन के बारे में, एंड दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 8। तो सेक्शन 8 के एक बार दोबारा आपको रिवाइज करा दूं, प्री के क्वेश्चन, सेक्शन 8 किसके अगेंस्ट फाइल होगा, तो ओनर के अगेंस्ट नहीं हो सकता, पहली चीज। सेक्शन 8 में आप मांगते क्या है, पजेशन ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। कब मांग सकते हैं, जब जिस व्यक्ति की पोजेशन में वो प्रॉपर्टी है वो पोजेशन के लिए एंटाइटल्ड नहीं है, एज एन एजेंट अगर वो होल्ड कर रहा है, या फिर ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे पैसे में क्वांटिफाई नहीं कर सकते, या पैसा जहां एडिक्वेट रिलीफ नहीं होगा, दोनों बातें।
ऐसे में भी आप सेक्शन 8 का सूट फाइल कर सकते हैं, या फिर गलती से प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है प्लेंटिफ से तो वो मांग सकता है सेक्शन 8 का सूट फाइल करके। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रिलिम्स के क्वेश्चन है सेक्शन 8 के, और इसका एक्सप्लेनेशन भी इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी आपको समझा दिया। सो दैट इज अबाउट रिकवरिंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये देखिए भाई, जो हमने यहां सबसे पहले बात की थी कि अलग अलग रेमेडीज, अलग अलग रिलीफ प्रोवाइड कर रहा है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इसमें से एक रिलीफ तो हमने भाई कवर कर लिया। कौन सा? पजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। इससे रिलेटेड चार प्रावधान हमने पढ़े हैं, सेक्शन 5 हमने पढ़ा है, सेक्शन 6 पढ़ा है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है, 7 और 8 पढ़ा है जो मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है। तो दैट्स हाउ रिकवरी ऑफ पजेशन इज गिवन एज अ रिलीफ अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो ये एक रेमेडी आपकी कंप्लीट हो गई, एंड आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इसके बाद आते हैं अपन अब दूसरी रेमेडी की तरफ, जो है आपका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किसका? कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। उससे रिलेटेड प्रोविजंस देखते हैं। तो देखिए, ये जो चैप्टर है, चैप्टर 2 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 9 कहता है सबसे पहले डिफेंसेस रिस्पेक्टिंग सूट्स फॉर रिलीफ बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 9 को ब्रीफ में समझ लीजिए, आप रीड आउट बाद में कर लीजिएगा। सेक्शन 9 कहता है कि भैया चैप्टर 2 जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, ये आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगने का अधिकार दे रहा है। तो जब भी आप स्पेसिफिक रिलीफ का सूट फाइल, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल करेंगे, तो डिफेंडेंट के पास जो डिफेंसेस अवेलेबल थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जैसे आप डैमेजेस का सूट फाइल करते, तो डिफेंडेंट के पास पास कुछ डिफेंसेस अवेलेबल है। हो सकता है डिफेंडेंट कहे कि साहब ये तो अग्रीमेंट ही वॉइड है, ये एक डिफेंस है उसके पास। हो सकता है वो कहे कि साहब ये अग्रीमेंट तो मेरे पार्ट पे वॉइडेबल है, इसलिए व्यक्ति इसको एनफोर्स करा ही नहीं सकता। तो ऐसे जो डिफेंसेस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफेंडेंट के पास वहां अवेलेबल थे, वो सारे डिफेंसेस इन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी अवेलेबल होंगे। अगर सूट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का है, वहां पे भी जो डिफेंडेंट है वो ये सारे डिफेंस क्लेम कर सकता है, वो वहां ही कोर्ट में ये प्रूफ कर सकता है कि साहब अग्रीमेंट ही वॉइड है, कहां की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। जब अग्रीमेंट ही वॉइड है तो कोई लीगल एनफोर्समेंट उसका होगा ही नहीं, तो वो सारे डिफेंसेस जो कॉन्ट्रैक्ट में अवेलेबल है डिफेंडेंट के पास, वो सब यहां भी अवेलेबल होंगे। इस बात का डिक्लेरेशन है सेक्शन 9। प्री के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेक्शन नंबर सिर्फ यहां पे पूछ लिया जाता है, एक बार रीड आउट कर देता हूं। एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड हेयर इन वेयर एनी रिलीफ इज क्लेम्ड अंडर दिस चैप्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, द पर्सन अगेंस्ट हुम द राइट इज क्लेम्ड मे प्लीड बाय वे ऑफ डिफेंस एनी ग्राउंड, अंडरलाइन कर सकते हैं आप इसे, एनी ग्राउंड विच इज अवेलेबल टू हिम अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड लॉ में जो डिफेंसेस अवेलेबल हैं, वो डिफेंसेस यहां भी मिलेंगे, इस बात का मेयर डिक्लेरेशन। फिर आइए सेक्शन 10, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 10 तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पेसिफिकली स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की ही ये बात करता है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 10 कहता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेंड इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 11, सेक्शन 14 एंड 16। देखिए भाई, सेक्शन 10 जो है ना, 2018 का जो अमेंडमेंट था स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, वो बहुत सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट था। काफी सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस यहां स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में करे गए थे विद द हेल्प ऑफ 2018 अमेंडमेंट। और सेक्शन 10 पहले बहुत बड़ा था पिछले वाले में, अगर आपके बेरेट में फुटनोट में दिया है तो प्रीवियस सेक्शन 10 आप देख सकते हैं। उस समय पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट करना वाज अ डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, अब जिसको डिस्क्रिशन से हटा के अब वो मैंडेटरी हो गया है। मैंडेटरी मतलब देना ही है, अगर कोई व्यक्ति स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगने आया है कॉन्ट्रैक्ट का तो कोर्ट को देना ही है। इट इज जस्ट सब्जेक्ट टू 3 प्रोविजंस, 11 का क्लॉज 2, सेक्शन 14 और 16। अगर वो कंप्लाई हो रहे हैं तो आपको देना ही देना है, बाउंड है कोर्ट, इसीलिए शैल वर्ड यूज है। तो देखिए क्या लिखा है, द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी एनफोर्स्ड, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, मैंडेटरी हो गया। पहले आप देखेंगे डिस्क्रिशनरी था, मे लिखा था पहले, इसके पहले जो था वहां डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट क्लियरली लिखा था।
अब नहीं है, अब मैंडेटरी हो गया 2018 के अमेंडमेंट के बाद, देना ही देना है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपको। सो द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेंड इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 11 सेक्शन 14 एंड 16। तो ये कहता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिलेगी, देना ही है, मैंडेटरी है, बट इट इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 11 क्लॉज 2 सेक्शन 14 एंड 16, सब्जेक्ट टू दिस, बाकी मिलेगी। ठीक, इनको अभी अपन पढ़ते हैं एक एक करके कि इनमें क्या लिखा है। पहले मैं इन्हीं की बात करूंगा बिकॉज दे आर कोरिलेटेड। थोड़ा सा एक ब्रीफ बता दे रहा हूं बस। जैसे सेक्शन 11 का हेड नोट आप देखिए, ये है ट्रस्टीज के केस में, तो कहां स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी इस बात का मेंशन है। ऐसे ही सेक्शन 14 का जरा हेड नोट देख लीजिए बस, बेरेट में कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्सिएबल, क्लियरली बताया कौन से वो कॉन्ट्रैक्ट हैं जो स्पेसिफिकली एनफोर्सिएबल नहीं होंगे, कहने का मतलब जिनमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। सेक्शन 16 बात करता है ऐसे लोगों की, सेक्शन 16 का हेड नोट है पर्सनल बार्स टू रिलीफ, कौन लोग हैं जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो सब्जेक्ट टू दीज थ्री प्रोविजंस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज अ मैंडेटरी रिलीफ जो देना ही है कोर्ट्स को। अब आइए सेक्शन 11 पे। सेक्शन 10 बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, इसलिए इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। सेक्शन 11, केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कनेक्टेड विथ ट्रस्ट एनफोर्सिएबल। देखो भाई, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का आपको कॉन्सेप्ट मैंने इस क्लास के स्टार्टिंग में समझा दिया है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है। जहां कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टी है उससे उसका ऑब्लिगेशन ही फुलफिल कराया जाए जो उसने कॉन्ट्रैक्ट में लिया है, उसको अपन कहते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ठीक, उसी को क्लेम करने की बात इस पूरे चैप्टर में चल रही है। 11 देखिए, केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कनेक्टेड विद ट्रस्ट एनफोर्सिएबल एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी एनफोर्स्ड व्हेन द एक्ट अग्रीड टू बी डन इज इन द परफॉर्मेंस होली और पार्टली ऑफ अ ट्रस्ट। अगर मान लीजिए ट्रस्ट के अंडर भी कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो भी स्पेसिफिकली एनफोर्स कराया जा सकता है। कहने का मतलब ट्रस्टी ने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है ऑन बिहाफ ऑफ द बेनिफिशरीज, की कहानी मैं आपको भी बता चुका हूं 2 मिनट पहले, तो किसी ट्रस्टी ने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो भी स्पेसिफिकली एनफोर्सिएबल होगा। अंडर ट्रस्ट भी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वो भी स्पेसिफिकली एनफोर्सिएबल होगा, ये बात कहता है सेक्शन 11 का सबसेक्शन 1। लेकिन सबसेक्शन 2 जिसका जिक्र हमने यहां किया है वो डिफरेंट बात करेगा। 2 देखिए क्या कहता है, अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय अ ट्रस्टी इन एक्सेस ऑफ हिज पावर और इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स। लेकिन जितना अधिकार उस ट्रस्टी को दिया गया था रिगार्डिंग दैट प्रॉपर्टी कि आप उसके रिगार्डिंग क्या क्या कर सकते हैं, अगर वो अपनी अथॉरिटी के बाहर जाके कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, अपनी अथॉरिटी से हट के उससे ज्यादा जो उसके पास पावर नहीं था जो करने का, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट अगर वो करके आ जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं होगा। बहुत सिंपल लॉजिक है, बेनिफिशियरी का इंटरेस्ट इंपैक्ट होगा। हो सकता है ट्रस्टी भाई उसको जितना पावर दिया था हमने कि जिस तरीके से तुमको प्रॉपर्टी डील करनी है तुम उससे ज्यादा डील कर रहे हो, ऐसे में तो बेनिफिशियरी का इंटरेस्ट इंपैक्ट होगा ना। इसीलिए 11 का सबसेक्शन 2 कहता है बहुत क्लियरली कि अगर ट्रस्टी ने अपने पावर से एक्सेस में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है उसको कोर्ट स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं कराएगा। हाँ, उसने अपनी पावर के अंदर जितने स्पेसिफिक परफॉर्मेंसेस किए हैं वो सब के सब, वो उसने जितने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं वो सब के सब, उन सब में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिल सकती है। लेकिन पावर के बाहर जाके अगर ट्रस्टी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है वहां स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 11 क्लॉज 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं एक और अतरंगी प्रोविजन पे, एसआरए के सेक्शन 12। काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोविजन ये लगता है बट अभी अपन इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद आई होप आपको उतना कॉम्प्लिकेटेड ये नहीं लगेगा, बट फिलहाल तो कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपने कभी भी एसआरए पढ़ा है और इस प्रोविजन को रीड आउट किया है तो आई एम प्रिटी श्योर कि दिमाग का दही हुआ होगा आपके, ये कहना क्या चाह रहे हैं। पहले जरा ओवरव्यू समझ लेते हैं इस प्रोविजन का, फिर लैंग्वेज पे जाएंगे। देखिए सेक्शन 12 बात करता है, इस सवाल का जवाब देता है बेसिकली सेक्शन 12 कि क्या एक कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पार्ट में दिया जा सकता है,
जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ने कॉन्ट्रैक्ट किया एक सड़क बनाने का, पूरी नहीं बना पा रहा, वो थोड़ी सी बना पा रहा है, क्या उस केस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग सकते हैं? कोई भी ऑब्लिगेशन आपने लिया है, आप इस हालत में नहीं है कि उसे पूरा कर पाए, आधा, तो क्या आधा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगा जा सकता है, क्लेम किया जा सकता है? अगर कोई व्यक्ति अपने कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्लिगेशन है उसको पूरा नहीं कर पा रहा है, तो एक तो होता है कि आप पूरा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगिए कि नहीं साहब आप तो यही दो, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि वो इस कैपेसिटी में ही नहीं है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए ए ने बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि ये जो एक पीस ऑफ लैंड है, जो बी का कहना है मेरा है, ये जो पीस ऑफ लैंड है, बी का कहना है मैं एंटाइटल्ड हूं, मेरा ये लैंड है, और इसको खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट ए ने कर लिया है, लेकिन बाद में ये पता चलता है कि इस लैंड का एक पोर्शन छोटा सा, ये वाला जो पोर्शन है इतना, ये किसी और का है, इधर पे एक खेत था जो सी का है और इतना पोर्शन उसमें आता है। अब बी कह रहा है कि साहब ठीक है वो हो गई गलती, इतना सा भी हमने बता दिया, हमारे खेत का पार्ट नहीं है, लेकिन अब इस ग्राउंड पे ये बंदा मना कर रहा है कि नहीं हमको खरीदना ही नहीं है, तो क्या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इस अग्रीमेंट का हो सकता है कि नहीं आप ये खेत दे दो और बंदा उतना पैसा दे दे? ऑब्वियसली इसका तो नहीं देगा, जो भी कंसिडरेशन डिसाइड हुआ है उसमें इसका पैसा तो नहीं देगा क्योंकि ये मिल नहीं रहा, लेकिन क्या ऐसे पार्ट का, कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्लिगेशन का एक पार्ट स्पेसिफिकली एनफोर्स कराया जा सकता है? दैट्स अ क्वेश्चन जिसका जवाब देता है सेक्शन 12 कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कब पार्ट में मांगी जा सकती है और कौन मांग सकता है। भाई बी इज अनेबल टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन, वो पूरा लैंड नहीं दे पा रहा। मान लीजिए 50,000 रुपए में इस लैंड का सौदा हुआ था, ए को देने थे 50,000 और बी को देना था ये लैंड, ए तो तैयार बैठा 50,000 लेके, बी अपना ऑब्लिगेशन पूरा फुलफिल नहीं कर पा रहा है। अब दोनों में से कोई भी मांग सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, हो सकता है ए कहे कि साहब दिलवाओ, लेकिन वहां तो बी अपनी इनेबिलिटी दे देगा कि साहब है ही नहीं हमारा, अब सी का है तो कैसे दे दोगे तुम उसको। अगर बी जाता है कोर्ट के पास स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगने कि साहब ए आप खरीदने से मना कर रहा है क्योंकि थोड़ा सा पोर्शन उसमें नहीं है लेकिन बाकी तो हम देने को तैयार हैं, इसलिए अब आप कॉम्पेंसेशन मत दिलाइए, वो मत करिए, आप तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराइए कि हमने तो लैंड का सौदा कर दिया, अब हम कहां जाएंगे दूसरा ग्राहक ढूंढने, हमें तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दिलाओ कि ए ये लैंड खरीदे, ठीक है उतना पैसा ऑब्वियसली काट लिया जाएगा कंसिडरेशन का प्रोपोर्शनेटली। तो क्या बी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग सकता है, क्या ए ऐसी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग सकता है? क्या होगा इन केसेस में जहां पार्टी अपना ऑब्लिगेशन पूरा फुलफिल नहीं कर पा रही है? क्या पार्ट में ऑब्लिगेशन का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगा जा सकता है? इस सवाल का जवाब बेसिकली सेक्शन 12 देता है। अब पढ़ते हैं इसका प्रोविजन और इसकी इंट्रिकेसी को अपन समझते हैं कि ये कहता क्या है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी प्रीलिम्स में आते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आने की संभावना डायरेक्टली तो नहीं होती है, बट कई बार एग्जाम्स में प्री में आता है और मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एटलीस्ट यू मस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस प्रोविजन। सो देखिए इधर लिखा है, सबसे पहले एक्सेप्ट एज अदरवाइज हेयर इन आफ्टर प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन द कोर्ट शैल नॉट डायरेक्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो पहला जो सेक्शन 12 का सबसेक्शन 1 है वो तो मेयरली इस बात का डिक्लेरेशन है कि भैया जनरल रूल ये होगा कि पार्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, जनरल रूल विल बी दिस कि पार्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन सेक्शन 12 में आगे जो कंडीशंस दी हुई हैं उस हिसाब से ही, सिर्फ उस हिसाब से पार्ट परफॉर्मेंस हो जाएगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पार्ट में सिर्फ उन्हीं सर्कमस्टांसेस में होगा और उन्हीं कंडीशंस में होगा जो सेक्शन 12 में आगे स्पेसिफाई करी गई हैं। इसके अलावा किसी और तरीके से या किसी और सर्कमस्टांस में पार्ट परफॉर्मेंस नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट का, सिर्फ जो यहां लिखा है उसी हिसाब से होगा। दैट्स द मीनिंग ऑफ सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 देखिए, वेर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज अनेबल टू परफॉर्म द होल ऑफ हिज पार्ट ऑफ इट बट द पार्ट विच मस्ट बी लेफ्ट अनपरफॉर्म्ड बाय ओनली अ स्मॉल पोर्शन टू द होल इन वैल्यू एंड एडमिट्स ऑफ कॉम्पनसेशन इन मनी। अब देखिए जो बात चल रही है
कि एक पार्ट तो आप, अब देखिए, जब भी आपका ऑब्लिगेशन अनपरफॉर्म्ड रहेगा, जो आप उसको परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उसमें एक पोर्शन आप परफॉर्म कर पा रहे हैं, एक पोर्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसेक्शन टू ऐसी स्थिति की बात कर रहा है जहां पे जो ऐसा पोर्शन है जो आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, अनपरफॉर्म्ड, वो कम है इन कंपैरिजन टू दैट पोर्शन जो आप परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ए और बी का, लैंड खरीदने वाला, भाई दिस पीस ऑफ लैंड वाज टू बी कन्वेड, इसका जो मेजर पोर्शन है वो तो वो दे पा रहा है, लेकिन इतना सा पोर्शन है, बस इतना सा एक छोटा पोर्शन है जो वो कन्वे नहीं कर पा रहा, जिसका वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। आगे देखिए। अच्छा, इसमें ये भी ध्यान रखना कौन सी पार्टी की बात चल रही है। तो इधर तो अभी स्पेसिफाई नहीं किया है, सबसेक्शन टू फिर से रीड आउट कर रहा हूं। वेयर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज अनेबल टू परफॉर्म द होल ऑफ हिज पार्ट ऑफ इट, बट द पार्ट विच मस्ट बी लेफ्ट अनपरफॉर्म्ड बाय ओनली अ स्मॉल प्रपोर्शन टू द होल इन वैल्यू एंड एडमिट्स ऑफ कॉम्पनसेशन इन मनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एडमिट्स ऑफ कॉम्पनसेशन इन मनी का मतलब जितना पार्ट अनपरफॉर्म्ड है, ये पार्ट है आपका अनपरफॉर्म्ड, दिस कैन बी कॉम्पनसेटेड इन मनी, पैसे के फॉर्म में इसको कॉम्पनसेट कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर वो सेपरेट पोर्शन है दैट कैन बी इंजॉयड, पैसे के फॉर्म में इतना जो नहीं दे पा रहे हैं उसको पैसे के फॉर्म में अगर कॉम्पनसेट कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन में सबसेक्शन टू एप्लीकेबल होगा। ठीक, तो क्या कर रहे हैं, जो पोर्शन हम परफॉर्म कर पा रहे हैं वो लार्जर पोर्शन है ऑब्लिगेशन का, और एक छोटा पोर्शन नहीं कर पा रहे हैं, बट कॉम्पनसेशन कैन बी गिवन फॉर दैट एंड द पर्सन इज रेडी टू डू दैट। अब आगे देखिए, एंड एडमिट्स ऑफ कॉम्पनसेशन इन मनी, द कोर्ट में एट द सूट ऑफ ईदर पार्टी, यहां पे सूट फाइल कौन कर सकता है, दोनों में से कोई भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग सकते हैं पार्ट में, ऐसी सिचुएशन में लिखा है एट द सूट ऑफ ईदर पार्टी डायरेक्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ सो मच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज कैन बी परफॉर्म्ड एंड अवॉर्ड कॉम्पनसेशन इन मनी फॉर द डेफिशिएंसी। तो भैया अगर ऐसी सिचुएशन है जहां पार्टी लार्जर पोर्शन तो परफॉर्म कर पा रही है लेकिन थोड़ा सा पोर्शन परफॉर्म नहीं कर पा रही है, ऐसे केस में दोनों में से कोई भी पार्टी, देखिए यहां दो पार्टी होंगी, एक वो पार्टी है जो अपना परफॉर्मेंस फुलफिल कर रही है, एक वो पार्टी है जो अपना ऑब्लिगेशन पूरी तरीके से फुलफिल नहीं कर पा रही है, ये पूरा कर रही है, तो ये अग्रीव्ड है इस केस में। अग्रीव्ड कौन है, ए, क्योंकि वो तो अपना सब कुछ कर रहा है भाई, मान लीजिए 5 लाख रुपए की बात हुई थी कंसिडरेशन, वो तो तैयार बैठा 5 लाख लेके, लेकिन उसको पूरा लैंड मिल नहीं पा रहा है, सो ही इज द अग्रीव्ड वन। लेकिन सबसेक्शन टू कहता है जहां अनपरफॉर्म्ड पोर्शन कम है, बहुत लॉजिकल भी है, और ये अनपरफॉर्म्ड पोर्शन कम है और उसको पैसे में कॉम्पनसेट किया जा सकता है, तो ये भी कोर्ट के पास जाके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग सकता है कि ठीक है साहब, वो छोटा सा पोर्शन नहीं दे पा रहा, इस ग्राउंड पे आप उसको ये अधिकार मत दीजिए कि वो लैंड कन्वे ही ना करे और सिर्फ मेरे को कॉम्पनसेशन दे दे इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा नहीं है, मेरे को तो आप लैंड दिलवाओ, भले वो छोटा सा पोर्शन नहीं मिल रहा उसका कंसिडरेशन ऑब्वियसली वो नहीं देगा, लेकिन इसके चक्कर में मेरा ये पूरा लैंड हाथ से नहीं जाना चाहिए, तो ये भी जाके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग सकता है और बी भी जाके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग सकता है, भले ही वो इनकॉम्पिटेंट है, इनकेपेबल है थोड़ा सा लैंड देने में, लेकिन मेजर पोर्शन के लिए तैयार है, और वो कॉम्पनसेशन भी एडमिट कर रहा है कि ठीक है ये जो पोर्शन में नहीं दे पा रहा हूं छोटा सा, उसके लिए मैं कॉम्पनसेशन भी दूंगा उसको, अब तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा दो। तो ऐसे केस में दोनों में से कोई भी पार्टी कॉम्पनसेशन मांग सकती है, जहां सॉरी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग सकती है जहां अनपरफॉर्म्ड पार्ट कम है और वो पैसे में कॉम्पनसेट करने को तैयार है पार्टी। आई होप दिस इज क्लियर। इस सिचुएशन में दोनों में से कोई भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पार्ट में मांग सकते हैं, इतने पोर्शन का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन सॉरी सबसेक्शन थ्री की, जो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, यही सबसेक्शन है सबसेक्शन थ्री जो थोड़ा आपको कंफ्यूज करता है, तो मैं जरा उस पे आ जाता हूं, सबसेक्शन थ्री पे देखिए, रीड करते हैं इसको पहले, फिर मैं आपको इसका मीनिंग समझाता हूं। वेयर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज अनेबल टू परफॉर्म द होल ऑफ हिज पार्ट ऑफ इट एंड द पार्ट विच मस्ट बी लेफ्ट अनपरफॉर्म्ड ईदर। अब देखिए उस पार्टी की बात चल रही है
सबसेक्शन 3 की मेन लैंग्वेज में पहले पार्टी आइडेंटिफाई कर लो कि किसकी बात चल रही है। तो इधर बात चल रही है वेयर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज अनेबल टू परफॉर्म, ऐसा व्यक्ति जो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है। बी था ऐसा व्यक्ति अपने पिछले एग्जाम्पल में जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा अपना ऑब्लिगेशन। आगे लिखा है द होल ऑफ इज पार्ट ऑफ इट एंड द पार्ट विच मस्ट बी लेफ्ट अनपरफॉर्म ईदर ए फॉर्म्स अ कंसिडरेबल पार्ट ऑफ द होल दो एडमिटिंग ऑफ कॉम्पनसेशन इन मनी। यहां उल्टा हो गया। अब ये जो अपन ने इलस्ट्रेशन देखा इसी में हम सेक्शन 3 अप्लाई करते हैं। कोर्ट के पास जा कौन रहा है इधर? अब ए नहीं जा रहा। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं उस व्यक्ति की जो अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर पा रहा, इसका मतलब बी की बात चल रही है। और कंडीशन क्या है कि जो अनपरफॉर्म्ड पार्ट है वो ज्यादा है। यहां पे सिचुएशन ये हो गई कि बी सिर्फ इतना सा पोर्शन दे सकता है, कम पोर्शन दे पा रहा है। ये वाला पोर्शन वो परफॉर्म कर रहा है और ये जो पोर्शन है रेड वाला जो कि ज्यादा पोर्शन है दैट इज अनपरफॉर्म्ड। ऐसी अगर सिचुएशन है तो आगे क्या होगा देखिए। फॉर्म्स अ कंसिडरेबल पार्ट ऑफ द होल दो एडमिटिंग ऑफ कॉम्पनसेशन इन मनी। भले वो तैयार है इसको कॉम्पनसेट करने के लिए पैसे में, लेकिन वो लार्जर पोर्शन ऑफ द ऑब्लिगेशन है। सेकेंड बी डज नॉट एडमिट ऑफ कॉम्पनसेशन इन मनी। या फिर कोई भी सिचुएशन, चाहे लार्जर पोर्शन अनपरफॉर्म्ड हो चाहे स्मॉलर पोर्शन अनपरफॉर्म्ड हो, लेकिन वो व्यक्ति कॉम्पनसेशन एडमिट नहीं कर रहा पैसे में। इसका मतलब पिछली सिचुएशन में भी अगर इस पोर्शन का वो कॉम्पनसेशन देने को तैयार नहीं है तो वो व्यक्ति तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मांग पाएगा। दैट इज वेरी क्लियर। तो कंडीशंस क्या है ए और बी में? पहली कंडीशन में जो अनपरफॉर्म्ड पार्ट है वो लार्जर पार्ट है और छोटे वाले का भले ही आप कॉम्पनसेशन दे रहे हो, बी इसकी बात ही नहीं करता कि अनपरफॉर्म्ड है या परफॉर्म करने वाला कौन सा ज्यादा है। बात यह है कि जो अनपरफॉर्म्ड पोर्शन है भले वो ज्यादा कम है आप उसको कॉम्पनसेट नहीं कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा आगे देखिए। ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू ऑप्टेन। अब ये जो लिखा है ना बेटा ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू ऑप्टेन, इसमें कौन है ए या बी बताइए? जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है वो बी है, जो तैयार है परफॉर्मेंस के लिए वो ए। अब आप बताइए जरा इसको पढ़ के ही किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? He is not entitled to obtain a degree of specific performance. वो व्यक्ति specific performance नहीं मांग सकता। जरा कमेंट में बता दो जल्दी से किसकी बात चल रही है, ही से किसको address किया जा रहा है इधर, तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं जो इतनी देर से कथा सुना रहा हूं आपके समझ में आ रही है। ही कौन है? इसलिए मैंने कहा था सेक्शन 3 की जो स्टार्टिंग लाइन है वहां ही आइडेंटिफाई कर लेना किस पार्टी की बात चल रही है। Where a party to a contract is unable to perform the whole of his part. All right. उसके रिस्पेक्ट में लिखा है he is not entitled to obtain a degree for specific performance. कहने का मतलब ये किसके कंटेक्स्ट में बात चल रही है? ये बात चल रही है इस व्यक्ति के कंटेक्स्ट में B, जो अपने ऑब्लिगेशन को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है उसके कंटेक्स्ट में बात चल रही है कि ये व्यक्ति तो ऐसी सिचुएशन में नहीं मांग पाएगा। इन दोनों सिचुएशन में ये तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मांग पाएगा। कौन सी सिचुएशन में? जहां अनपरफॉर्म्ड पार्ट लार्जर हो और छोटा सा पोर्शन वो परफॉर्म कर पा रहा है, जो नहीं कर पा रहा वो लार्जर पोर्शन है भले ही वो लार्जर के लिए कॉम्पनसेशन के लिए भी तैयार हो, इसको तो कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं देगा। बहुत ऑब्वियस सी चीज है यार, तुम्हारी गलती है, तुम ही मेजर पोर्शन अपना नहीं कर पा रहे, तुम्हें तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हम नहीं देंगे। या फिर सिचुएशन यह है कि पोर्शन भले ही वो छोटा है लेकिन तुम कॉम्पनसेशन देने को तैयार नहीं हो अनपरफॉर्म पार्ट का, तो भी बहुत लॉजिकल बात है कि भैया इसके साथ तो इक्विटी नहीं होनी चाहिए, फिर इक्विटी उसी के साथ होनी चाहिए जो खुद अपनी तरफ से सही हो। तो ऐसे केस के लिए सबसेक्शन 3 कह रहा है कि बी तो एंटाइटल्ड बिल्कुल नहीं है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लेने के लिए। बट आगे लिखा है, आगे देखिए इसके बाद दूसरी पार्टी की अब बात आएगी। तो आगे लिखा है बट द कोर्ट मे एट द सूट ऑफ अदर पार्टी। अब अदर पार्टी कौन है इधर पे? ए इज द अदर पार्टी, दिस इज द अदर पार्टी जो तैयार बैठी है अपना ऑब्लिगेशन करने के लिए, दूसरा नहीं कर रहा, इसके पास ऑप्शन है, ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ले सकती है। सो आगे लिखा है
बट द कोर्ट मे एट द सूट ऑफ अदर पार्टी डायरेक्ट द पार्टी इन डिफॉल्ट. पार्टी इन डिफॉल्ट कौन है? बी. ये हो गया आपका पार्टी इन डिफॉल्ट. डिफॉल्ट उसने किया है. सो एट द सूट ऑफ अदर पार्टी डायरेक्ट द पार्टी इन डिफॉल्ट टू परफॉर्म स्पेसिफिकली सो मच ऑफ हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज ही कैन परफॉर्म इफ द अदर पार्टी. तो ए ऐसे केस में भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ले सकता है. अगर मान लीजिए बी अपनी इनकैपेसिटी जाहिर करता है कि भैया मेजर पोर्शन तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं सिर्फ ये छोटा सा पोर्शन ही कर पाऊंगा, तो ये बंदा तो नहीं मांग सकता बिकॉज ही इज एट फॉल्ट. लेकिन जो दूसरी पार्टी है उसके बाद भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकती है कि चलो भैया ठीक है तुम तो छोटा ही दो, ऑब्वियसली बात है कंसिडरेशन इसका तो हम पे नहीं करेंगे, लेकिन आप छोटा पोर्शन तो हमें दो, वो तो हमें चाहिए, हमें तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए, भले छोटा पोर्शन है हमको वो चाहिए, हम उसको सेक्रीफाइस नहीं करेंगे. इस पार्टी के पास ऑप्शन है क्योंकि इसका कोई फॉल्ट नहीं है, ये है इधर अदर पार्टी और ये मांग सकती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. लेकिन उसके लिए भी क्या कंडीशंस हैं, इसको क्या कंडीशंस फॉलो करनी है, इसके ऊपर क्या ऑब्लिगेशंस होंगे अगर ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग रही है अदर पार्टी, वो लिखे हैं 1 और 2 में. इसमें देखिए, इन अ केस फॉलिंग अंडर क्लॉज ए pays or has paid the agreed consideration for the whole of the contract reduced by the consideration for the part which must be left unperformed and a case falling under. अच्छा पहले केस ए की बात कर लेते हैं. अगर ए को केस ए में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगनी है, केस ए कौन सा था ऊपर, जहां एक लार्जर पोर्शन परफॉर्म नहीं हो पा रहा है, सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन परफॉर्म हो पा रहा है, अगर इसका भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ए मांग रहा है तो ए को कंसिडरेशन देना पड़ेगा. और कंसिडरेशन कौन सा देना पड़ेगा, बहुत ऑब्वियस सी बात है भैया, जितना ऑब्लिगेशन फुलफिल हो रहा है ये इसका इसका अमाउंट रिड्यूस करके कंसिडरेशन में से. 5 लाख रुपए की बात हुई थी, मान लीजिए 1/5 पार्ट है तो अब इसको कितना देना, 1 लाख सिर्फ, तो ए मस्ट बी रेडी टू पे 1 लाख, उतना कंसिडरेशन देने के लिए तैयार हो तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप मांग सकते हैं. उसमें आगे लिखा है फिर, एंड अ केस फॉलिंग अंडर क्लॉज बी pays or had paid the consideration for the whole of the contract without any abatement. Case B क्या था? तो ऊपर देखिए case B था does not admit of compensation in money. कि वो compensation पैसे में हो नहीं पा रहा है, दे नहीं पा रहा है. ऐसे केस में आप फिर भी मान लीजिए unperformed part इधर पे छोटा ही है, लेकिन उसका वो कॉम्पनसेट नहीं कर पा रहा है, आप फिर भी चाह रहे हैं कि नहीं हमें तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही चाहिए, अदर पार्टी फिर भी चाह रही है कि नहीं आप तो फिर भी ठीक है हमको लैंड दिलाइए, तो आपको पूरा कंसिडरेशन ऐसे केस में पे करना पड़ेगा. और आपको एक बात ये भी, अभी आगे एक चीज और लिखी है कि आपको जो सेकेंड वाला है वो मैं आपको समझा दूं, क्लॉज टू जो है ये तो आप करेंगे कि कंसिडरेशन देंगे, साथ में आप ये भी डिक्लेयर करेंगे कि इसके बाद आप कोई और रिलीफ या कोई और सूट फाइल उसके अगेंस्ट नहीं करेंगे फॉर ब्रीच. आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगने आए हैं, वो बंदा पूरा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो आप कह रहे हैं जितना हो रहा उतना ही दे दो हमें, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने अपने बाकी सारे क्लेम्स को रिलिंक्विश कर दिया, छोड़ दिया, तभी आपको हम अभी क्योंकि बार बार कोर्ट के पास यही काम नहीं बैठा है बचा है कि अभी भी आप आ गए, आपने बोला चलो ठीक है जितना हो रहा दे दो, और फिर बाद में आप कोई दूसरा क्लेम करने पहुंच गए, इसको प्रोहिबिट करता है इसका क्लॉज टू. वो देखिए जरा, इन ईदर केस relinquishes all claims to the performance of the remaining part of the contract and all rights of compensation either for deficiency or for the loss or damage sustained by him through the default of the defendant. आप इस बात को बाकी कोई भी क्लेम, अगर आप दोनों में से किसी भी केस पे जा रहे हैं, चाहे आप ए वाला जो पार्ट था उस पे जा रहे हैं या बी, किसी भी केस में अदर पार्टी अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग रही है तो उसको ये करना पड़ेगा कि बाकी सारी सारे क्लेम जो अनपरफॉर्म्ड पार्ट है, जो पार्ट भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, फिर भी हम रिमेनिंग वाली की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग रहे हैं, तो जो अनपरफॉर्म्ड पार्ट है उससे रिलेटेड आगे आप कोई क्लेम नहीं मांगेंगे, इस बात को आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, तभी आप भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग पाएंगे, दैट इज दी अदर पार्टी. ये है आपका सबसेक्शन 3. आई होप दिस इज क्लियर. दो कंडीशंस हैं इसमें, एक कंडीशन ये जहां अनपरफॉर्म्ड पार्ट लार्जर है और छोटे वाले का चाहे कॉम्पनसेशन हो रहा है वो ना हो रहा, लेकिन लार्जर पार्ट अनपरफॉर्म्ड है, और सेकंड कंडीशन थी जहां कॉम्पनसेशन इन मनी नहीं हो पा रहा है.
इन दोनों केसेस में ये व्यक्ति तो मांग ही नहीं सकता स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, क्योंकि या तो ये लार्जर पोर्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, या फिर जो पोर्शन ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा उसके बदले में कॉम्पेंसेशन एडमिट नहीं कर रहा है, तो इसके पास तो कोई हक ही नहीं है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगने का। हाँ, लेकिन अदर पार्टी अगर फिर भी चाहती है कि नहीं साहब वो तो स्पेसिफिक एनफोर्समेंट ही करा हुआ, तो आप करा सकते हैं, आपकी कुछ कंडीशंस हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, कंसिडरेशन देना पड़ेगा और बाकी सारे क्लेम्स रिलिंक्विश करने पड़ेंगे। इस शर्त पे आप चाहे तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ले सकते हैं। इसके बाद सबसेक्शन 4 देखिए, व्हेन अ पार्टी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच टेकन बाय इटसेल्फ कैन एंड ऑट टू बी स्पेसिफिकली परफॉर्म स्टैंड ऑन अ सेपरेट एंड इनएडिक्वेट इंडिपेंडेंट फुटिंग फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द सेम कॉन्ट्रैक्ट व्हिच कैन नॉट और ऑट नॉट टू बी स्पेसिफिकली परफॉर्म द कोर्ट में डायरेक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द फॉर्मर पार्ट। अब देखिए, सबसेक्शन 4 बिल्कुल अलग है, उसका 2-3 से कोई लेना देना नहीं है। एक सबसेक्शन था 1 जो मेयर डिक्लेरेशन था, 2 ने बताया दोनों में से कोई भी पार्टी ले सकती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, लेकिन कंडीशन ये है कि जो अनपरफॉर्म्ड पार्ट है वो छोटा होना चाहिए और कॉम्पेंसेशन एडमिट कर रही हो पार्टी, वहां दोनों में से कोई भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ले सकता है। तीसरा वाला जो सब क्लॉज है वो सिर्फ एक पार्टी को अधिकार देता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लेने का, दैट इज द अदर पार्टी। जो पार्टी इन डिफॉल्ट है उसके पास अधिकार ही नहीं है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लेने का। क्यों? क्योंकि कंडीशंस ऐसी हैं कि या तो वो लार्जर पार्ट परफॉर्म नहीं कर पा रहा, या जो पोर्शन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है उसके बदले में कॉम्पनसेशन नहीं हो सकता। ऐसी कंडीशन है इसलिए इसको तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, बट अंडर सर्टेन कंडीशंस अदर पार्टी को मिल जाएगा। अब सबसेक्शन 4 बिल्कुल अलग बात कह रहा है, कह रहा है कि जो अनपरफॉर्म्ड पार्ट है और जो परफॉर्म्ड पार्ट है इफ दे कैन बी सेपरेटेड टुगेदर और उससे इंपैक्ट नहीं होगा राइट्स पे, ऐसे केस में सेपरेट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिल जाएगा। अगर मान लीजिए इस लैंड का यूटिलाइजेशन इतने पोर्शन में ही हो सकता है जो परफॉर्म हो रहा है, अनपरफॉर्म्ड पार्ट सेपरेट पार्ट है, परफॉर्म करने वाला पार्ट सेपरेट है कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे होता है ना दो ऑब्लिगेशन आपने रखे, मान लीजिए कि भाई ये जमीन भी मैं दे रहा हूं इतना पोर्शन आपको, और इस जमीन पे मैं आपको कुआं खोद के भी दूंगा। मान लीजिए ये ऑब्लिगेशन एक व्यक्ति ने अंडरटेक किया है कि ये जमीन भी दे रहा हूं और इस पे, या फिर इस पे एक झोपड़ी बना के दूंगा, और अगर उस पीसफुल एंजॉयमेंट ऑफ लैंड के लिए झोपड़ी एसेंशियल नहीं है, तो अगर वो पार्ट वो नहीं परफॉर्म कर रहा है तो ठीक है उसको हटा के आप बाकी का तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ठीक, दैट्स द डिक्लेरेशन अंडर सबसेक्शन 4। तो ये है आपका सेक्शन 12 जो पार्ट परफॉर्मेंस की बात करता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कि कब पार्ट में परफॉर्म करा जा सकता है। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद आइए पार्ट परफॉर्मेंस के बाद है सेक्शन 13 एंड दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। प्री के लिए बस ये जानना जरूरी है कि सेक्शन 13 में किसके राइट की बात चल रही है और किन सर्कमस्टांसेस में। मैं आपको पूरा प्रोविजन ब्रीफ कर देता हूं कि ये बात चल क्या रही है सेक्शन 13 में। देखो भाई, सेक्शन 13 कहता है राइट्स ऑफ परचेजर और लेसी अगेंस्ट पर्सन विथ नो टाइटल और इम्परफेक्ट टाइटल। सेक्शन 30 बेसिकली किसका राइट है, एक परचेजर का या लेसी का, किसी व्यक्ति ने प्रॉपर्टी या तो खरीदी है या किराए पे ली है, ये उस व्यक्ति का अधिकार है जिसने किराए पे ली या खरीदी। किसके अगेंस्ट है, ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट जिसने उसे बेची है या किराए पे दी है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने प्रॉपर्टी बेची है उसका टाइटल परफेक्ट नहीं है, क्लियर टाइटल नहीं है, डिस्प्यूटेड टाइटल है या टाइटल है ही नहीं। जिस व्यक्ति ने प्रॉपर्टी किराए पे दी है उसका टाइटल ही नहीं है, या जिस व्यक्ति ने प्रॉपर्टी बेच दी उसका टाइटल है नहीं है, इम्परफेक्ट टाइटल। इम्परफेक्ट है तो हम उसको परफेक्ट कराएंगे, या तो उसका टाइटल है नहीं या इम्परफेक्ट है। तो ऐसे केस में किसके राइट की बात चल रही है, परचेजर के या लेसी के। तो देखिए क्या राइट्स हैं उसके, सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोविजन नहीं है। वेयर अ पर्सन कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेल और लेट सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग नो टाइटल और ओनली एन इम्परफेक्ट टाइटल, द परचेजर और लेसी सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर हैज द फॉलोइंग राइट्स। परचेजर या लेसी के पास ये सारे अधिकार हैं। पहला, ए, इफ द वेंडर और लेसर हैज सब्सिक्वेंटली टू दी कॉन्ट्रैक्ट एक्वायर्ड एनी इंटरेस्ट इन दी प्रॉपर्टी, द परचेजर और लेसी में कंपेल हिम टू मेक गुड दी कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ सच इंटरेस्ट। अगर मान लीजिए उस व्यक्ति ने बेची थी जब प्रॉपर्टी, उस समय तो उसके पास टाइटल नहीं था, लेकिन सब्सिक्वेंटली जब उसने अग्रीमेंट किया था तब टाइटल नहीं था, लेकिन सब्सिक्वेंटली उसने टाइटल एक्वायर कर लिया है, अब प्रॉपर्टी के लिए वो व्यक्ति एंटाइटल्ड है जिसने बेची थी, तो आप उसको कंपेल कर सकते हैं कि भैया अल्लाह अब तो तू प्रॉपर्टी दे, क्योंकि जब तूने कॉन्ट्रैक्ट किया था तब भले ही तू एंटाइटल्ड नहीं था, बट आज की डेट में अगर तू एंटाइटल्ड हो गया तो उसको कंपेल कर सकता है
प्रॉपर्टी देने के लिए। बी देखिए, वेयर द कॉन्करेंस ऑफ अदर पर्सन्स इज नेसेसरी फॉर वैलिडेटिंग द टाइटल एंड दे आर बाउंड टू कॉन्ट्रैक्ट कॉन्कर एट द प्रेजेंट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द वेंडर और लेसर, द परचेजर और लेसी मे कंपेल हिम टू प्रोक्योर सच कॉन्करेंस एंड व्हेन अ कन्विंस्ड बाय अदर पर्सन इज नेसेसरी टू वैलिडेट द टाइटल एंड दे आर बाउंड टू कन्वे एट द रिक्वेस्ट ऑफ द वेंडर और लेसर, द परचेजर और लेसी मे कंपेल हिम टू प्रोक्योर सच कन्वेंस। अब देखिए ये बात क्या कर रहा है क्लॉज बी इसका, मैं आपको मीनिंग समझा देता हूं। अगर मान लीजिए किसी एक व्यक्ति पर टाइटल कन्फर तो किया गया है, बट इट इज सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय सम पर्सन। जैसे एक अंकल है, उनको अपने पोते को एक घर देना था एंटाइटलमेंट, तो उन्होंने कह दिया भैया, जैसे कंडीशनल ट्रांसफर होता है ना, देखो भाई एसआरए अगर आपको समझना है थोड़ा बहुत नॉलेज आपके पास सब्सटेंटिव लॉस का होना चाहिए। जैसे टीपीए में आपने पढ़ा होगा ना कंडीशनल ट्रांसफर, कि भैया इनके कहने पे ही ट्रांसफर होगी अगर इनने सहमति दी, और मान लीजिए वो बाउंड है सहमति। बी बात कर रहा है कि जैसे एक अंकल ने अपने पोते को एक घर उसको एंटाइटल कर दिया, लेकिन उन्होंने कंडीशन रखी है कि आपको अपने पापा की परमिशन रिक्वायर्ड होगी एंड पापा इज बाउंड टू गिव परमिशन। मतलब दादा के जो बेटे हैं, जो उस पोते के पापा हैं, उनकी परमिशन रिक्वायर्ड है एंड ही इज बाउंड टू गिव परमिशन। जब भी पोता आएगा परमिशन मांगने, आपको देनी पड़ेगी एंड ही विल बी एब्सोल्युटली एंटाइटल्ड फॉर दैट। ऐसे पोते ने किसी व्यक्ति को वो प्रॉपर्टी बेच दी है बिना फादर के कॉन्करेंस के, बिना उनकी परमिशन लिए, उनसे वो एसेंट लिए बिना। दो फादर इज बाउंड टू गिव दैट एसेंट, लेकिन एक प्री कंडीशन थी कि आपको एसेंट लेना है। ऐसे में अगर उस पोते ने प्रॉपर्टी बेच दी है, तो जो परचेजर है वो पोते को कंपेल कर सकता है कि भाई देख, इस टाइटल में तेरा डिफेक्टिव टाइटल है, क्योंकि ये कंडीशन प्रीरिक्विजिट थी कि तेरे पापा की परमिशन होनी चाहिए, जा परमिशन लेके आ। ऐसे में परचेजर का ये राइट है कि वो इस सेलर को, इस पोते को कंपेल कर सकता है कि जिस पर्सन का कॉन्करेंस चाहिए था तेरे टाइटल को परफेक्ट करने के लिए, वो तू करके आ, अदरवाइज मेरा राइट इंपैक्ट होगा कल को। तो ऐसे में वो परचेजर कंपेल कर सकता है। सी देखिए, वेयर दी वेंडर प्रोफेसेस टू सेल अन इनकम्बर्ड प्रॉपर्टी बट द प्रॉपर्टी इज मॉर्गेज फॉर एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द परचेज मनी एंड द वेंडर हैज इन फैक्ट ओनली अ राइट टू रिडीम इट, द परचेजर मे कंपेल हिम टू रिडीम द मॉर्गेज। जैसे मान लीजिए एक घर के ओनर ने घर बेचा किसी दूसरे बायर को, और उसने ये बोल के बेचा कि ये घर फ्री फ्रॉम इनकम्ब्रेंसेज है। इनकम्ब्रेंसेज मतलब लाइबिलिटी, कि इस घर पे कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई लोन वोन नहीं चल रहा इसका, ये बोल के बेचा है। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो घर तो मॉर्गेज है, बैंक के पास लोन लिया हुआ है, और जिसने बेचा है वो ही उस मॉर्गेज को रिडीम कर सकता है। कहने का मतलब लोन पटा के घर फ्री करा सकता है। तो जो बायर है वो ऐसे सेलर को कंपेल कर सकता है, वेंडर को कंपेल कर सकता है कि भैया तू वो मॉर्गेज से फ्री करवा के दे, ये अधिकार उसके पास रहेगा परचेजर के पास। डी देखिए, वेयर दी वेंडर और लेसर सूज फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द सूट इज डिसमिस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज वांट ऑफ टाइटल और इम्परफेक्ट टाइटल, द डिफेंडेंट हैज अ राइट टू अ रिटर्न ऑफ हिज डिपॉजिट इफ एनी विद इंटरेस्ट देयर ऑन टू हिज कॉस्ट ऑफ द सूट एंड टू अ लीन फॉर सच डिपॉजिट इंटरेस्ट इन कॉस्ट ऑन द इंटरेस्ट इफ एनी ऑफ द वेंडर और लेसर इन द प्रॉपर्टी व्हिच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए अब क्या बात चल रही है, मान लीजिए वेंडर या लेसर जिसने बेचा है, जिसका इम्परफेक्ट टाइटल है, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगने जा रहा कोर्ट के पास। सूट किसने फाइल किया इस केस में, डी वाले केस में, जिसने बेचा है। अभी तक अपन बात तो उस पर्सन की कर रहे हैं जिसने घर खरीदा है, उसके राइट की बात कर रहे हैं। अब राइट की उसी के बात हो रही है डी में, लेकिन सूट किसने फाइल किया, वेंडर ने। मान लीजिए वेंडर ने एक घर बेच दिया जिसपे उसका खुद टाइटल नहीं था, और अब वो अग्रीमेंट कर लिया उसने, और अब वो चाहता है कि इस अग्रीमेंट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो, वो बायर को कंपेल कर रहा है कि तुम खरीदो। ऐसे केस में भी बायर का यह अधिकार है कि अगर उसने कुछ अर्नेस्ट मनी, कुछ एडवांस पेमेंट अगर वेंडर को दिया है, तो इसी सूट में वो ये रिलीफ मांग सकता है, उसके लिए अलग से जाने की जरूरत नहीं है। अगर वेंडर ने स्पेसिफिक रिलीफ का सूट फाइल किया है, तो जो बायर है वो अपना एक और अधिकार यहाँ एक्सरसाइज कर सकता है उसी सूट में, कि अगर उसने, भाई देखो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो मिलेगा नहीं ऑब्वियसली बात है वेंडर को, क्योंकि उसका खुद का टाइटल सही नहीं है, वो खुद एंटाइटल्ड ही नहीं था बेचने के लिए, तो उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो कोर्ट देगा नहीं, डिसमिस हो जाएगा। लेकिन ऐसे सूट में जो डिफेंडेंट बना है, बायर दो डिफेंडेंट है, लेकिन वो अपना क्लेम मांग सकता है, उसने अगर कोई एडवांस पैसा ऐसा दिया है वेंडर को, तो इसी सूट में वो एडवांस डिपॉजिट वापस मांग सकता है, ये कहता है सेक्शन डी।
इसके बाद सबसेक्शन टू देखिए, द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन वन शैल ऑल्सो अप्लाई सो फार एज मे बी टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ हायर और मूवेबल प्रॉपर्टी। तो जो अभी पूरी सेक्शन 13 में अपन ने बात करी है, सबसेक्शन टू इस बात को डिक्लेयर करता है कि ये मूवेबल पे भी अप्लाई होगा। तो सेक्शन थ्री सॉरी सेक्शन 13 दोनों पे अप्लाई होता है, मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। दैट सेक्शन 13। इसके बाद आइए जरा 14 पे। अब 14 स्पेसिफिकली डील करेगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, स्पेसिफिकली एनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। तो देखिए उसके ऊपर एक सबहेडिंग लिखी है, कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड। वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं जो जिनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। दिस प्रोविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीधे सीधे सेक्शन का भी क्वेश्चन आता है और उन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में भी पूछा जाता है जिनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। सो सेक्शन 14 का जिक्र हमने सेक्शन 10 में भी किया था, क्योंकि सेक्शन 10 जहां आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग सकते हैं और कोर्ट बाउंड है, कोर्ट की ड्यूटी है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देना ही है, दैट प्रोविजन इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू सेक्शन 14। सेक्शन 14 के हिसाब से अप्रूव्ड होना चाहिए तभी कोर्ट बाउंड होगा। अगर सेक्शन 14 में वो फॉल कर रहा है केस, ऐसे केस में कोर्ट बाउंड नहीं है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देने के लिए। तो चलिए 14 की वो कंडीशन देखते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से हैं। बेसिकली ये बताया 14 ने कौन से वो कॉन्ट्रैक्ट हैं जो स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं हो सकते। सो द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स, नेमली ए में लिखा है वेयर अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हैज ऑब्टेन्ड सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 20। जहां पे भी पार्टी ने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ले ली है अंडर सेक्शन 20, वहां पे कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं देगा। अब मैं आपको ब्रीफ कर दूं जरा सेक्शन 20, आप बेरेट में निकाल लीजिए, रीड आउट मैं पूरा नहीं कर रहा हूं, लंबा चौड़ा प्रोविजन है, मैं आपको उसका क्रक्स पूरा बता दे रहा हूं, आप एक बार बाद में उसको रीड कर लीजिएगा, क्योंकि 20 से भी क्वेश्चन आते हैं। और ये जो सेक्शन 20 है ये पूरा का पूरा अमेंड हुआ है 2018 के अमेंडमेंट से, और ये आ गया है अभी जो प्रेजेंट सेक्शन 20 है, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मैं आपको क्रक्स बता देता हूं क्या होता है सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस में। जैसे मान लीजिए मैंने एक व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया एक ऑब्लिगेशन फुलफिल करने का, जैसे मान लीजिए मैंने एक व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो मेरी बिल्डिंग में आके व्हाइट वॉश करेगा या करवाएगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था व्हाइट वॉश कराने का, वो व्यक्ति व्हाइट वॉश नहीं करा पाता, अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करता है, ऐसे केसेस में सेक्शन 20 मुझे ऑप्शन देता है सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस। सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस का ऑप्शन मतलब मैं या तो खुद अपनी एजेंसी से वो काम करवा लूं या कोई दूसरे थर्ड पार्टी से वो ऑब्लिगेशन फुलफिल करवा लूं, क्योंकि जिसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो फुलफिल नहीं कर रहा है, तो मैं किसी थर्ड पर्सन से किसी दूसरे से करवा लूं या खुद के एफर्ट से कर लूं, और उसके बदले जितना मेरा खर्चा हुआ उस परफॉर्मेंस को करने में वो सारा किससे क्लेम करूंगा, जिसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, क्योंकि भाई लायबल तो वही था ना ये काम करने के लिए। तो इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस। इसकी कुछ प्रीरिक्विजिट्स हैं सेक्शन 20, अब एक बार आप रीड करेंगे समझ जाएंगे। नोटिस वोटिस देना होता है वो सब प्री के क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, लेकिन उनमें कोई टेक्निकलिटीज नहीं है, सिंपल प्रोसीजर है, दैट्स इट। सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस का मतलब समझ गए, जिसको ऑब्लिगेशन फुलफिल करना था उसने नहीं किया, तो या तो मैंने खुद कर लिया, खुद अपने किसी से करवा लिया, या किसी थर्ड एजेंसी से मैंने वो ऑब्लिगेशन फुलफिल करा लिया, और उसमें जो मेरा खर्चा हुआ वो मैं किससे क्लेम करूंगा, उस व्यक्ति से जिसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था। ये है सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके कुछ कंडीशंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए सेक्शन 20 आप रीड आउट जरूर कर लेना बाद में जाके, लेकिन जैसा मैंने कहा कोई टेक्निकलिटीज नहीं है इसके अलावा। तो अगर आपने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करवा लिया है, बहुत ऑब्वियस सी बात है, सेक्शन 14 का क्लॉज ए कह रहा है कि अगर मैंने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करा लिया तो अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराने का मतलब ही नहीं है, मैं अब डिसएंटाइटल हो गया, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को अब स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने थर्ड एजेंसी से वो काम करा लिया, तो जो डिफेंडेंट था जिसको मैंने ऑब्लिगेशन दिया था उससे दोबारा कराने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं होंगे जहां सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑप्टेन कर ली गई है। इसके बाद बी देखिए, अ कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच इन्वॉल्व्स द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंटिन्यूअस ड्यूटी विच द कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज।
अगर मान लीजिए कोई कंटिन्यूअस ड्यूटी है जो रेगुलर बेसिस पे होनी है और कोर्ट उसको सुपरवाइज नहीं कर सकता, भाई जैसे कोई एक चीज है कि हाँ व्हाइट वॉश करनी है, एक बार का काम है, तो कोर्ट उसके लिए डायरेक्शन देगा और इंश्योर करेगा कि वो हो। लेकिन कोई कंटिन्यूअस ड्यूटी है, मैंने किसी व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो रोज आके घर में सफाई करेगा, या मोहल्ले की रोज सफाई करने का कॉन्ट्रैक्ट एक एजेंसी को दिया, वो रेगुलर कंटिन्यूअस ड्यूटी है, रोज सुबह आके साफ करना है। अब ये कोर्ट बैठ के तो इंश्योर नहीं करेगा इस तरीके की कंटिन्यूअस ड्यूटी, तो ऐसे केसेस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दिया जाता। देखिए डैमेज कॉम्पेंसेशन वो सब मिल जाएगा, अपन बात कर रहे हैं कि कौन से वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं कराए जाएंगे, क्योंकि कोर्ट इतना फ्री नहीं बैठा है कि वो इंश्योर करे कि वो कंटिन्यूअस ड्यूटी फुलफिल हो। एक बार का काम है तो कोर्ट करवा सकता है, कंटिन्यूअस ड्यूटी को फुलफिल वो नहीं करा सकता। सी देखिए, अ कोर्ट व्हिच इज सो डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशंस ऑफ द पार्टीज दैट द कोर्ट कैन नॉट एनफोर्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ इट्स मटेरियल टर्म्स। सी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां भी जो ऑब्लिगेशन है वो किसी व्यक्ति की पर्सनल क्वालिफिकेशंस पे बेस्ड है, जैसे गाना गाना, डांस करना, पढ़ाना, ये सब पर्सनल क्वालिफिकेशन पे बेस्ड ऑब्लिगेशन है, इनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट नहीं दिलाएगा। अगर मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं आपको पढ़ाऊंगा और आप मुझे पैसे देंगे, मैं बाद में उस कॉन्ट्रैक्ट का अगर ब्रीच करता हूं तो आप कोर्ट से मेरे अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑप्टेन नहीं कर सकते। कोर्ट मुझे कंपेल करेगा ही नहीं कि आप पढ़ाओ। हाँ, कॉम्पनसेशन जरूर आप ले सकते हैं, कोई दूसरी रेमेडी आप ले सकते हैं, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं होगा। कारण क्या है? बहुत सिंपल, क्योंकि अभी जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट या सीपीसी की क्लास जो मैंने ली है, या सीपीसी सीआरपीसी जो अभी प्रीमियर होने वाला है, वो सब मैंने इच्छा से पढ़ाया है, तभी मेरा बेस्ट मैं दे पा रहा हूं। अगर मुझे कंपेल किया जाएगा वो काम करने के लिए और कोर्ट के पास इसका कोई मेजर नहीं होगा, भाई जो मैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ा रहा हूं पहले 10 बार आप पढ़ चुके होंगे, सीपीसी जो मैंने आपको पढ़ाया आप 10 बार और भी पढ़ चुके होंगे, किसी और ने पढ़ाया उन्होंने भी पढ़ाया। एक पेंटिंग मैं भी बना सकता हूं, ऐसा थोड़ी मैं पेंटिंग नहीं कर सकता हूं, लेकिन एक पेंटर जो पेंटिंग बनाएगा और मैं जो पेंटिंग बनाऊंगा, दोनों में डिफरेंस है। इसीलिए ऐसे ऑब्लिगेशन जो पर्सनल, क्योंकि अगर मुझे आप कंपेल करेंगे तो भी मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन फिर ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा, और पढ़ा मैं तब भी दूंगा, ऑब्लिगेशन फुलफिल हो जाएगा, लेकिन उसमें वो क्वालिटी नहीं आएगी। इसलिए पर्सनल क्वालिफिकेशन या स्किल पे बेस्ड जितने कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो ऑब्लिगेशंस होते हैं, उनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट कभी नहीं देता है। आई होप यू गॉट दी लॉजिक एज वेल कि क्यों नहीं होता ऐसा, क्योंकि आर्टिस्टिक काम जो है या पर्सनल क्वालिफिकेशन पे बेस्ड जो है वो कंपेल करके आप नहीं करा सकते। इसके बाद आखिरी है, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन इट्स नेचर डिटर्मिनेबल। डिटर्मिनेबल मतलब कैंसिलेबल, जो अपने आप में, अगर मान लीजिए वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसे कैंसिल किया जा सकता है, एक पार्टी कैंसिल कर सकती है, तो उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिटर्मिनेबल मतलब जो कैंसल आउट हो सकता है, जैसे मान लीजिए अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, तो ऐसे जो अपने आप में डिटर्मिनेबल है, खत्म होने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्वियसली कोर्ट नहीं देगा, क्योंकि पार्टी के पास ऑप्शन उसे कैंसिल करने का, तो फिर क्यों स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिलेगी। तो ये 4 कंडीशंस हैं ए बी सी डी, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री में आपको इन क्लॉजेस से भी, इनके कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन से वो कॉन्ट्रैक्ट हैं जो बिल्कुल क्लियर प्री का क्वेश्चन होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट मे बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी एनफोर्स्ड। दोनों बातें आपको समझ में आनी चाहिए, तभी आप आंसर कर पाएंगे, और सेक्शन नंबर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही। इसके बाद देखिए 14A, ये भी अमेंडमेंट से आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर ऑफ कोर्ट टू एंगेज एक्सपर्ट, इसको मैं रीड आउट पूरा नहीं कर रहा हूं क्योंकि कोई टेक्निकलिटी नहीं है, बस ये दिया गया है कि कोई ऐसा, अगर मान लीजिए कोर्ट के सामने ऐसा मैटर आता है, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी परफॉर्मेंस इंश्योर कराने के लिए कोर्ट को किसी एक्सपर्ट की जरूरत है, तो वो उस एक्सपर्ट को एंगेज करेंगे और उसको पैसा मिलेगा, रेम्यूनरेटेड होगा। पार्टी जो करवा रही है काम वो उसको रेम्यूनरेट जनरली करती है, पैसा उससे वसूला जाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि 14A सेक्शन नंबर की एक्सपर्ट को एंगेज करने का अधिकार कोर्ट के पास 14A में है, और उस एक्सपर्ट के पावर क्या है वो सब यहाँ सबसेक्शन 1 से लेके 4 तक में मेंशन किया है कि वो फीस के लिए एंटाइटल्ड होगा, वो किसी भी व्यक्ति को बुला सकता है या उनसे डॉक्यूमेंट वगैरह प्रोड्यूस करा सकता है, ये सारे पावर है। बस एक बार रीड करिएगा, कोई ऐसी टेक्निकलिटी
टेक्निकल कॉन्सेप्ट नहीं है, बेसिक बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, यू विल अंडरस्टैंड दैट। लेकिन प्रोविजन इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर से क्वेश्चन आता है। इसके बाद आइए अगले सब हेड पे, पर्संस फॉर और अगेंस्ट होम कॉन्ट्रैक्ट्स में बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड। ऐसे लोग जिनके अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकता है, पर्संस फॉर और अगेंस्ट होम कॉन्ट्रैक्ट्स में बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड, वो लोग जिनके लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दिया जा सकता है और जिनके अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दिया जा सकता है। कहने का मतलब, कौन है वो लोग जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कर सकते हैं, या फिर कौन है वो लोग जिनके अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दिया जा सकता है। तो ऑब्वियसली बात है, पार्टी के अगेंस्ट तो दिया ही जाएगा, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसी होती हैं जिसमें पार्टी के अलावा भी किसी दूसरे पर्सन के अगेंस्ट भी आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग सकते हो। वो कौन सी कंडीशंस हैं, जरा एक बार नजर डालते हैं उन कंडीशंस पे। तो यहां लिखा है, हु मे ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस चैप्टर, द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी ऑब्टेन्ड बाय। कौन ऑब्टेन कर सकता है? सबसे पहले ए, एनी पार्टी देयर टू, दोनों में से कोई भी पार्टी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग सकती है ऑब्लिगेशन का। कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ए और बी के बीच में, दोनों में से कोई भी ऑब्लिगेशन का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग सकता है। जो पार्टी ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं कर रही है उसके अगेंस्ट दूसरी पार्टी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग लेगी। ये तो बड़ी अंडरस्टूड सी बात है, लेकिन इसके जो बाकी के क्लॉजेस हैं वो उन कंडीशंस को इस सेक्शन 15 के माध्यम से मैं आपको मल्टीपल जो चीजें यहां लिखी हैं वो समझा दे रहा हूं, क्योंकि ये सेम बातें ना सारे जो क्लॉजेस हैं दूसरे सेक्शंस में भी रिफ्लेक्ट होंगे। अभी सेक्शन 19 में भी सेम लिखा है, तो एक बार मैं समझा दे रहा हूं, उसके बाद वो वाले प्रोविजंस आप खुद रीड करके समझ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो पार्टी भैया जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया उसके अगेंस्ट तो आप इन्फोर्स करा ही पाएंगे। फिर बी में देखिए, द रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट और द प्रिंसिपल ऑफ एनी पार्टी देयर टू। रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट मतलब उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, भाई जनरली लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंटाइटल्ड होता है ऑब्लिगेशन फुलफिल करने के लिए भी या हक मांगने के लिए भी। तो डिसीज्ड पर्सन है, कोई पर्सन इन इंटरेस्ट है उसका, वो भी मांग सकता है। तो एक्सप्रेसली उस बात को डिक्लेयर किया गया है बी में कि कोई ऐसा व्यक्ति जो रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट हो या प्रिंसिपल हो, एजेंट ने कुछ किया उसके बिहाफ पे प्रिंसिपल मांग सकता है, या प्रिंसिपल को कंपेल किया जा सकता है ऑन बिहाफ ऑफ द एजेंट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट भले ही एजेंट ने किया हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जब एजेंट करता है तो किसके बिहाफ पे? प्रिंसिपल के बिहाफ पे, तो प्रिंसिपल से मांगा जा सकता है। सी देखिए, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज अ सेटलमेंट ऑन मैरिज और अ कॉम्प्रोमाइज ऑफ डाउटफुल राइट्स बिटवीन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, एनी पर्सन बेनिफिशियली एंटाइटल्ड देयर अंडर। तो देखिए भाई, कौन मांग सकता है इसकी अपन बात कर रहे हैं। जो पहली लाइन में मैंने पढ़ा था 15 में, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी ऑब्टेन्ड बाय, तो ऐसा व्यक्ति भी मांग सकता है जो बेनिफिशियरी हो फैमिली सेटलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स में। इसको आप समझ लीजिए जरा, क्योंकि भैया 15 से क्वेश्चन भी आएगा और इसके क्लॉजेस एक बार आपने समझ लिए तो जैसा मैंने कहा 19 ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे कि किनके अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मानी जा सकती है। तो देखिए, आप शायद आपने प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिर्फ पार्टी ही सूट फाइल कर सकती है इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के भी कुछ एक्सेप्शन आपने पढ़े होंगे और उन एक्सेप्शन में ही फैमिली सेटलमेंट भी आता है। एक केस था बहुत इंपॉर्टेंट जिसके फैक्ट्स एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि एक बार एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ए और बी के बीच में, और कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि भैया अगर ए अपनी डॉटर डी की शादी बी के सन एस से करवा देगा तो बी जो है वो इसको एक मंथली मेंटेनेंस प्रोवाइड करेगा। मंथली मेंटेनेंस बी जो है डॉटर को देगा अगर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कौन है? कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी इधर पे ए है और बी है। कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में हुआ है कि शादी करवाएंगे, ए अपनी डॉटर की शादी बी के सन से कराएगा, बदले में बी ने अग्री किया है कि मैं मंथली मेंटेनेंस दूंगा डॉटर को। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ए की मृत्यु हो जाती है, ए मर जाता है, और बी जो है ये खर्चा देने से मना कर देता है डॉटर को। ऐसे केस में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी एज एन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ा होगा
बीइंग दी बेनिफिशियरी, इस कॉन्ट्रैक्ट की बेनिफिशियरी कौन थी, मेंटेनेंस मिलना किसको था, इसको, डॉटर को, तो शी वॉज दी बेनिफिशियरी ऑफ दिस सेटलमेंट ऑफ मैरिज, और फैमिली सेटलमेंट की बेनिफिशियरी थी ये डॉटर। सो ये डॉटर सूट फाइल भी कर सकती है और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी मांग सकती है, इस बात का डिक्लेरेशन है सी में, कि जो बेनिफिशियरी है आउट ऑफ अ मैरिज सेटलमेंट वो बेनिफिट भले ही पार्टी ना कर पाए, लेकिन बेनिफिशियरी भी स्पेसिफिक, भले ही डॉटर पार्टी नहीं है लेकिन बीइंग दी बेनिफिशियरी वो बिल्कुल क्लेम कर लेगी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इसके बाद देखिए डी, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एंटर्ड इनटू बाय अ टेनेंट फॉर लाइफ इन ड्यू एक्सरसाइज ऑफ अ पावर द रिमाइंडर मैन। अब देखिए सी में, डी में, और सॉरी डी ई और एफ में आप देखेंगे कुछ टर्म्स, रिमाइंडर मैन, रिवर्जनर, इनका मैं एक ब्रीफ एग्जाम्पल आपको दे दूं जिससे आपको आगे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे जो इसमें क्लियरली दिया है ना, जो रिमाइंडर मैन की जो बात चल रही है, टेनेंसी फॉर लाइफ, उसके थ्रू मैं आपको समझा देता हूं कि किन लोगों की बात चल रही है। टेनेंट फॉर लाइफ का मतलब है जिंदगी भर के लिए किराएदार। जैसे मान लीजिए भाई ए का एक घर है, ये मैंने आपसे कहा ना एसआरए पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत आपको सब्सट्रैक्टिव लॉ का ज्ञान होना चाहिए, जैसे फैमिली लॉ में ये सब टर्म यूज होते हैं, रिमाइंडर मैन और रिवर्जनर, ये सारी चीजें उन सब्सट्रैक्टिव लॉ, तो मैं उस डिटेल में तो नहीं जा रहा हूँ, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आपको एक एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। मान लीजिए ए ने अपना घर किराए पे दिया बी को, टीपीए में भी आपने इस तरीके की चीजें पढ़ी होंगी, एंड ही इज टेनेंट फॉर लाइफ, कि जब तक बी जिंदा रहेगा तब तक किराए पे वो यही रहेगा, तब तक वो किराएदार रहेगा। अब ऐसे केस में है तो वो टेनेंट, तो क्या बी के मरने के बाद, एक बात बताइए, क्या बी के मरने के बाद ये घर इसके एलआर को मिलेगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलेगा क्या? द आंसर इज नो, बिकॉज ही वॉज अ टेनेंट, ये तो एंटाइटल नहीं होगा ना भाई, बिकॉज ही वॉज अ टेनेंट फॉर लाइफ, तू जब तक जिंदा है तब तक तू रहे इस घर में, लेकिन मरने के बाद इस घर की जो पजेशन है वो इसके एलआर के पास तो नहीं जाएगी, ये जाएगी किसके पास, इसके एलआर के पास, इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, या अगर इसने पहले से कोई स्पेसिफिक व्यक्ति आइडेंटिफाई कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया कि तू जब तक जिंदा है तू टेनेंट फॉर लाइफ है, और इसके बाद जो ये प्रॉपर्टी जाएगी, जो जो इसकी पजेशन के लिए हकदार होगा वो होगा एक्स, तो ये जो एक्स है ना, या इसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ना, ये व्यक्ति है वो रिमाइंडर मैन, टेनेंट फॉर लाइफ इन ड्यू एक्सरसाइज ऑफ अ पावर द रिमाइंडर मैन। ऐसे केस में जो रिमाइंडर मैन है, जिसके पास अल्टीमेटली प्रॉपर्टी जानी है, वो भी क्लेम कर सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। लॉजिक सेम है जो बेनिफिशियरी वाले में था, क्योंकि भाई अल्टीमेट बेनिफिशियरी वो है, इसलिए उसको अधिकार दिया है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लेने का। अगर इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो एक्स के पास भी अधिकार है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लेने का, बिकॉज ही इज द अल्टीमेट बेनिफिशियरी। और ऐसा ही होता है रिवर्जनर भी, कि सब कुछ होने के बाद आखिरी में प्रॉपर्टी किसके पास आना है, जैसे आपने टीपीए में पढ़ा होगा ट्रांसफर टू अनबॉर्न, वहां पे लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है, ये आपने पढ़ा है, लाइफ इंटरेस्ट का मतलब भैया तू जब तक जिंदा है तब तक तू इस प्रॉपर्टी की देखरेख करेगा, अल्टीमेटली ये प्रॉपर्टी तो उस अनबॉर्न के पास जानी है, लेट से वो 18 साल का होगा तब उसको मिलेगी, लेकिन अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है, माइनर, तो ही इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ये बेसिकली कंक्लूजन है डी ई और एफ तीनों में, क्योंकि वो अलग अलग सब्सटेंटिव लॉ के टर्म्स हैं, इसलिए अलग अलग लिखा गया है हर चीज को इंक्लूड करने के लिए, मीनिंग या कॉन्सेप्ट सब में यही है कि जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है एंड वाला वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर सकता है। इसके बाद एफ ए देखिए, ये अमेंडमेंट से ऐड हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड सब्सिक्वेंटली बिकम्स अमलगमेटेड विद अनदर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, द न्यू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप विच अराइजेस आउट ऑफ द अमलगमेशन। देखिए भाई, एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप दूसरी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में बदल गई। जैसे मान लीजिए ए और बी ने मिलके एक एलएलपी खोली, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनाई, इस पार्टनरशिप का नाम था एक्स वाई जेड लिमिटेड, एलएलपी बनाई इन्होंने,
किस नाम से एक्स वाई जेड LLP है इनकी, ये दो पार्टनर्स हैं। ये जो LLP है एक्स वाई जेड, ये जाके बाद में मर्ज हो जाती है एक दूसरी LLP से, दैट इज ABC। एक LLP क्या है? ABC। ये एमलगमेट हो जाती है। मान लीजिए पहले इस एक्स वाई जेड LLP ने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी के साथ, किसके साथ कर लिया? इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लेट से कर लिया पी के साथ। एक्स वाई जेड LLP ने पी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ये एमलगमेट हो गई, मिल गई किसके साथ? ABC के साथ। आजकल आपने देखा है एक कोचिंग इंस्टीट्यूट बड़े टेक कंपनियों में मिल जाता है, दैट इज एमलगमेशन। वही हो रहा है इधर LLP का, कि ये एक एंटिटी थी वो जाके मर्ज हो गई दूसरे में। तो इसने जो कॉन्ट्रैक्ट किए हैं उनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अब ये वाली LLP मांग सकती है। बहुत ऑब्वियस और लॉजिकल बात है, और ये है ना, इसमें मेरे ख्याल से कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके समझ नहीं आ रही हो, क्योंकि भैया कॉन्ट्रैक्ट एक्स वाई जेड ने किया है। अब वो इस कंपनी का, इस LLP का, बेसिकली आई शुड नॉट यूज द वर्ड कंपनी, इस LLP का पार्ट है। तो अब कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराने का अधिकार इनके पास आ गया, दैट्स व्हाट इट सेज। ठीक है। इसके बाद देखिए जी, व्हेन अ कंपनी हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड सब्सिक्वेंटली बिकम्स अमलगमेटेड विद अनदर कंपनी, सेम कंपनी पे भी अप्लाई होगा। एक्स वाई जेड एक कंपनी थी, इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, जाके मिल गई ABC कंपनी के साथ। अब ABC के पास अधिकार आ जाएगा इस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली एनफोर्स कराने का। एच, व्हेन द प्रमोटर ऑफ अ कंपनी हैव बिफोर इट्स इनकॉर्पोरेशन एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पर्पसेस ऑफ द कंपनी एंड सच कॉन्ट्रैक्ट इज वॉरंटेड बाय द टर्म्स ऑफ द इनकॉर्पोरेशन द कंपनी। देखिए क्या होता है, प्रमोटर स्टार्ट करते हैं आपको कंपनी, अगर थोड़ा कॉन्सेप्ट पता है, प्रमोटर कंपनी स्टार्ट करते हैं, कंपनी बनने के पहले कुछ एक्टिविटीज करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, है ना। जैसे धीरू भाई अंबानी प्रमोटर थे रिलायंस के, तो स्टार्ट करने के पहले की जो प्रोसीजर होता है, एक व्यक्ति कर रहा है उसको, उसने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स करे बीइंग अ प्रमोटर, उसके बाद वो कंपनी बन गई। जब वो कंपनी फॉर्म हो गई तो प्रमोटर ने जितने कॉन्ट्रैक्ट करे हैं उन सब का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अब वो कंपनी ले सकती है। बेसिक बात यह है कि सब कुछ उनके बिहाफ पे हो रहा था, चाहे वो LLP हो, चाहे कंपनी हो, चाहे वो बेनिफिशियरी हो, इसलिए उनको अधिकार दिया है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑप्टेन करने का अंडर सेक्शन 15। आई होप सारे के सारे क्लॉज ए से लेके एच तक आपके समझ में आ गए हैं। ठीक, तो ये है आपका सेक्शन 15 जो बात करता है कि कौन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑप्टेन कर सकता है। तो इट इज नॉट जस्ट दी पार्टी, पार्टी के अलावा रिमाइंडर मैन, रिवर्जनर, एक कंपनी दूसरे में मिल गई तो जहां जाके वो मिली है वो कंपनी, एक LLP दूसरी LLP में मिल गई जहां जाके मिली वो LLP, ये सारे लोग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इसके बाद सेक्शन 16 है जो बात करता है पर्सनल बार्स टू रिलीफ की। देखिए पर्सनल बार्स टू रिलीफ का मतलब कौन वो लोग हैं जिनको बार किया गया है कि आप स्पेसिफिक रिलीफ नहीं ले पाएंगे। सो देखिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन फेवर ऑफ अ पर्सन। कौन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मांग सकता? सबसे पहले ए में लिखा है हु हैज ऑब्टेन्ड सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 20। ऐसा व्यक्ति जिसने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑब्टेन कर लिया है, अभी मैंने आपको बताया, जब आपने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑब्टेन कर लिया तो अब आप आके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मांग सकते। बी में लिखा है हु हैज बिकम इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग और वॉयलेट्स एनी एसेंशियल टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट ऑन हिज पार्ट रिमेन्स टू बी अनपरफॉर्म्ड और एक्ट्स इन फ्रॉड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और विलफुली एक्ट्स एट वेरियंस विद और इन सबवर्जन ऑफ द रिलेशन इंटेंडेड टू बी एस्टैब्लिश्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। कोई ऐसा व्यक्ति जो खुद अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर पा रहा, भाई आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है अगर किसी व्यक्ति के साथ, एक ऑब्लिगेशन उसने लिया, एक ऑब्लिगेशन आपने लिया, आप अपना ऑब्लिगेशन खुद परफॉर्म करने के लिए कैपेबल नहीं है, नहीं कर पा रहे, तो आप जाके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मांग सकते। बहुत सिंपल सी लॉजिकल बात है। इसके बाद सी है हु फेल्स टू प्रूव दैट ही हैज परफॉर्म्ड और हैज ऑलवेज बीन रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म द एसेंशियल टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच आर टू बी परफॉर्म्ड बाय हिम अदर देन टर्म्स The performance of which has been prevented or waived by the defendant। ऐसा व्यक्ति जो कोर्ट में ये प्रूफ ना कर पाए कि मैं परफॉर्म करने के लिए तैयार हूं या मैं परफॉर्म करने की कैपेसिटी में है हूं, जो ये व्यक्ति प्रूफ ना कर पाए कोर्ट में, वो भी एंटाइटल्ड नहीं है
स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑप्टेन करने का। देखिए बी कह रहा है ऐसा व्यक्ति जो इनकेपेबल हो गया है, जो कर ही नहीं सकता, इनकॉम्पिटेंट हो गया है ऑब्लिगेशन फुलफिल करने के लिए। और सी बात कर रहा है ऐसे व्यक्ति की जो कोर्ट में ये प्रूफ नहीं कर पा रहा है कि आई एम रेडी, या मैं कर सकता हूं ये, या मैं कर लूंगा। अगर आप कोर्ट में प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं कि आप कर पाएंगे ऑब्लिगेशन अपना, तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी नहीं मांग पाएंगे। एक्सप्लेनेशन भी इंपॉर्टेंट है इधर। फॉर द पर्पसेस ऑफ क्लॉज सी वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स द पेमेंट ऑफ मनी, इट इज नॉट एसेंशियल फॉर द प्लेंटिफ टू एक्चुअली टेंडर टू द डिफेंडेंट और टू डिपॉजिट इन कोर्ट एनी मनी एक्सेप्ट व्हेन सो डायरेक्टेड बाय द कोर्ट। अब देखिए क्लॉज सी की बात चल रही है। क्लॉज सी में हमने कहा कि आपको यह प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट के सामने, अगर आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको यह प्रूफ करना पड़ेगा कि आप विलिंग हैं अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल करने के लिए, आप चाह रहे हैं करना, आप कर सकते हैं और आप चाह रहे हैं करना। चाह रहे हैं करना का मतलब ये नहीं कि अगर आपका ऑब्लिगेशन पैसे देना है उस कॉन्ट्रैक्ट में तो आपको देना ही पड़ेगा। पहले आपको बस ये शो करना पड़ेगा कि साहब मैं देने को तैयार हूं, आपको अपनी रेडीनेस शो करनी है। एक्सप्लेनेशन कह रहा है उसके लिए ये जरूरी नहीं कि आप पैसे दे ही दे दूसरी पार्टी को या कोर्ट में जमा करेंगे तो ही हम मानेंगे। आपको अपनी रेडीनेस प्रूफ करनी है और इनकॉम्पिटेंसी प्रूफ कर सॉरी कॉम्पिटेंसी प्रूफ करनी है, दैट्स इट। पैसा देना इधर पे जरूरी नहीं है। सेकंड कह रहा है द प्लेंटिफ मस्ट प्रूफ परफॉर्मेंस ऑफ और रेडीनेस एंड विलिंगनेस टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू इट्स टू कंस्ट्रक्शन। आपको विलिंगनेस या रेडीनेस शो करनी है, दैट्स व्हाट आई सेड। इसके बाद देखिए सेक्शन 17। सेक्शन 17 बात करता है कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट प्रॉपर्टी बाय वन हु हैज नो टाइटल नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्सिएबल। अब देखो भाई सेक्शन 17 ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा है जिसने कॉन्ट्रैक्ट करा है सेल करने का या प्रॉपर्टी किराए पे देने का, लेकिन उसका खुद का टाइटल ही नहीं है। आपने सेल करने का अग्रीमेंट कर लिया है, किराए पे देने का अग्रीमेंट कर लिया, लेकिन आप खुद इंटाइटल्ड नहीं है प्रॉपर्टी के लिए, तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मांग पाएंगे। बहुत लॉजिकल बात है। दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है 17, चांसेस कम होते हैं पूछे जाने के, फिर भी एक बार रीड कर लेते हैं, समझ आप लीजिए। एटलीस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्ड इन फेवर ऑफ अ वेंडर और लेसर। ऐसे वेंडर या लेसर के फेवर में कभी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा जो कि हु नोइंग नॉट टू हैव एनी टाइटल टू दी प्रॉपर्टी हैज कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल और लेट दी प्रॉपर्टी। जो जानता था इस बात को कि मेरा कोई टाइटल नहीं है फिर भी तुमने बेच दी है, तुम्हें पता था तुम इंटाइटल्ड नहीं हो उस प्रॉपर्टी के लिए फिर भी तुमने किराए पे दे दी किसी को। अतरंगी लोग होते हैं, इस टाइप के प्रॉपर्टी डीलर हैं, उन्हें पता ही नहीं किसकी प्रॉपर्टी, वो किराए पे रख देते हैं बंदे। तो ऐसा व्यक्ति अगर उसने अग्रीमेंट कर लिया तो वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मांग पाएगा क्योंकि वो खुद प्रॉपर्टी के लिए एंटाइटल्ड नहीं है, ये बात जानता था, जानते हुए उसने अग्रीमेंट किया। बी कहता है हु दो ही एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट बिलीविंग दैट ही हैड अ गुड टाइटल टू द प्रॉपर्टी कैन नॉट एट द टाइम फिक्स्ड बाय द पार्टीज और बाय द कोर्ट फॉर द कंप्लीशन ऑफ द सेल और लेटिंग गिव द परचेजर और लेसर अ टाइटल फ्री फ्रॉम रीजनेबल डाउट। अब यह भी हो सकता है कि अनजाने में किसी ने ऐसा कर दिया, मतलब मेरे को यह बिलीव था कि भैया ये घर मेरा ही है, बट एक्चुअली मेरा नहीं है, बट मेरा यह बिलीव था, जेन्युइन बिलीव कि हाँ ये घर मेरा है, मैंने उठा के किसी को बेच दिया। जब प्रॉपर्टी एक्चुअली ट्रांसफर, ये तो अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट टू सेल अलग होता है और सेल अलग होता है, अग्रीमेंट मतलब कि मैं बेचूंगा। जब एक्चुअली परफॉर्मेंस आना था, जब एक्चुअली मुझे घर हैंड ओवर करना था, तब पता चलता है कि मेरा तो टाइटल, तब तो रजिस्ट्री करने गए तो चार लोग और खड़े हो गए, ऑब्जेक्शन रेज कर दिया उनने कि ये बंदे का तो घर है ही नहीं, बेच कैसे रहा है। ऐसे सिचुएशन में जब परफॉर्मेंस हो रही है उस समय पे अगर मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं एक रीजनेबल डाउट के बिना एक परफेक्ट टाइटल सामने वाले को, परचेजर को दे पाऊं, अगर मैं इस पोजीशन में नहीं हूं तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिक परफॉर्म नहीं करा पाऊंगा, मैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मांग पाऊंगा। दो केसेस में जब पहले से ही मेरे को पता था कि मैं एंटाइटल्ड नहीं हूं, दूसरा केस जहां पहले से नहीं पता था लेकिन जब परफॉर्म करना है तब मैं इस कैपेसिटी में नहीं हूं कि मैं फ्री टाइटल ट्रांसफर कर पाऊं, तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि मैं खुद एट फॉल्ट हूं, मैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मांग सकता। स्पेसिफिक रिलीफ इक्विटी पे बेस्ड है और इक्विटी का पहला प्रिंसिपल है दैट यू मस्ट कम टू द कोर्ट विथ क्लीन हैंड्स। आप अगर रेमेडी मांगने आ रहे हैं तो आपके हाथ साफ होने चाहिए। देखिए सबसेक्शन 217 का कहता है कि ये सारा प्रोविजन मूवेबल पे भी एप्लीकेबल होगा, जैसे अपन ने ऊपर इमूवेबल की बात की, मूवेबल पे भी एप्लीकेबल होगा। 18 देखिए नॉन एनफोर्समेंट एक्सेप्ट विथ वेरिएशन। अब
यहां पे जो 18 है ऊपर का पार्ट पढ़ते हैं, फिर मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं। वेयर अ प्लेंटिफ सीक्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग टू विच द डिफेंडेंट सेट्स अप अ वेरिएशन। देखिए भाई, एक प्लेंटिफ है, पी पी जाता है कोर्ट के पास, क्या करने जा रहा है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगने जा रहा है। किस चीज की? एक कॉन्ट्रैक्ट की। कह रहा है साहब मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट है। किसके साथ है कॉन्ट्रैक्ट? डी के साथ, डिफेंडेंट डी के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, और डी अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर रहा, इसलिए आप मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दिलाइए, क्योंकि वो तो अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर रहा है, तो आप मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दिलाइए। जब ये सूट फाइल करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, डी यहां पे जो डिफेंडेंट है वो एक वेरिएशन सेटअप करता है। क्या सेटअप करता है? वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब वो कह रहा साहब कि कॉन्ट्रैक्ट में जो चीज लिखी हुई है वो एक्चुअल बात नहीं थी। मान लीजिए एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट है, कि जो टर्म ये बता रहा है या जो टर्म लिखा है वो एक्चुअल बात नहीं थी, एक्चुअल बात तो कुछ और ही थी। और जब कुछ और बात थी तो ठीक है, मैं रेडी तो हूं, डिफेंडेंट कह रहा है ठीक है मैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दूंगा, लेकिन साहब जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट है उसका दूंगा ना, एक्चुअल कुछ और है। मैंने आपको पहले भी कहा था जब अपन रिलीफ्स की बात स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे, कि कई बार ऐसा होता है कि रियल इंटेंशन रिफ्लेक्ट नहीं होता डॉक्यूमेंट में, जो पार्टीज का एक्चुअल इंटेंशन था, बट परफॉर्म तो वही करना है ना जो एक्चुअल इंटेंशन है। तो ये सिमिलर सिचुएशन है 18। डी का कहना है कि साहब जो लिखा हुआ वो सच नहीं है, सच कुछ और है, बात तो ये हुई थी। तो ऐसे केस में कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पी को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देंगे तो, लेकिन विद दैट वेरिएशन। अगर डिफेंडेंट ने प्रूफ तो करना पड़ेगा, ये तो बिल्कुल अंडरस्टूड बात है कि डिफेंडेंट को प्रूफ करना पड़ेगा वेरिएशन। अगर डिफेंडेंट ने प्रूफ कर दिया कि साहब ये नहीं ये बात हुई थी, ऐसे केस में प्लेंटिफ को जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिलेगा वो इस वेरिएशन के साथ ही मिलेगा, ये कहता है सेक्शन 18। अब देखिए प्रोविजन, वेयर अ प्लेंटिफ सीक्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग। कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? इन राइटिंग, जो मैंने आपको बताया। टू विच द डिफेंडेंट सेट्स अप सम वेरिएशन। डिफेंडेंट क्या कर रहा है? वेरिएशन सेटअप कर रहा है, वो उसमें कुछ चेंजेस बता रहा है। द प्लेंटिफ कैन नॉट ऑब्टेन द परफॉर्मेंस सॉट एक्सेप्ट विद द वेरिएशन सो सेटअप। प्लेंटिफ को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तब तक नहीं मिलेगी जब तक वो वेरिएशन को मान ना ले। इन द फॉलोइंग केसेस, नेमली ये कंडीशन है उसकी, ए वेयर बाय फ्रॉड, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस रिप्रेजेंटेशन द रिटन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ विच परफॉर्मेंस इज सॉट इज इन इट्स टर्म और इफेक्ट डिफरेंट फ्रॉम वॉट द पार्टीज अग्रीड टू, और डज नॉट कंटेन ऑल द टर्म्स अग्रीड टू बिटवीन द पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ विच द डिफेंडेंट एंटर्ड इन टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर डिफेंडेंट ये प्रूफ कर देता है कि साहब इसने बोला कुछ और था और साइन किसी और चीज पे करवा ली, और ये कैसे किया है? मिस रिप्रेजेंटेशन से किया है, फ्रॉड से किया है, या अंडर मिस्टेक किया है, तो डिफेंडेंट के पास अधिकार है कि वो रख। जैसे मान लीजिए आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं आपको जुडिशरी के लिए पढ़ाऊंगा, और कॉन्ट्रैक्ट जो रिटर्न है उसमें लिखा है कि फीस लूंगा मैं आपसे 80,000 रुपए, और जबकि बात यह हुई थी हम मेरी और आपकी कि मैं 50,000 में पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन डॉक्यूमेंट में बाय फ्रॉड मैंने 80 लिखा, आपको कुछ भी गलत दिया कि यार ये तो इसके लिए लिखा उसके लिए, और आपके साइन करा लिए, एग्जीक्यूट कर लिया। अगर आप कोर्ट के, और फिर मैं जाता हूं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगने, तो कोर्ट के सामने अगर आप ये प्रूफ कर देते हैं बीइंग द डिफेंडेंट कि साहब ये एक्चुअल इंटेंशन रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा इंस्ट्रूमेंट में, इन्होंने बाय फ्रॉड या बाय मिस्टेक मुझसे दूसरी चीज पे अग्री कराया, बट एक्चुअल बात ये हुई थी, अगर आप ये प्रूफ कर देते हैं वेरिएशन, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मुझे मिलेगा, बट कैसे मिलेगा? अलोंग विद द वेरिएशन, उस वेरिएशन के हिसाब से। बी देखिए, वेयर द ऑब्जेक्ट ऑफ द पार्टीज वाज टू प्रोड्यूस अ सर्टेन लीगल रिजल्ट व्हिच द कॉन्ट्रैक्ट एज फ्रेम्ड इज नॉट कैलकुलेटेड टू प्रोड्यूस। या तो फ्रॉड से ऑब्टेन किया है, या मान लीजिए कोई फ्रॉड व्रॉड एक्सरसाइज नहीं किया था, लेकिन हमारा जो एक लीगल रिजल्ट हम प्रोड्यूस करना चाह रहे थे, इससे वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, इससे कुछ और ही हो रहा है। जैसे मान लीजिए ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और जो इंटेंशन था ए और बी के बीच वो ये था कि ए अपना घर बी को किराए पे दे रहा है, एंड इट इज अ टेनेंसी फॉर लाइफ। अभी जो बनने पहले पड़ा कि जिंदगी भर भैया तू किराए पे रहेगा इस घर में, ये इंटेंशन था। लेकिन जो डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट हुआ, ना ए की गलती ना बी की, लेकिन जो डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट हुआ उसमें ये रिफ्लेक्ट हो रहा है उस रिटर्न इंस्ट्रूमेंट में कि ये घर बी को ट्रांसफर हो रहा है, जबकि इंटेंशन उनका क्या था? टेनेंट फॉर लाइफ बनाने का, लेकिन डॉक्यूमेंट में क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है? कि ये घर ट्रांसफर हो गया।
ऐसे केस में भी डिफेंडेंट जो है वो वेरिएशन देगा कि साहब ये वेरिएशन है, लिखा कुछ और है, बात कुछ और चल रही है, और उस वेरिएशन के हिसाब से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगा। मान लीजिए जो टेनेंट था, टेनेंट फॉर लाइफ, वो कहता है नहीं साहब स्पेसिफिक, सॉरी जो प्लेंटेफ है वो है टेनेंट फॉर लाइफ, और वो कहता है कि साहब आप तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराइए, लिखा हुआ है कि ये घर अब मेरा हो गया। तो यहाँ पे जो डिफेंडेंट है जिसका घर था ए, वो ये वेरिएशन सेटअप करेगा कि साहब बात ट्रांसफर करने की नहीं हुई थी, हमारा इंटेंशन टेनेंट फॉर लाइफ बनाने का था, ये हमारा रियल इंटेंशन था। तो अब जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिलेगा वो विद दिस वेरिएशन मिलेगा। इसके बाद देखिए सी, वेयर द पार्टीज हैव सब्सिक्वेंटली टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वेरीड इट्स टर्म। पहले कुछ और रिटन कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने कुछ और किया है, लेकिन सब्सिक्वेंट एक अग्रीमेंट उन्होंने किया जिसमें उन्होंने कुछ और टर्म अग्री कर लिए, चेंज कर दिए, लेकिन वो रिटन इंस्ट्रूमेंट तो अभी भी है और उसमें तो वही लिखा है जो पहले का लिखा है, भले बाद में उन्होंने अग्री कुछ और कर लिया है। तो ऐसे केस में भी अगर एक व्यक्ति उस पुराने वाले, पहले जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगने जाएगा, और अदर पार्टी अगर ये स्टैब्लिश कर देगी कि साहब एग्जीक्यूशन में तो जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ उसमें तो ये लिखा है, लेकिन बाद में हमने इस बात पे अग्री किया था, ये बात प्रूफ करेगा विद एविडेंस वो कि हमने अग्री करा था, टर्म्स हमने चेंज करे थे, तो अब चेंज टर्म के हिसाब से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिलेगी, बट द क्वेश्चन इज कि प्रूफ करना पड़ेगा। अच्छा, इससे रिलेटेड प्रोविजन ना इंडियन एविडेंस एक्ट में भी है कि एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है और बाद में अगर आपने वेरिएशन करें तो कब वो एडमिट होंगे एज एन एविडेंस, कब आप उसको प्रूफ कर पाएंगे, कब नहीं कर पाएंगे, ये इंडियन एविडेंस एक्ट में अलग से दिया है। सेक्शन 91, 92 ये सब पढ़ेंगे आप तो समझ में आएगा। एविडेंस का भी पूरा कंप्लीट एक वीडियो में पूरा एविडेंस का भी इसी क्रैश कोर्स में प्रीमियर होगा सुबह 8 बजे, वो देख लेना तो ये थोड़ा और समझ आ जाएगा आपको कि एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें कुछ टर्म्स अग्री हमने किए, बाद में कुछ वेरिएशन कर लिए। जैसे पहले हमने अग्री किया कि 80,000 में मैं पढ़ाऊंगा, बाद में हमने वर्बली एक सेपरेट अग्रीमेंट करा, उसमें मैंने ये कह दिया कि चलो ठीक है तुम्हें 20,000 का डिस्काउंट दे देंगे, 60 ही दे देना तुम, लेकिन डॉक्यूमेंट में तो 80 लिखा है और मैं जाके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग रहा हूं 80,000 का। तो बीइंग द डिफेंडेंट आप वो वेरिएशन सेटअप करेंगे, प्रूफ करेंगे, तो फिर कोर्ट मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देगा, बट विद अलोंग विद दी वेरिएशन। ठीक, तो ये है आपका सेक्शन 18। इसके बाद 19 देखिए, रिलीफ अगेंस्ट पार्टीज एंड पर्संस क्लेमिंग अंडर देम बाय सब्सिक्वेंट टाइटल। ये उसी की तरह है जो अभी 15 पढ़ा। देखिए, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस चैप्टर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट, और 15 में क्या था, कौन एनफोर्स करा सकता है, 19 बात करता है किसके अगेंस्ट एनफोर्स हो सकता है, पूरा बाकी सब कुछ सेम है, पार्टी के अगेंस्ट, रिमाइंडर मैन के अगेंस्ट, रिवर्जनर के अगेंस्ट, सब वही है। एलएलपी जो मर्ज होके दूसरी बन गई, ये कंपनी जो मर्ज होके दूसरी बन गई, सबसे ठीक। तो इसको एक बार आप रीड आउट करिएगा, सेम है 15 की तरह, कोई नई बात नहीं है। इसके बाद सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस अपन ने ऑलरेडी कर लिया है। फिर है 20A, ये भी कोई टेक्निकल प्रोविजन नहीं है, फिर भी मैं आपको इसका एक ब्रीफ बता देता हूं, रीड आउट आप कर लेना। 20A है स्पेशल प्रोविजंस फॉर कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अब देखिए 2018 के अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ है कि जो इंफ्रा से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको थोड़ा सा स्पेसिफिक वेटेज दिया गया है, उनको थोड़ा सा प्रिविलेज दिया गया, उनके अगेंस्ट इंजंक्शंस नहीं लगेंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, कौन से प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर माने जाएंगे, ये एसआरए के एंड में शेड्यूल में लिस्ट दी है, वो सब के सब इस कैटेगरी में आएंगे और उनके अगेंस्ट इंजंक्शन नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाट 20A सेज। 20 देखिए जरा, नो इंजंक्शन शैल बी ग्रांटेड बाय अ कोर्ट इन अ सूट अंडर दिस एक्ट इन्वॉल्विंग अ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्पेसिफाइड इन दी शेड्यूल वेयर ग्रांटिंग इंजंक्शन वुड कॉज इंपेडिमेंट और डिले इन दी प्रोग्रेस और कंप्लीशन ऑफ सच इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में अगर इंजंक्शन, कोर्ट को लगता है कि इंजंक्शन देने से ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा, इसमें समय लग जाएगा, क्योंकि लोग इंजंक्शन लगाते थे और प्रोजेक्ट डिले होते थे, तो एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करी है इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को, उन केसेस में इंजंक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि देश का विकास बहुत जरूरी है, आप सब जानते हैं 2014 के बाद से निरंतर देश का विकास हो रहा है, और इसी सिलसिले में 2018 में ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 2018 के अमेंडमेंट से इन प्रोविजंस को अमेंड किया गया,
जहां पहले डिस्क्रिशन था कोर्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, उसे अब मैंडेटरी बनाया गया और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को एक्सक्लूड कर दिया है, उस पर इंजंक्शन नहीं मिलेगा अगर लगता है इससे डिले होगा तो। बाकी टू और थ्री इसका सबसेक्शन 2-3 रीड करिएगा, नॉर्मल सा प्रोसीजर है कि जो चेंजेस हुए हैं फिर वो पार्लियामेंट के सामने रख दिए जाएंगे। जब पार्लियामेंट के सामने रखे जाएंगे अगर पार्लियामेंट अप्रूव करेगी तो वो कंटिन्यू होंगे, नहीं तो उसी समय खत्म हो जाएंगे। लेकिन जब खत्म होंगे उस बीच में अगर कोई प्रोजेक्ट में जो चेंजेस हो गए हैं, जो काम हो गया है, वो फिर दोबारा चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब है कि इम्यूनिटी प्रोवाइड हो गई है इंफ्रा प्रोजेक्ट को कि आज आपको इंजंक्शन अगर मिलना है, लेकिन आप ये बात शेड्यूल, कोई भी एक प्रोजेक्ट उसको अगर शेड्यूल में डालना है तो ये काम कैसे होगा? पार्लियामेंट जो अभी लिस्ट है वो तो ऑलरेडी है, किसी नए प्रोजेक्ट को अगर उस शेड्यूल की लिस्ट में डालना है तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू किसी नए प्रोजेक्ट को भी उस लिस्ट में डाल देगी, उसके बाद वो पार्लियामेंट के सामने लेट डाउन होके पास होगा। लेकिन जब तक वो पास होगा उसके बीच में अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू हो गया, उसमें कुछ काम हो गया है, तो उसको रिवर्स नहीं करा सकते, तब तक वो इम्यूनिटी का पार्ट रहेगा। वो सबसेक्शन 2-3 में है, दो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार रीड कर लेना। 20 भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिलिम्स के लिए। देखो सेक्शन नंबर तो 20A भी इंपॉर्टेंट है, बी सी तीनों, बी से पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है स्पेशल कोर्ट। अब क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को हमने अलग इम्यूनिटी दी है तो उसके लिए स्पेशल कोर्ट भी बनाए जाएंगे। द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट शैल डेजिग्नेट बाय नोटिफिकेशन पब्लिश इन द ऑफिशियल गैजेट वन और मोर सिविल कोर्ट एज स्पेशल कोर्ट। किसी भी सिविल कोर्ट को स्पेशल कोर्ट का डेजिग्नेशन देगा कौन? देगा स्टेट गवर्नमेंट। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से सेक्शन में है स्पेशल कोर्ट, किन कोर्ट्स को? किसी भी सिविल कोर्ट को दे सकते हैं। कौन देगा डेजिग्नेशन? स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। डेजिग्नेट कर सकते हैं स्पेशल कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द एरिया टू एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन एंड टू ट्राई अ सूट अंडर दिस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटिंग टू इंफ्रा प्रोजेक्ट। इंफ्रा प्रोजेक्ट से रिलेटेड मैटर डील करने के लिए स्पेशल कोर्ट का दर्जा किसी भी सिविल कोर्ट को स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है। 20C बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ सूट। ऐसे सूट्स का डिस्पोजल टाइम बाउंड मैनर में होगा। इंफ्रा प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो सूट्स हैं उनका डिस्पोजल टाइम बाउंड मैनर में होना है, इसके लिए लिखा है। नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अ सूट फाइल्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय द कोर्ट विद इन अ पीरियड ऑफ, अंडरलाइन कर लीजिए, ये सवाल भी आता है प्री में, 12 महीने के अंदर डिस्पोज ऑफ करना है, विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन टू द डिफेंडेंट। सूट ही डिस्पोज ऑफ करना है पूरा का पूरा, चाहे सीपीसी में कुछ भी लिखा हो उससे मतलब नहीं है। जो यहां सूट फाइल हो रहे हैं वो 12 महीने के अंदर डिस्पोज ऑफ हो जाने चाहिए, टाइम बाउंड मैनर में होना, एक्सपीडियस मैनर में होना है, ठीक। और आगे प्रोविजो कहता है, प्रोवाइडेड दैट द सेड पीरियड मे बी एक्सटेंडेड फॉर अ फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स इन एग्रीगेट। और 12 महीने में अगर नहीं हो पा रहा तो 6 महीने और एक्सटेंड कर सकते हैं, बस मैक्सिमम 18 महीने। ये भी क्वेश्चन आते हैं प्री में, मैक्सिमम 18, जनरली पहली बार में 12, एक्सटेंड करना चाहे तो एक्सटेंड करके 6 महीने और, टोटल मिला के 18, इससे ज्यादा नहीं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद देखिए सेक्शन 21। सेक्शन 21, अब देखो ये तो हो गई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बातें, सेक्शन 21 का हेड नोट पढ़िए, पावर टू अवॉर्ड कॉम्पनसेशन इन सर्टेन केसेस। अब बात चल रही है कि कॉम्पनसेशन का क्या है भाई, अभी तो अपन बात कर रहे थे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की, कि कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली कब एनफोर्स कराया जा सकता है, कब एनफोर्स नहीं कराया जा सकता है स्पेसिफिकली, अभी तक अपन इस बारे में चर्चा कर रहे थे। अब बात करेंगे कि कॉम्पनसेशन का क्या है, डैमेज क्या है। मान लीजिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगा किसी ने, नहीं मिला तो क्या कॉम्पनसेशन दे सकते हैं? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देखिए 3-4 कंडीशन होंगी, जहां पे कोर्ट ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देने से मना कर दिया, क्या उस केस में कॉम्पनसेशन दे सकते हैं? दूसरी बात, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दी है लेकिन कोर्ट को लगता है कॉम्पनसेशन भी मिलना चाहिए, तो क्या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ डैमेज भी दिए जा सकते हैं? ये सवालों के जवाब 21 में है। 21 देखिए, इन अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट द प्लेंटिफ मे आल्सो क्लेम कॉम्पनसेशन फॉर इट्स ब्रीच इन एडिशन टू सच परफॉर्मेंस। क्या लिखा है? इन एडिशन, इसका मतलब अगर आप कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग रहे हैं, साथ साथ आप कॉम्पनसेशन भी मांग सकते हैं, कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी चाहिए कॉम्पनसेशन भी चाहिए। आगे देखिए सबसेक्शन 2।
इफ इन एनी सच सूट द कोर्ट डिसाइड्स दैट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑट नॉट टू बी ग्रांटेड, लेकिन कोर्ट डिसाइड करता है कि भैया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो नहीं मिलेगा, मान लीजिए किसी कैटेगरी में फॉल करता है, सेक्शन 14 में लिखा है कौन से वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता, तो मान लीजिए कोर्ट का ये ओपिनियन है उस पर्टिकुलर केस में कि भैया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो नहीं मिलेगा, ऐसे में बट दैट देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज व्हिच वाज ब्रोकन बाय द डिफेंडेंट एंड दैट द प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू कॉम्पेंसेशन फॉर दैट ब्रीच, इट शैल अवार्ड हिम सच कॉम्पेंसेशन. कोर्ट को लगता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो नहीं मिल पाएगा इस केस में, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ था दोनों के बीच और जो डिफेंडेंट है उसने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच भी किया है, तो कॉम्पनसेशन ऐसे केस में कोर्ट दे देगा. भले स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, कॉम्पनसेशन फिर भी दिया जा सकता है. इससे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं प्री में कि अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट नहीं दे रहा है तो क्या कॉम्पनसेशन भी नहीं देगा या दे सकता है. सो द आंसर इज यस, दे सकता है. थर्ड देखिए, इफ इन एनी सच सूट द कोर्ट डिसाइड्स दैट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑट टू बी ग्रांटेड, कोर्ट को लगता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो मिलनी ही चाहिए, बट That it is not sufficient to satisfy the justice of the case. Specific performance court को लग रहा है देनी है, दे सकते हैं, लेकिन साथ में court को यह भी लग रहा है कि specific performance complete justice नहीं करेगा, compensation भी जरूरी है, तो ऐसे केस में court compensation भी दे सकता है along with specific performance. And that some compensation for breach of the contract should also be made to the plaintiff. It shall award him such compensation accordingly. तो दोनों भी मिल सकता है, ठीक. फोर देखिए, इन डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ एनी कॉम्पनसेशन अवॉर्डेड, कॉम्पनसेशन का अमाउंट कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो लिखा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 73 के हिसाब से करेंगे. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 73 बताता है कि कॉम्पनसेशन कैसे कैलकुलेट करना है, डैमेज कैसे कैलकुलेट करना है, उसी तरीके से यहां भी कैलकुलेट किया जाएगा. फिर लिखा है नो कॉम्पनसेशन शैल बी अवॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन अनलेस द प्लेंटिफ हैज क्लेम्ड सच कॉम्पनसेशन इन हिज प्लेंट. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है प्रिलिम्स में कि कॉम्पनसेशन अगर प्लेंट में प्लेंटिफ ने क्लेम नहीं किया, उसने सिर्फ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगी थी, क्या तब भी उसको कॉम्पनसेशन मिलेगा? द आंसर इज नो. प्लीडिंग्स में मेंशन होना चाहिए, प्लेंट में लिखा होना चाहिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और कॉम्पनसेशन, तभी मिलेगा. कॉम्पनसेशन मेंशन नहीं है तो नहीं मिलेगा, लेकिन आगे इसी में प्रोविजो दिया है कि ओरिजिनल प्लेंट में भले ही उसने ना लिखा हो कॉम्पनसेशन, बाद में प्लीडिंग्स अमेंड करके वो एड कर सकता है, ठीक. ये ऑप्शन प्लेंटिफ को दिया है. दैट इज 21. इसके बाद 22 देखिए, पावर टू ग्रांट रिलीफ फॉर पोजेशन पार्टीशन रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी. इसको मैं आपको ब्रीफ कर दूं. बात यह है कि जहां आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग रहे हैं, पोजेशन के लिए अगर आप रिलीफ मांग रहे हैं, प्रॉपर्टी की पोजेशन मांग रहे हैं, तो साथ में आप पार्टीशन भी मांग सकते हैं, रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी भी मांग सकते हैं. पार्टीशन का मतलब, जैसे मान लीजिए आपने किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजेशन के लिए सूट फाइल किया और जो आपको पोजेशन मिलना है, इट इज सब्जेक्ट टू पार्टीशन कि वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक किसी और का होगा, एक पोर्शन आपका. तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ ही कोर्ट में से ये भी मांग सकते हैं कि साहब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के तहत आप पोजेशन तो दीजिए और साथ में पार्टीशन भी कर दीजिए, ये आप साथ में मांग सकते हैं. देखिए, Notwithstanding anything to the contrary contained in the Code of Civil Procedure, any person suing for the specific performance of a contract for the transfer of immovable property may, in an appropriate case, ask for पहला है possession or partition and separate possession of the property in addition to such performance. तो partition भी मांग सकता है, separate possession भी मांग सकता है. जैसे आपने substantive laws में पढ़ा होगा ना, कोई ऐसा घर है जो जिसका पार्टीशन नहीं हुआ था. इस घर में मान लीजिए दो पोर्शन है, एक ये वाला एक ये वाला, और अभी पार्टीशन नहीं हुआ था, ए और बी दोनों भाई इस घर के लिए एंटाइटल्ड है. ए चाहता है कि मैं अपना पोर्शन इस घर का बेच दूं, उसने बेच भी दिया, अग्रीमेंट कर लिया उसने सी के साथ कि भैया मेरा पोर्शन तू खरीद ले 100 रुपए में. अब सी ने एग्रीमेंट के थ्रू, एग्रीमेंट के थ्रू सी एंटाइटल्ड तो हो गया घर के लिए. तो सी जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगने जाएगा कि साहब इन दोनों भाइयों में से दो भाई थे ए और बी, लेकिन अभी पोर्शन डिवाइड नहीं था इनका, दोनों साथ में एंजॉय कर रहे थे जॉइंटली प्रॉपर्टी. ए ने अपना शेयर 50,000 रुपए में सी को बेच दिया. अब सी जब जाएगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराने कि साहब मेरे को पोजिशन दिलाइए, तो वो साथ में ये भी रिक्वेस्ट करेगा कि भैया अभी तो दोनों भाई थे साथ साथ रहते, मेरे को तो सेपरेट पोर्शन चाहिए ना एक. तो पार्टीशन करने का भी आप कष्ट करें साथ में. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में आप मेरे को पोजीशन तो दिला रही है, साथ में पार्टी स्पेसिफिक पोर्शन भी बता दीजिए कौन सा मेरा होगा, ये भी आप कर सकते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ ही ऐड, ये रिलीफ भी.
बी कहता है एनी अदर रिलीफ टू विच ही मे बी एंटाइटल्ड इंक्लूडिंग द रिफंड ऑफ एन अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट पेड। ये मतलब अर्नेस्ट मनी होता है एडवांस अमाउंट। अगर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाह रहे हैं, कुछ एडवांस अमाउंट वगैरह है जिसके लिए आप एंटाइटल्ड हैं रिफंड के लिए, तो वो भी आप वहां मांग सकते हैं। सबसेक्शन टू कहता है नो रिलीफ अंडर क्लॉज ए और बी ऑफ सबसेक्शन वन शैल बी ग्रांटेड बाय द कोर्ट अनलेस इट हैज बीन स्पेसिफिकली क्लेम्ड। जब तक स्पेसिफिकली प्लेंट में लिखेंगे नहीं, ये रिलीफ आपको नहीं मिलेंगे। और सेम प्रोविजो कि भाई अमेंड कर सकते हैं प्लेंट आप इस पर्पस के लिए। लास्ट है द पावर ऑफ द कोर्ट टू ग्रांट रिलीफ अंडर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन वन शैल बी विदाउट प्रेजुडिस टू इट्स पावर्स टू अवार्ड कॉम्पनसेशन अंडर 21। 21 में जो कॉम्पनसेशन देने का अधिकार है, ये सेपरेट पावर होंगे, दोनों सेपरेट होंगे। कॉम्पनसेशन वो तब भी दे सकते हैं, भले पार्टीशन ना दें, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ना दें, कॉम्पनसेशन दे सकते हैं। इसके बाद 23 लिक्विड, ये ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजंस नहीं है जो अभी मैंने पढ़ा ना। 22, 23 कभी कभी प्री में सेक्शन नंबर पूछ लिए जाते हैं, जस्ट कि आपको याद रहे उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। 23 है लिक्विडेशन ऑफ डैमेजेस नॉट अ बार टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। देखिए लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं समझते हैं ना, दो पार्टी जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, कई बार वो उस कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट में ये लिख लेते हैं कि हम दोनों में से जिसने भी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया वो दूसरी पार्टी को इतना अमाउंट एज कॉम्पनसेशन देगा। पहले डिसाइड कर लिया कि जिसने भी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया वो ₹20,000 कॉम्पनसेशन देगा। सेक्शन 23 इस बात को बताता है कि जस्ट बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट में आपने एक लिक्विडेटेड अमाउंट मेंशन किया है एज डैमेज, इसका मतलब ये नहीं होगा कि ब्रीच के केस में अपोजिट पार्टी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मांग सकती। क्योंकि आपने एक लिक्विडेटेड डैमेज मेंशन कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप एंटाइटल्ड हैं कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने के लिए और बदले में आपको सिर्फ कॉम्पनसेशन ही देना पड़ेगा। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है घर बेचने और खरीदने का, और उन्होंने लिख दिया कि दोनों में से किसी ने भी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया तो ₹50,000 कॉम्पनसेशन देना होगा। ए मान लीजिए घर देने से मना करता है, तो जस्ट बिकॉज की अमाउंट मेंशन था कॉम्पनसेशन का एज डैमेज, बी अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ले सकता, ऐसा नहीं होगा। भले लिक्विडेटेड डैमेज मेंशन है, उसके बाद भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिलेगा। ये कहता है 23। सो देखिए अ कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज प्रॉपर टू बी स्पेसिफिकली एनफोर्स मे बी एनफोर्स दो अ सम बी नेम्ड इन इट as the amount to be paid in case of its breach and the party in default is willing to pay the same. If the court having regard to the terms of the contract and other attending circumstances satisfied that the sum was named only for the purpose of securing performance of the contract and not for the purpose of giving to the party any default and option of paying money in lieu of specific performance. लिक्विडेटेड डैमेज मेंशन करने का सेंस ये नहीं है कि आप ब्रीच करने के लिए एंटाइटल्ड हो गए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तब भी मिलेगी। That's it. इसके बाद 24 है बार ऑफ सूट फॉर कॉम्पनसेशन फॉर ब्रीच आफ्टर डिसमिसल ऑफ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। देखिए भाई ये कहता है कि अगर आपने एक सूट फाइल किया, 24 कहता है अगर आपने एक सूट फाइल किया है कोर्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का और वो सूट डिसमिस हो गया, डिसमिस हो गया मतलब आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं हुई क्योंकि आप का जो केस है उसमें कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही होगी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो आपको नहीं मिल रहा है लेकिन आप साथ में डैमेज क्लेम कर सकते हैं, ये आपको 21 में ऑप्शन है। अगर आपने डैमेज क्लेम नहीं किया है इवन आफ्टर अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग एज वेल, तो आप एक सेपरेट सूट फाइल नहीं कर पाएंगे डैमेज मांगने का। अगर आपने एक सूट फाइल किया है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिक रिलीफ मांगने का, तो उसी में कॉम्पनसेशन क्लेम कर लीजिए, तब मिलेगा कॉम्पनसेशन। अदरवाइज सेपरेट एक फ्रेश सूट आप कॉम्पनसेशन के लिए नहीं कर पाएंगे, किसी और रिलीफ के लिए मांगना है वो कर सकते हैं। वो दूसरे रिलीफ कौन से हैं अभी आगे बताऊंगा, जो अपन दूसरे रिलीफ पढ़ेंगे ना, कैंसिलेशन और रेक्टिफिकेशन। लेकिन अगर आपने स्पेसिफिक रिलीफ का सूट फाइल किया है और कॉम्पनसेशन उसी सूट में नहीं मांगा, तो सेपरेट सूट आप फाइल नहीं करेंगे, ये 24 कहता है। और ऐसे ही सीपीसी का जो ऑर्डर टू रूल टू है कि सारे रिलीफ एक ही बार में मांग लीजिए, मल्टीपल सूट फाइल नहीं होंगे, ये बिल्कुल उसी की तरह प्रोविजन है 24 भी। ठीक, ऑल राइट। इसके बाद देखिए लास्ट 25 एनफोर्समेंट ऑफ अवार्ड्स एंड डायरेक्शंस टू एग्जीक्यूट सेटलमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीडिंग सेक्शंस टू सर्टेन अवार्ड्स एंड टेस्टामेंट्री डायरेक्शंस टू एग्जीक्यूट सेटलमेंट। ये 25 बस ये कहता है कि ये जो प्रोविजन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अपन कॉन्ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, ये प्रोविजन
अवार्ड्स पे भी एप्लीकेबल होंगे जो आर्बिट्रेशन के होते हैं, ऐसे अवार्ड्स जिनको आर्बिट्रेशन एक्ट कवर नहीं करता उन अवार्ड्स पे भी सेम ये प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, बस इस बात का डिक्लेरेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। ठीक। अच्छा, दीपांशु का एक डाउट है कि क्या एज पर सेक्शन 23(2) स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ लिक्विडेटेड डैमेज भी मिलेंगे? भाई देखो, डैमेज का अधिकार तो आपके पास एनीवेज है, और जो 23 है वो बहुत क्लियरली इसलिए ये बात कहता है कि जो आपका कॉम्पेंसेशन का अधिकार है, दैट इज इसका 23 का सबसेक्शन 2 देख लो दीपांशु। व्हेन एनफोर्सिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अंडर दिस सेक्शन द कोर्ट शैल नॉट आल्सो डिक्री पेमेंट ऑफ द सम सो नेम्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। जो लिक्विडेटेड अमाउंट है वो कोर्ट नहीं देगा अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिल रहा है तो। इसका आंसर तुम्हारे क्वेश्चन का सबसेक्शन 2 में है, जिसमें बहुत क्लियरली लिखा है व्हेन एनफोर्सिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अंडर दिस सेक्शन द कोर्ट शैल नॉट आल्सो डिक्री पेमेंट ऑफ द सम सो नेम्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो लिक्विडेटेड डैमेज के केस में अगर आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिल रहा है तो जो स्पेसिफाइड सम है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका पर्पस बहुत क्लियर होता है, उसका पर्पस व्यक्ति को ब्रीच करने से रोकना ही होता है। और जब हम ऑलरेडी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उससे फुलफिल करवा रहे हैं, इसका मतलब हम अब उसको ब्रीच करने का ऑप्शन आगे नहीं दे रहे हैं, उससे एनीवेज हम ड्यूटी परफॉर्म करवा ले रहे हैं। और जो लिक्विडेटेड सम होता है उसका भी पर्पस ये होता है, एक बाइंडिंग, एक प्रेशर की तरह काम करता है कि तुम्हें ऑब्लिगेशन फुलफिल करना, दोनों का पर्पस सेम। हाँ, लेकिन अदरवाइज सेक्शन 21 में अगर कोर्ट को लगता है कि यार स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यहाँ सफिशियंट नहीं होगा, डैमेज भी देना है, तो उस हिसाब से डैमेज मिलेगा, बट लिक्विडेटेड डैमेज नहीं, क्योंकि लिक्विडेटेड डैमेज का भी वही पर्पस है जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इंश्योर कराना, और वो हम करवा ही रहे हैं एनीवेज। सो दैट्स अबाउट सेक्शन 24-25। आई होप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की दूसरी रेमेडी बड़े अच्छे से आपके समझ में आ गई है। तो दो चीजें हमने कंप्लीट कर ली, पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जो सबसे बड़ा पोर्शन था इस पूरे एक्ट का, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे मैं बढ़ूंगा कल, कल फिर आ जाइए 12 बजे। कल की क्लास ऑब्वियसली थोड़ी छोटी होगी, क्योंकि अब प्रोविजन कम बचे हैं और मुझे ब्रीफिंग नहीं देनी है पूरे सब्जेक्ट की। वो ओवरव्यू जो ये मैंने आपको समझाया था कि ये किस लिए है, क्या बात करता है, वो सब अगर आपने समझ लिया है तो बिलीव मी, ये प्रोविजंस आपके लिए अब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेंगे। एंड आई होप जितना हमने पढ़ा है वो आप समझ पाए हैं। कल फिर आ जाइए ठीक 12 बजे, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट खत्म कराऊंगा। अभी डिक्लेरेटरी डिक्री, इंजंक्शन, कैंसिलेशन और रेक्टिफिकेशन पढ़ना है। दो रेक्टिफिकेशन कैंसिलेशन का जो बैकग्राउंड है वो अपन अभी डिस्कस कर चुके हैं, अब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। डिक्लेरेटरी डिक्री एक अलग कॉन्सेप्ट है, जो मैंने आपको बताया था कि एक बच्चा कहता है कोर्ट के पास जाके कि आप डिक्लेयर कर दीजिए कि यही हमारे पापा हैं, ऐसी डिक्री को अपन कहते हैं डिक्लेरेटरी। उसके बारे में बात करेंगे कल। तो भाई आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन फॉर प्रिलिम्स एग्जामिनेशन ऑफ एनी स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन, SRA जहां जहां आता है, बिलीव में इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा जो पूछा जाएगा। तो कल इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, कल फिर आ जाइए ठीक 12 बजे।